नमस्कार सगळ्यांना, मी डॉक्टर आशिष झरारिया ओमेगा हॉस्पिटल तर्फे आपण सगळ्यांचं इथे स्वागत करतोय. प्रेग्नन्सी म्हणजे मातृत्व ही खर तर सगळ्यांना आनंद देणारी बाब असायला पाहिजे, परंतु बऱ्याचदा असं होत नाही. हाय रिस्क प्रेग्नन्सीज म्हणा, IVF IUI कन्सेप्शन म्हणा, किंवा बऱ्याचदा इव्हन प्रेग्नन्सीच्या नॉर्मल प्रॉब्लेम्स लाईक हातपाय दुखणं, वॉमिटिंग, मळमळमुळे प्रेग्नन्सी बऱ्याचदा ही खूप आनंददायक बाब राहत नाही. तर अशा परिस्थितीत काय करायचं याच्यासाठी आम्ही हे गर्भसंस्कार विवेचन आणलेलं आहे तुमच्यासाठी. प्रत्येक महिन्याला आम्ही हे करत असतो. डॉक्टर चैतन्य सर आणि मनीषा शेंबेकर मॅडम यांच्या नेतृत्वात ओमेगा हॉस्पिटलची संपूर्ण टीमचं एकच ध्येय असते, व ते म्हणजे सगळ्यांचं मातृत्व हे एन्जॉय करायला पाहिजे. तर मातृत्व एन्जॉय करायला पाहिजे म्हणजे नेमकं काय करायचं, तर हे या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. ओमेगा चॅरिटेबल ट्रस्ट व मनशक्ती केंद्र लोणावळा मिळून प्रत्येक महिन्याला आम्ही हे गर्भसंस्कार विवेचन आपल्या समोर आणत असतो. आणि यावेळेस आपल्यासोबत रोटरी क्लब ऑफ नागपूर डाऊनटाऊन यांचे पण लोक सहभागी झालेले आहेत, तर त्यांचं मी इथे स्वागत करतो. याच्या तीन लेक्चर्स किंवा व्याख्यानं राहणार आहेत. पहिलं आहे गर्भसंस्कार, दुसरं न्यूट्रिशन आणि ब्रेस्ट फिडिंग, आणि तिसरं योगा ड्युरिंग प्रेग्नन्सी. तर गर्भसंस्कार बद्दल आपल्या सगळ्यांना माहितच आहे की आपल्या कल्चरमधून खूप जुनाट ही गोष्ट आहे गर्भसंस्कार. तसेच वेस्टर्न कल्चरमध्येही गर्भसंस्कार हे मानलं जातं. द बॉन्ड बिटवीन मदर अँड चाइल्ड इट स्टार्ट फ्रॉम द युट्रो, तर हे याचं कन्सेप्ट आहे गर्भसंस्कारचं. अभिमन्यूपासून भक्त प्रल्हाद बद्दल सगळ्यांना माहित आहे, परंतु हेही लक्षात ठेवा की वेस्टर्न कल्चरमध्येही ते मोझार्टचं संगीत ऐकतात, जेणेकरून गर्भसंस्कार व्हायला पाहिजे व बाळ फिजिकली आणि सायकोलॉजिकली स्ट्रॉंग व्हायला पाहिजे. तर हे बेसिक कन्सेप्ट आहे गर्भसंस्कारचं. याबद्दल जयश्री भिडे मॅडम आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. मी जयश्री भिडे मॅडमचं इथे स्वागत करतो. दुसरं व्याख्यान राहणार आहे न्यूट्रिशन आणि ब्रेस्ट फिडिंगवर. आपल्या कल्चरमध्ये याबाबत एवढे मिथ्स आणि कन्फ्युजन आहेत की सगळ्यांचं खूप कन्फ्युजन असतं. सगळ्या ज्या आया आहेत त्या सांगत असतात, सासू वेगळं सांगते, आई वेगळं सांगते, बाजूची बाई वेगळं सांगते, तर काय एक्झॅक्टली करायला पाहिजे हे आपल्याला आज इथे जयश्री भिडे मॅडम सांगणार आहेत. सगळं म्हणतात बॅलेन्स डायट घ्यायचं, तर बॅलेन्स म्हणजे एक्झॅक्टली काय बॅलेन्स हे मॅडम आपल्याला आज या दिवशी सांगणार आहेत. तिसरं आहे योगा. योगा इन प्रेग्नन्सी हे खूप फायद्याचं आहे, सगळ्यांना माहित आहे, पण करायचं कसं याबद्दल आपल्याला सच्चिदानंद माथुरकर सर सांगणार आहेत. योगाने बरेचसे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतात. प्रेग्नन्सी जे मायनर प्रॉब्लेम जसे पेन आणि क्रॅम्प, ज्याच्याने योगाने याला मदत होते. स्ट्रेस लेवल खूप कमी होतो योगा केल्याने. तर स्ट्रेस लेवल कमी होऊन बीपी शुगर सारख्या गोष्टी कंट्रोल व्हायला मदत होते. याच्यासोबत आपल्याला नॉर्मल डिलिव्हरीमध्येही बऱ्याचदा योगाने मदत करतात. तर याबाबत सच्चिदानंद सर आपल्याला मार्गदर्शन करतील. तर मी सगळ्यांचं जयश्री भिडे मॅडमचं, आराधना थाटे मॅडमचं, सच्चिदानंद माधुरकर सरांचं इथे स्वागत करतो व त्यांना पुढील कारवाईसाठी सांगतो. आणि सोबतच आपल्या रोटरी क्लब ऑफ नागपूर डाऊनटाऊन यांचे प्रेसिडेंट श्री ऋषिकेश मयी आपल्यासोबत आहेत, तर त्यांना मी निवेदन करतो की त्यांनी 2 मिनिटं या कार्यक्रमात बोलाय. ऋषिकेश मयी सर, सर वेलकम. अनम्यूट करून सर 2 शब्द बोलायचे. हा सॉरी, आता मी मला अनम्यूट करता येत नव्हतं. थँक्यू ओमेगा हॉस्पिटल आणि डॉक्टर आशिष झरारिया आणि ओमेगा ची पूर्ण टीम. मी डॉक्टर ऋषिकेश माई, मी रोटरी क्लब नागपूर डाऊनटाऊन चा अध्यक्ष आहे आणि डॉक्टर चैतन्य शेंबेकर आणि आमचे बरेच जुने संबंध आहेत. आणि मी असं म्हणू शकतो की दे आर डुईंग रिमार्केबल वर्क. आणि म्हणजे गर्भसंस्कार हे आपल्याला म्हणजे यू नो इट बेटर की त्याचे फायदे खूप होतात. मुलाच्या शारीरिक नाही तर मानसिक डेव्हलपमेंट साठी पण ते अत्यंत गरजेचं आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जे म्हणजे मदर ची हेल्थ, जी की खूप प्रायमरी कन्सर्न असतं, त्यांच्या मेंटल हेल्थ साठी पण गर्भसंस्कार हे अतिशय महत्वाचे आहेत. आणि माझं म्हणजे मी तसा डोळ्याचा डॉक्टर आहे, पण माझा एक मित्र आहे जो गायनेकोलॉजिस्ट आहे, आणि त्यांनी जसं तुम्ही म्हणाले की ते मोझार्टचं म्युझिक ऐकतात,
तर म्हणजे प्रत्येक संस्कृतीमध्ये आपापलं एक त्यांनी म्युझिक किंवा गर्भसंस्कारचे वेगवेगळे हे बनवून घेतलेले आहेत कल्चरल प्रायोरिटीज देऊन. तर गर्भसंस्कार ह्याला सायंटिफिक बेसिस पण आहे आणि आपण म्हणजे त्याचा सगळ्यांना फायदा हा निश्चितच होतो. या उपक्रमाद्वारे मी ओमेगा हॉस्पिटलचे थँक्यू म्हणतो की त्यांनी या असे उपक्रम घेऊन मदर अँड चाइल्ड हेल्थ साठी ते फार मोठं योगदान करतात. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉईनिंग अस. आता मी फर्स्ट स्पीकरला इन्व्हाइट करतो गर्भसंस्कार बद्दल विवेचन करण्यासाठी. जयश्री भिडे मॅडम, प्लीज टेक ओव्हर. आशिष सर, हो मी अगदी 2 मिनिटात जयश्रीताईंचा परिचय फक्त करून देते. बिलकुल बिलकुल मॅडम, येस. नमस्कार, मैं आराधना ताठे. अभी अभी आशीष सर ने आज के प्रोग्राम के बारे में पूरी आपको जो आज का जो शेड्यूल है उसके बारे में पूरा बता दिया है. अभी जन्म पूर्व गर्भ संस्कार का जो विवेचन है उसके बारे में आपके सामने विषय रखने के लिए आ रही है जयश्रीताई भिड़े. बाय प्रोफेशन जयश्रीताई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है. उन्होंने मध्य रेल नागपुर में गत 32 साल एज अ सीनियर सेक्शन इंजीनियर काम किया है और गत 2 साल से उन्होंने स्वेच्छानिवृत्ति ली है क्योंकि उनको यह लगता है कि समाज के प्रति उनका कुछ ऋण है, उनको कुछ करना है, तो खुद को उन्होंने इस गर्भ संस्कार के काम में झोंक दिया है. तो अभी आपके सामने गर्भ संस्कार का विवेचन रखने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ जयश्रीताई भिड़े इनको. और आज के कार्यक्रम की शुरुआत शारदा स्तवन से होगी. अगर जिग्नेश जी या अस्मी दोनों में से कोई भी एक प्लीज आप स्टार्ट कर दीजिए. हाँ धन्यवाद. या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः, देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेष जाड्यापहा. जयति जय श्री शारदे मा, जयति जय श्री शारदे मा, वाकवाणी रागिणी तू, वाकवाणी रागिणी तू, कंठ सुरतन रंग भर दे. जयति जय श्री शारदे मा, जयति जय श्री शारदे मा. साधना संगीत लय दे, साधना संगीत लय दे, वीणा पाणी प्रखर मति दे, वीणा पाणी प्रखर मति दे, तार दे अनुरूप वर दे. जयति जय श्री शार. Yeah.
जिग्नेशी झालं का? राष्ट्र माता भारती तू, राष्ट्र माता भारती तू, वेदवाणी विद्या बल दे, वेदवाणी विद्या बल दे, राष्ट्र को संपन्न कर दे, जयति जय श्री शारदे मा, जयति जय श्री शारदे मा, वाकवाणी रागिणी तू, कंठ सुरतन रंग भर दे, जयति जय श्री शारदे। कार्यक्रम के शुरू में मैं यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और कार्यक्रम के आरंभ में ही डॉक्टर चैतन्य शेम्बेकर, ओमेगा टीम, ओमेगा हॉस्पिटल टीम और डॉक्टर आशीष को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। मुझे बहुत आनंद हुआ है कि आज हमारे साथ रोटरी क्लब नागपुर के ऋषिकेश, डॉक्टर ऋषिकेश माई भी ज्वाइन हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज का वो कार्यक्रम पूर्ण रूप से यदि देख पाते हैं या इतना अपना समय दे पाते हैं तो ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात होगी। आज के ये कार्यक्रम में हमारा ये कार्यक्रम जो 3 सत्र में होने वाला है, इसमें से जो ब्रेस्ट फीडिंग और आहार डाइट के ऊपर जो मार्गदर्शन करेंगी वो आराधना ताई आपको मार्गदर्शन करेगी, जो सेशन मेरा सेशन होने के जिनका सेशन मेरा सेशन होने के बाद होगा। तो कार्यक्रम के आरंभ में जैसे बताया गया है कि मैं मनशक्ति केंद्र लोनावाड़ा की ओर से यहाँ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, तो मनशक्ति केंद्र के बारे में मैं थोड़ा सा आपको अवगत कराती हूँ। मनशक्ति केंद्र ये मुंबई पुणे जो हाईवे एक्सप्रेस हाईवे वहां पे लोनावाड़ा नाम की जो छोटा ये गाँव है वहां पे ये संस्था गत 50 साल से काम कर रही है। अभी ये जो साल चल रहा है वो उनका मतलब संस्था का सुवर्ण महोत्सवी वर्ष चल रहा है और ये काम ये जो संस्था है ये एक एनजीओ है और यहाँ पे मतलब हमारे जैसे जिंदगी का दौर चलता है और जिंदगी के दौर में हमारी हर एक आयु हमारे आयु के विभिन्न टप्पे होते हैं और हर एक आयु के जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो अलग है और उस रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारे प्रॉब्लम्स भी है ना। ऐसा तो है नहीं कि ऐसा बोल दूं कि अभी मैं 10 साल की हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम है और 40 साल की होंगी तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो प्रॉब्लम मतलब हमारे प्रॉब्लम भी क्यों है तो हमारे देखने की जो दृष्टि है उसके कारण हमको ये प्रॉब्लम जिंदगी का जो दौर है उसे हम प्रॉब्लम समझते हैं। तो मन शक्ति केंद्र यहाँ हमारे जीवन में जो हर एक मोड़ आते हैं आयु के जो मोड़ है उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स है या समस्या है उसे सुलझाने में हमें मदद करती है। यहाँ पे जैसे मानवीय जीवन का उदाहरण लिए तो गर्भ संस्कार जो हमारा पहला टप्पा है 0 to 9 months जो माँ के पेट में है उसे जन्मपूर्व गर्भ संस्कार कहा जाता है। उसके बाद है 1 से 7 साल के बच्चों के अभिभावक या पेरेंट्स के लिए वहां पे मार्गदर्शन किया जाता है जिसे मेंदु क्रांति बोला जाता है। तीसरा टप्पा है 8 से 14 साल का, यहाँ पे जहाँ पे बच्चों और पेरेंट्स दोनों को भी अलग अलग तरीके से मतलब एक ही जगह लेकिन अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार उन्हें गाइडेंस दिया जाता है। उसके बाद है 15 से 21, वो भी पेरेंट्स और बच्चों दोनों को भी वहाँ पे मार्गदर्शन किया जाता है। सिर्फ आप बोलेंगे मैं मेरे बच्चों को भेज देता हूँ आप उन्हें गाइड कर दीजिए तो वहाँ पे वो अलाउड नहीं है। पेरेंट्स का आना जरूरी है और पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों को दोनों को भी किस तरीके से हमने जीवन को देखना चाहिए, हमारी उस एज की क्या समस्या है, इस प्रकार से पूरा मार्गदर्शन किया जाता है। इसके सिवा मतलब हर एक हमारी जो क्या बोलेंगे जैसे देव दर्शन अनुभव, योग शक्ति ध्यान,
मत्सर घात मुक्ति, जीवन मृत्यु विज्ञान, इस प्रकार से करीबन 28 प्रकार के वहां पे कोर्सेस होते हैं। ये तीन तीन दिन के एक कोर्स होते हैं और यहाँ पे आप जाके रह सकते हैं रहना पड़ता है। और वहाँ वो रहना की खाने पीने की पूरी व्यवस्था वो लोग करते हैं। अभी कोरोना के एक महामारी में वहाँ पे ये बहुत सारे उनके जो कार्यक्रम है या वर्कशॉप्स है वो ऑनलाइन भी हुए हैं। तो हमारा आवाज ठीक है तो है ना। तो ये जो संस्था ये की है किन्होंने आरंभ किया, तो मनशक्ति केंद्र के आद्य चिंतक श्रीयुत विज्ञानानंद ये थे। मन की शक्ति अपार है, मन की शक्ति का हमें एहसास होता नहीं है और इसीलिए यदि हम मन की शक्ति को पहचानेंगे तो हम जो कार्य करना चाहते हैं उसे हम सक्सेसफुली यशस्वी रीत्या कर सकते हैं। तो मन की व्याख्या उन्होंने की, ये जो स्वामी विज्ञानानंद थे उनकी ये थी विशेषता कि उन्होंने कभी अपना फोटो या स्टेचू उनका कहीं नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी मेरी विचार है वो मेरे पुस्तक में मैंने लिखे है। उन्होंने करीबन 250 से ज्यादा किताबें लिखी है और जो अभी हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती में भी उपलब्ध है। इसके बाद मैं और एक बताना चाहूंगी कि वहाँ जो मन शक्ति केंद्र है वहां पे मन की टेस्ट लेके हमें हमारी मन की जो परेशानियां है उन्हें उसके लिए मार्गदर्शन किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम आजकल कभी भी कुछ भी हमें प्रॉब्लम हुआ तो डॉक्टर बोलते हैं कि ब्लड टेस्ट कर लो, यूरिन टेस्ट कर लो, लेकिन अपन ने कभी सुना नहीं है कि मन की टेस्ट की जाती है। लेकिन मन शक्ति केंद्र लोनावला में करीबन 68 टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स है जिसके द्वारा वो हमारी मन की जो अवस्था है उसका वो ये लेते हैं, मतलब टेस्ट के द्वारा उसकी जानकारी लेते हैं और हमें उसके हमारे प्रॉब्लम्स के लिए हमने क्या करना चाहिए उसका हमें मार्गदर्शन करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। तो ये मन शक्ति का परिचय देने के बाद मैं आज का विषय शुरू करने से पहले एक राष्ट्र कल्याण की प्रार्थना हम लेते हैं। राष्ट्र कल्याण की प्रार्थना, यह राष्ट्र बड़ा होना चाहिए, इसके लिए अविरत श्रमों के साथ साथ वातावरण शुद्धि भी होनी चाहिए। इन दोनों की एकत्रता हम कर रहे हैं। मानवता कल्याणमस्तु, राष्ट्र कल्याणमस्तु, व्यक्ति कल्याणमस्तु। तो हमारे लिए राष्ट्र है सबसे ऊपरी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए जो भी है उसके लिए जब तक यदि राष्ट्र उसके पीछे नहीं है या राष्ट्र में शांति नहीं है तो उसका जीना व्यर्थ है। उसके लिए बहुत ऐसी संभावनाएं हैं कि आगे जाके उसके लिए बहुत ज्यादा कठिनाई आती है। तो ये प्रार्थना लेने के पीछे मकसद क्या है, ऐसा किसी के मन में प्रश्न हो सकता है। तो हमारा मतलब मन शक्ति का ये इतना उद्देश्य है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो राष्ट्र की संपत्ति है, वो आज की नहीं तो आगे जाके हमारे राष्ट्र को राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग देने वाली पीढ़ी है। और इसे हम गर्भ संस्कार के माध्यम से जितना अच्छे से अच्छा बना सकते हैं ये हमारा इसके प्रति मतलब आज का हमारा ये उद्देश्य है गर्भ संस्कार का। तो क्या है जन्म पूर्व गर्भ संस्कार? तो ये नाम आपने देखा होगा, जन्म पूर्व गर्भ संस्कार, इसके हम तहत में जाते हैं थोड़े से। तो पहले देखते हैं कि जन्म पूर्व अवस्था क्या है। तो क्या होता है कि उसके जन्म पूर्व बात का शब्द है गर्भ। ये गर्भ क्या होता है? तो गर्भ ऐसा है कि जिस समय एक स्त्री पेशी जिसे हम एक कहते हैं और एक पुरुष पेशी जिसे हम स्पर्म कहते हैं, तो ये दोनों का जब भी मिलन होता है, एक पुरुष और स्त्री जब एक साथ आते हैं तो ये जो गर्भ पेशी उस समय तैयार होती है। हर बार इतना इजीली गर्भ तैयार होता है क्या? इज इट सो इजी? लेकिन ये आज का हमारा विषय नहीं है, क्योंकि ये एक स्त्री पुरुष बीज का मिलन ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है और जिसे मतलब आजकल के इसमें बहुत जितना हमारा साइंस की गहराई में हम जा रहे हैं
और जितना रिसर्च और ये कर रहे हैं तो हमारे ध्यान में आ रहा है कि ये इतनी इतनी मतलब एक दो पेशी साथ में आ गई और हो गई ऐसी बात नहीं है. इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड दैट प्रोसेस. बट हमको आज हमारा विषय वो नहीं है इसलिए हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे. लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि मन शक्ति केंद्र में सुप्रजनन सुप्रोक्रिएशन नाम का एक अभ्यास वर्ग है जहाँ पे आपको जो माता पिता अपना लेना चाहते हैं चांस लेना चाहते हैं जिन्हें चाहते हैं कि मैं अपत्य प्राप्ति हो उसे अपत्य के पूर्व हमने क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए इसके बारे में जिससे हमारा बच्चा सुदृढ़ निरोगी बालक हो इस प्रकार से मार्गदर्शन किया जाता है. तो ये गर्भ की पेशी तैयार हो गई और ये गर्भ की पेशी जिस समय तैयार हो गई तो उसके बाद उसके जिस समय गर्भ की पेशी तैयार हो गई वह पेट में है इसीलिए जन्म पूर्व की जो स्थिति है वो पेट में जो बच्चा है गर्भ से वो विकसित होके बच्चा बनता है. तो ये गर्भ की स्थिति जो पेट में है उसके ऊपर हम संस्कार करेंगे. ये जन्म पूर्व गर्भ संस्कार शब्द का अर्थ हुआ. अब आगे जाके देखते हैं कि संस्कार क्या है. संस्कार मतलब सबने सुना है आजकल तो बहुत ज्यादा सुनते हैं. तो क्या इसकी एक आधी टैबलेट मिलती है क्या हम ले लेते हैं या इसका कहीं वो है क्या एक आधा ऐप. अभी इतने सारे ऐप्स आ रहे हैं एक आधा ऐप इसका भी बना दो ना गर्भ संस्कार का. बस उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं कि हो गया हमारा हमारा जो बच्चा आने वाला बच्चा सुसंस्कृत हो जाएगा. लेकिन ये अभी तक तो पॉसिबल नहीं है ना. तो संस्कार का डेफिनेशन भी आप देखने जाएंगे डिक्शनरी में तो उसका अर्थ है प्यूरिफिकेशन शुद्धिकरण. अभी स्वामी विद्यानानंद ने क्या बनाई है संस्कार की व्याख्या तो गुणों का गुणाकार और दोषों का भागाकार. हम जो भूतला पर सभी मानव जात जन्मे है हर एक प्राणी हर एक मनुष्य अपने साथ कुछ सद्गुण लेके आता है कुछ दुर्गुण लेके आता है. मतलब हमारी प्रकृति ऐसी है कि हम जैसे अष्टधा प्रकृति से बने हैं ऐसा बोलते हैं जिसमें पंच महाभूत और सत्व रज तम ये तीनों का मिलन ऐसा करके ये पांच महाभूत जिसमें पृथ्वी फिर पृथ्वी जल तेज और फिर पवन मतलब वायु और फिर आकाश ये पांचों का संगम होके और ये सत्व रज तम गुण मिलके हमारी ये प्रकृति बनी है. तो ये हम इनहेरेंट क्वालिटीज लेके आते हैं जो हमारे में हमें दिखती है कि काम क्रोध लोभ मोद मद मोह मत्सर इस तरीके से हम साथ में लेके आते हैं. तो ये इसके साथ साथ हमारे पास कुछ अच्छी क्वालिटीज भी है. तो हमारे पास जो अच्छी क्वालिटीज है उसको हम कैसे बढ़ाए और हमारे ऊपर हमारे में जो कम मतलब ये जो दुर्गुण या ऐसी अच्छी बातें नहीं है इसको हम कैसे कम करने में मतलब विकसित करें खुद को इसे हम संस्कार बोल सकते हैं. अभी मतलब ये किसी के मन में भी प्रश्न हो सकता है कि आजकल ही बहुत ज्यादा हो गए गर्भ संस्कार क्या जरूरत है हमने तो कभी देखा नहीं है ना. आपके घर में भी इस प्रकार से कोई बोल सकता है. तो इस ये गर्भ संस्कार का नाम हमने बहुत पहले से सुना है. अगर हमारे जैसे भी डॉक्टर ने भी बताया डॉक्टर आशीष कि अभिमन्यु से लेके अभिमन्यु का उदाहरण सबको मालूम है फिर भी बताना चाहूंगी कि अभिमन्यु जिस समय अपने माँ के पेट में मतलब सुभद्रा के पेट में थे उस समय उनके पिता महाभारत के अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र है अभिमन्यु. तो ये अर्जुन उसको महाभारत की कहानी सुना रहे थे कि कितने दिनों सालों बाद महाभारत होने वाला है युद्ध होने वाला है. उस समय यह युद्ध में चक्रव्यूह मतलब सेना की रचना कैसी की जाएगी इसका वो ज्ञान अपने पत्नी को दे रहे थे और ये ज्ञान अभिमन्यु उनके पेट में सुन रहा था. तो इसका ये परिणाम ये हुआ कि जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ वो चक्रव्यूह का भेद सिर्फ मतलब ये अभिमन्यु कर पाया जो बड़े बड़े महारथी नहीं कर पाए. दूसरा उदाहरण देती हूँ आपको शिवाजी महाराज का. हमने शिवाजी महाराज का नाम बहुत सुना है. हमने ही नहीं हमारे देश के लिए नहीं पूरे जगत के लिए उनका एक आदर्श राजा नाम के नाम से उनका उनकी पहचान है. तो उनकी जो माँ थी जिजाऊ उस समय जिस समय महाराज का जन्म होना था उस समय महाराष्ट्र की परिस्थिति पूरे देश की बहुत मतलब ऐसी कठिन थी. जो देखो वहां पे यवनों का राज्य था
और बहुत ज्यादा सबको कहीं असुरक्षित रहता लगता था। जो मन में आया वैसे वो लोग व्यवहार करते थे, मन में आया लड़की को उठा लिए, मन में आया इसी को मार दिया। तो जीजाबाई के मन में ये विचार आया कि मैं ऐसे पुत्र को जन्म दूं जो अपनी प्रजा के लिए, मतलब अपनी रयत के लिए, अपने लोगों के लिए ऐसा अच्छा काम करे कि जिन्हें अपना ये राज्य स्वराज्य लगे, उन्हें लगता लगेगा कि हाँ ये मेरा मेरा राज्य है। जैसे हम घर में किसी के साथ रहते हैं और हमारा, हमको जब लगता है कि यह मेरा घर है तो हमारा उस घर के प्रति बहुत अच्छा लगा हो जाता है। हम उसके घर के, घर में जो भी है उसमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हम देना देते हैं। उसी प्रकार से जब हमको ये राज्य हमारा लगे, स्वराज्य लगे, तो इसमें हर एक मानव का, वहां में रहने वाले का ये दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि मेरा घर है या मेरा राज्य है तो मैं कैसे इसको अच्छा रखूं। इस प्रकार से तीसरा उदाहरण है महात्मा ज्योतिबा फुले का। महात्मा ज्योतिबा फुले जो जिन्होंने, जिनका नाम हमने सुना है, बहुत बड़े समाज सुधारक हुए थे और जिन्होंने उस दौरान ऐसा था कि लड़कियों के लिए शिक्षण या शिक्षा व्यवस्था नहीं उपलब्ध थी, तो उन्होंने अपने अपने पत्नी को सिखाया और फिर दोनों ने मिलकर पूरे महिला वर्ग को, स्त्री वर्ग को किस प्रकार से शिक्षा दी जाएगी, इस प्रकार से प्रावधान किया था। तो ये जब उनके, ये ज्योतिबा जब उनके माँ के पेट में थे तो उनकी माँ ज्योति के सामने, मीन्स ज्योति मीन्स दिए की ज्योति, लो जिसे बोलते हैं, उसके सामने खड़े होकर प्रार्थना करती थी कि हे ज्योति, मेरा बेटा तेरे जैसा जो प्रकाशमान हो, तेजस्वी हो, और इसीलिए उनका नाम भी ज्योतिबा रखा गया। और हम आज सब हम शुक्र गुजार है उनके, तह दिल से हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो काम किया उसी के कारण आज हम यहाँ पे आपके सामने बोल पाते हैं, है ना। चौथा उदाहरण लेती हूँ झाकिर हुसैन का। झाकिर हुसैन का नाम हमने सबने सुना है, वो प्रसिद्ध तबला वादक है। तो उनको एक ये चल रही थी, इंटरव्यू चल रहा था और उन्होंने, उनको बताया गया कि, उनको पूछा गया कि आपने कब से तबला बजाना चालू किया, कब से सीखा आपने। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि मैं जब माँ के पेट में था तब से मैं तबला बजा रहा हूँ। तो सामने वाली के जो ले रही थी इंटरव्यू, उसके समझ में नहीं आया। तो ये उनके पिताजी झाकिर हुसैन के, वो भी उस्ताद अलार खां, वो भी तबला वादक है, थे पहले, प्रसिद्ध थे, अभी नहीं है वो, तो प्रसिद्ध तबला वादक थे। उन्होंने, वो जब अपने मतलब ये जब झाकिर हुसैन अपने पेट में था माँ के, तब वो उनके पेट पे, माँ के पेट पे तबला के बोल बताते थे। इसीलिए उन्होंने बोला कि मैं जब से माँ के पेट में था तब से मैं ये तबला सीख रहा हूँ। तो ये मैंने आपको चंद उदाहरण दिए, अभी ऐसे बहुत उदाहरण आपको मिलेंगे। हमारे यहाँ पहले ऐसा था कि घर में पूरी जनरेशन रहती थी। अभी एक हमारे जमाने से भी, मतलब समझ लीजिए 25-30 साल पहले तक घर में 3 या 4 ऐसी जनरेशन रहती थी। और अभी भी भारत में, अभी भी नागपुर में ऐसे घर होंगे जहाँ पे ये 3-4 जनरेशन रहती है। तो ऐसा होता है कि फिर जनरेशन में क्या होता है कि एक ज्ञान दूसरे में अपने आप ऐसा आते रहता है कि ये माँ ने ऐसा बताया, दादी ने ऐसा बताया, नानी ने ऐसा बताया। तो वो हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देती थी कि इस प्रकार से आप रहो, इस प्रकार से करो, ये करो, ये नहीं करो, तुम प्रेग्नेंट हो तो तुमने ये करना चाहिए, तुमने वो नहीं। तो आजकल कैसा हो गया, आज तो हमको देखता है दिस इज अ न्यूक्लियर फैमिली का जमाना है, हम दो ही जन रहते हैं। और बहुत बार यदि किसी ने हमको बताया तो भी हमको लगता है इसमें कुछ शास्त्र नहीं है या ये ऐसी मनगढ़ंत बातें हैं, क्योंकि हमें विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान को डाटा चाहिए, विज्ञान को ऐसा चाहिए कि हाँ मुझे इसका प्रूफ चाहिए। तो ये जो मन शक्ति केंद्र है, उन्होंने ये जो मन गर्भ संस्कार का जो है उसके पास उनका डाटा तैयार है। 1963 में पहली बार स्वामी विज्ञानानंद ने गर्भ संस्कार का प्रयोग किया था। और ये मन शक्ति केंद्र जो है, ये इट इज रिसर्च सेंटर, प्रयोग केंद्र है, जो हमारे हमारे जो पुरखों ने या हमारे संत ऋषि साधुजनों ने जो हमें ज्ञान दिया है, उससे आध्यात्मिक ज्ञान को उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से उसको कैसा सचता वो ये हमको बताती है। तो इसीलिए ये वहाँ का जो डाटा है, फिर ये जो संस्था है उससे, उसके साथ अमेरिका की अभा नाम की संस्था है वो भी जुड़ी है। और फिर यहाँ के रिसर्च जो से हमारे केंद्र में जो डॉक्टर डॉक्टर की टीम है या जो काम करती है इसमें, तो वो जो रिसर्च है वो उसका भी
लेन देन वो अपा नाम की संस्था से होता है और इसी कारण 2019 जनवरी में यहाँ पे एक ऐसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें 15 देश के लोगों ने भाग भी लिया था। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमको तो पहले से बताया गया था कि जन्म पूर्व गर्भ संस्कार क्या है, लेकिन अभी हमारा देख के और यह उन लोगों को भी उनकी भी मतलब फॉरेन कंट्रीज की भी इतनी ये है कि हाँ हम देखते हैं क्या है, तो उनके भी रिसर्च से ये पता चलता है। जैसे डॉक्टर ने मोजार्ट का उदाहरण दिया कि मोजार्ट के जो उदाहरण में ऐसा है कि उनके संगीत सुन के एक ऐसा था कि एक स्त्री जो थी, एक लेडी प्रेग्नेंट थी और उसे वो मोजार्ट का एक संगीत अपना क्या बोलते हैं उसका एक म्यूजिक का एक ऐसा सुना था और वो काफी सुनती थी जब वो प्रेग्नेंट थी। जब तो इसका जब उसको जब लड़का हुआ तो उसने उसके बाद जब वो बड़ा हुआ उसने भी इस प्रकार से कुछ रचना की तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि मतलब उसके माँ को कि ये तो मैं पेट में थी तब यह सुनाती थी और वैसे कि वैसा इसने अभी कैसे क्या बना लिया। तो ये इस प्रकार से कुछ उसकी भी कहानियां उपलब्ध है। तो ये संस्कार जो है बहुत बहुत आवश्यक है। अभी ये आवश्यक क्यों है आपको लगेगा कि इससे क्या होने वाला है, तो आप समझ लीजिए गर्भ की शक्ति बहुत अगाध है, बहुत है गर्भ की शक्ति। एक जो पेशी तैयार हो गई, जैसे मैंने बताया कंसीव होने के बाद गर्भ पेशी, वो एक पेशी 9 महीने का 280 डेज का ड्यूरेशन है जब वो बच्चा पूर्ण विकसित होता है, तो 280 डेज में या 9 महीने में वो पेशी के एक पेशी के 2 करोड़ अब्ज इतनी मतलब 2 पे आप 15 शून्य लगा दीजिए इतनी सारी कोशिका तैयार होती है। कोशिका मतलब सेल्स तैयार होती है। तो ये जो गर्भ है उसमें सजगता है, उसमें एहसास है, उसमें सुसंवाद करने की क्षमता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक मांसपेशियों का गट्ठा है या गोला है और फिर आप उसको इस प्रकार से नहीं है वो। कुछ सालों कुछ पीढ़ियों पहले ऐसा समझते होंगे कुछ लोग, लेकिन हमको हमारे हमारा जो हमारी जो परंपरा है हमारे देश की जो भारत देश की परंपरा है उसने पहले से ही बताया है कि हाँ इसमें ग्रहण करने की बहुत ही ज्यादा शक्ति है। और इसको समझाने के लिए आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे आपको बताया कि एक पेशी जो पेशी बन गई है उसका वजन समझ लीजिए सिर्फ 1 ग्राम है, वैसे तो वो बहुत ही कम है, यदि हम देखे जाए तो वो 9 ग्राम में है, लेकिन यदि आपको समझाने के लिए मैं ये समझती हूँ कि 1 ग्राम का है। तो तीन जैसे 9 महीने का ड्यूरेशन गया जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उसका वजन कितना हुआ, उसका वजन है 3 किलो मतलब 3000 ग्राम। 1 ग्राम से कितना टाइम्स हो गया, 3000 टाइम्स वो बड़ा हो गया अंदर में गर्भ। अभी देखिए जिस समय जन्म हुआ उस समय क्या हुआ कि बच्चे का वजन है 3 किलो और 1 साल के बच्चे का लीजिए उसका है 7.5 kg। तो ये देख लीजिए कि 1 साल में उस बच्चे की ग्रोथ कितनी हुई है, 2.5 टाइम्स और बच्चे के गर्भ में कितनी हुई है, 3000 टाइम्स। तो आप समझ लीजिए उसकी कितनी शक्ति है। शक्ति के इसमें ऐसा एक और उदाहरण देती हूँ कि एक जन था व्यक्ति, वो बोलता था क्या मेरे पहलवान था, वो बोलता था कि हाँ मेरे में बहुत शक्ति है। उसने अपने माँ से वो किया कि तू क्या ये छोटे बच्चों से मेरा ये करती है हर बार, इसमें बहुत, माँ ने बोला इसमें बहुत शक्ति है। तो वो बोला नहीं नहीं मेरे में ज्यादा शक्ति है। तो माँ बोली उसकी ठीक है ये बच्चा है ना उसको मैं तेरे बाजू में एक जमीन पे सुला देती हूँ, अब तुमको क्या करना है सिर्फ वो जैसा करते हैं ना वैसे ही तुम अपने जो शरीर के जो अवयव हाथ पाँव हिलाते रहे। तो वो तो हाथ पाँव हिलाता रहा बच्चा और ये 10 मिनट में पहलवान थक गया। तो इसमें बहुत ज्यादा शक्ति है, हमें ध्यान नहीं होता कि इतनी शक्ति है, हम उसके ऊपर कभी गौर करते नहीं। तो संस्कार की क्यों जरूरत है उसके बारे में भी और बताना चाहूंगी कि जैसे आप सब जन पढ़े लिखे हैं कोई 10वीं तक जाते जाते हमें कभी मैथ का विषय कठिन लगा होगा या पूरे ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो यदि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको हाइड्रोलिक्स नहीं समझ में आ रहा या फिर आप मेडिकल पढ़ रहे हैं उसमें एक आधा सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ समझ में आ रहा तो हम क्या करते हैं, हम उस विषय की ट्यूशन लगा देते हैं। उसको हम बहुत गहराई से कैसे समझ पाएंगे इसके लिए ध्यान देते। अभी आप इतने बड़े हो गए हैं और आपने कभी गालियां सीखने के लिए क्लास लगाई क्या, नहीं, लेकिन हमको गालियां आती है कि नहीं,
हम यदि उसका उपयोग नहीं भी करते हैं, लेकिन जब दूसरा हमारे ऊपर यदि उसका उपयोग करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो गालिया चीज जो है या जो भी बुरी चीज है वो हमारे पास अपने आप आ जाती है, और जो अच्छी चीज है उसे, जैसे आपको पढ़ना है, स्कूल जाना है, तो उसको आपको खुद उसके लिए सीखने के लिए कष्ट लेने पड़ते हैं। जैसे आपने सोचा कि हाँ मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैं अभी बास्केटबॉल खेलने जाऊंगी, तो क्या करना है, घर से उठना है, बास्केटबॉल के लिए ट्रेनिंग लेनी है, वहां मैदान में जाना है, ग्राउंड में जाना है। क्या आपने सोचा हाँ मुझे, मेरा आवाज बहुत अच्छा है, मैं आवाज गाने की क्लास लगाती हूँ, मुझे उसके बारे में और कुछ आगे पढ़ना है। तो जो जो पढ़ना है या जो जो आपको करना है उसके लिए आपको तहे मतलब मन से समय निकाल के ज्यादा कष्ट लेने पड़ेंगे, लेकिन जो बुरी चीजें वो आपके पास अपने आप आ जाएगी। तो इसीलिए संस्कार का नाम क्या है कि बुरी चीजों के लिए खुद को नहीं बोलना, उसके लिए शक्ति रखना, यहाँ मुझे नहीं करना है, और अच्छे के लिए हाँ मुझे आना चाहिए, ये चीज मेरे तक आनी चाहिए, और मुझे क्यों आनी चाहिए, क्या है यदि मुझे, मतलब ये क्यों जरूरी है कि मैं क्यों पढ़ूं। आजकल के बच्चों में ऐसा बहुत होता है ना, 2-4 साल के हो गए कि उनके माँ बाप मतलब हमें सभी जन डाल देते हैं स्कूल में, उनका बहुत बुरा लगता है, क्यों पढ़ना चाहिए हमें, मतलब क्यों ऐसे करते हैं। तो हमको हमारा व्यक्तिमत्व जो है वो हमारा व्यक्तिमत्व अच्छा हो, अच्छा मतलब फिर से उसके लिए भी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अच्छा मीन्स ऑल एक्सेप्टेड, जो अच्छी चीजें है। तो जैसे एक सादा उदाहरण देती हूँ कि हमको सबको मालूम है कि हमें करप्शन नहीं करना चाहिए। करप्शन मतलब क्या कि जो मुझे मेरे मेहनत से जो पैसा मिलने वाला है उतना ही मैं लूंगी, और करप्शन मतलब ऐसा है कि मेरा काम करने के लिए जो मुझे काम बताया गया है वो करने के लिए मैं उससे अलग से पैसा लेती हूँ, तो वो हो गया करप्शन। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये जो आदमी समझ ले एक बेटा बाप है वो ऐसा करप्शन कर रहा है, लेकिन वो अपने बेटे को कभी नहीं सिखाएगा कि बेटा तू भी करप्शन कर, क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है, उसको मालूम है। तो ये जो जो अच्छी चीजें है जो हमें लगता है कि हमें आनी चाहिए उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो ये गर्व संस्कार के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये आप बिल्कुल समझ लीजिए कि आज का आपने विवेचन सुना और आपको लगेगा कि बस अभी मेरे ऊपर गर्व संस्कार हो गए, ये ऐसा नहीं है। क्या है ये आपको मैं बता रही हूँ कि गर्व संस्कार माने क्या, हमें इसमें क्या करना चाहिए, और ये जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे पूरे 9 महीने के ड्यूरेशन में, तब आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि आप बोलेंगे कि मुझे अच्छा बच्चा चाहिए, अच्छा ये चाहिए, प्रोजेनी चाहिए हमारी, और हम उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, ऐसा तो होगा ही नहीं। जो सबसे ज्यादा अहम भूमिका जो है माँ पिताजी की है, और जब हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा हो, तो वो गुण जो हम अपने बच्चे में देखना चाहते हैं वो पहले हम में आ जाए, इसके लिए हमें प्रयत्न करेंगे। आपके जो बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, उसको तो क्या है, वो तो आपको देखेगी और वो आप जैसा करते हैं वो, आप पहले 5 साल तो वो आपको जस्ट कॉपी करती है, उसके बाद उसके मन में प्रश्न आते हैं, आपको प्रश्नों के बारे में पूछती रहती है कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो यदि हम वो चीज करते रहते हैं, यदि हम सत्य बोलने की हरदम ऐसा सोचते हैं कि नहीं मैं सच्चाई बोलूंगा, तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से उसका प्रश्नों का उत्तर आराम से दे सकते हैं, प्रामाणिकता से दे सकते हैं। यदि हम उस समय प्रश्न का उत्तर नहीं भी दे सकते हैं तो हम उसके बारे में ज्ञान लेके हाँ इसका क्या उत्तर हो सकता है, उस प्रकार से बच्चे का जो है उसकी जो क्यूरियोसिटी है उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि गर्व संस्कार के बारे में यहाँ जो भी बताया जाएगा उसे आपको अपनी जिंदगी में लाना है, उसको अपने एक्सेप्ट करना है। पहले एक्सेप्ट कीजिए, फिर अडॉप्ट कीजिए, फिर उसके बाद उसको उसके इम्प्लीमेंट कीजिए। तो ये जो गर्भ की पेशी है जो बताई मैंने, तो उसको 9 महीने में वो 2 करोड़ अब्ज इतनी बड़ी हो जाती है। जिस समय कंसेप्शन हुआ उस समय के 14वें दिन ऑन द 14th डे तो हमारी फर्स्ट न्यूरॉन पेशी तैयार हो जाती है। और ये जो न्यूरॉन पेशी है मतलब हमारे मस्तिष्क की पेशी, ब्रेन की पेशी, ये जो है उसको एक पेशी को 1,000,000 डेंड्राइट्स मतलब ब्रांचेस रहती है। और ये जो है डेंड्राइट्स
मतलब ये नेटवर्क जो बोलते हैं ना, हमारा नेटवर्क, जैसे आजकल तो हम हर जगह नेटवर्क ये शब्द सुनते रहते हैं, वैसे हमारे ये जो मेंदु पेशी जो है उसका, चेता संस्था का, न्यूरॉन्स का एक ऐसा नेटवर्क होता है, और ये जितना घना रहेगा उतना हमारा जो ब्रेन है वो, मस्तिष्क जो है स्ट्रांग रहेगा, हमारा बच्चा होशियार रहेगा उसमें, उसका सब मतलब इस प्रकार से, इसीलिए हमारा जो ब्रेन है उसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारे आगे की जिंदगी के लगने वाली जो ब्रेन की जो कैपेसिटी है या ब्रेन का जो कार्य क्षमता है, उसके लगने वाले सभी ब्रेन का विकास माँ के पेट में 90% हो जाता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब बच्चे का जन्म होता है तो आपने देखा होगा कि मानव के बेटे का मतलब बच्चे का जो सर होता है बहुत बड़ा रहता है, अपेक्षा उसके बाकी उसकी जो शरीर है उसकी बहुत बड़ा शरीर है, उसके बाद ऐसा उसका बाकी शरीर उसकी तुलना में रहता है। तो ये जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो माँ के पेट में होता है, और आपने देखा होगा कि जिस समय उसका जन्म होता है उसको जिसके हम तालू बोलते हैं, वो यहाँ का जो भाग है वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है जिस समय जन्म होता है, क्योंकि आने वाले 6 महीने में उसका थोड़ा सा और विकास होता है, और उसके लिए ये प्रावधान किया रहता है कि उसका वो जो बड़ा हुआ बढ़ता हुआ जो ब्रेन है उसमें वो उसको अकोमोडेट कर सके। इसके बाद जिस समय कंसेप्शन होता है उस समय से 22वें दिन में हमारी पहली हृदय की पेशी तैयार हो जाती है, और जिस समय हृदय की पेशी तैयार हो गई हमारी हृदय की धड़कन धड़ धड़ शुरू हो गई, और ये धड़ धड़ कब तक शुरू रहती है, तो हमारी जितनी जिंदगी है, जैसे हमारी 100 साल की जिंदगी आदमी की, हम क्या बोलते हैं, हाँ उनकी धड़कन रुक गई, तो धड़कन रुक गई का मतलब हम सब जन जानते हैं, तो हृदय की पेशी 22वें दिन तैयार हो गई है, और जिस समय 6 हफ्ते का हमारा गर्भ है उस समय उसके 150 हार्टबीट्स हमें सुनाई देते हैं, और 150 हार्टबीट्स पर मिनट, और जिस समय 2 महीने का गर्भ है उसका वजन 28 ग्राम का है, और एक बड़े एडल्ट में जितने बॉडी पार्ट्स रहते हैं वो बॉडी पार्ट्स उसमें तैयार हो गए, बॉडी पार्ट्स मतलब शुरू हो गए, जैसे पहले बताया एक पेशी हृदय की पेशी तैयार हो गई, उसने हृदय का काम करना शुरू कर दिया, लेकिन वो दिन दिन में बढ़ती जाएगी, और 9 महीने तक वो पूरा हमारा शरीर विकसित हो जाता है। हमारा कैसा है, हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब जिस समय एक पहली पेशी तैयार होगी तो उसी समय बॉडी के सब पार्ट्स तैयार हो गए, जैसे देखिए कार कार की फैक्ट्री है, आपने गए हैं कार की फैक्ट्री में, क्या होता है हर एक पार्ट अलग अलग तैयार होता है, और जिस समय पार्ट कार तैयार होनी है वो सब बॉडी पार्ट्स की असेंबली होती है, हमारा ऐसा नहीं होता, हमारा क्या है बॉडी पार्ट्स एक ही साथ तैयार होते हैं और एक ही साथ उसमें ग्रोथ होती रहती है, ये हमने समझना चाहिए। अब आगे का ये देखते हैं कि हमने गर्भ संस्कार करना है मतलब क्या करना है, ऐसा सबके मन में विचार आया होगा, तो गर्भ संस्कार में आपको ये जो मैं बताऊंगी ये बहुत छोटे छोटे नुस्खे हैं जो आपने सबने सुने हैं। पहला ये है कि हमने हमारे यहाँ जो ये आ रहा है बच्चा या बच्ची या जो भी बेबी आ रहा है तो उसका हमने स्वागत करना चाहिए। क्या है कि देखिए कि हम यदि किसी के घर जाते हैं तो आपने बेल डोर बेल बजाई और उसने आपका हंसत मुख स्वागत किया, स्मिता हास्य से आपने आइए आइए बैठिए, अपने को क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना। तो यदि हम उल्टा आपके किसी के घर गए, वो आपके उनके नौकर ने दरवाजा खोला, आप बैठी रही आधा घंटा, फिर आने जो आपको जिससे मिलना था घर के जो सदस्य वो आपके पास 20 मिनट बाद 25 मिनट बाद आए, और फिर जैसे मतलब ऐसा हमको लगता है कि हमारा स्वागत बराबर हुआ नहीं है, तो हमारे मन में ये जो जैसी भावना होती है वैसी भावना, तो हमको ये नहीं करनी है, हमारे बच्चे का हमको स्वागत करना है। स्वागत करना है मतलब क्या, उसके साथ आप बात कर सकते हैं, जैसे बच्चा का कौन सा भी नाम नेक नाम लिख दीजिए रख दीजिए, टिंगी पिंगी टिंगी, और उसके साथ आप बात कर सकते हैं, उसके साथ बड़बड़ गीत कर सकते हैं, उसके साथ जैसे हमारा बच्चे का जन्म होता है आपने देखा होगा कि घर की माँ दादी सभी जन पुरुष वर्ग भी बंधु वर्ग भी सबसे उसके साथ बातें, उसको क्या समझता है क्या नहीं, लेकिन हम उसके साथ बातें करते हैं, उसी प्रकार से हम पेट पे हाथ रख के उसके साथ बातें कर सकते हैं, इसके क्या होगा, इससे हमारा उसके साथ बॉन्डिंग बढ़ेगा।
तो मन शक्ति केंद्र की एक प्रार्थना है, ये प्रार्थना मैं यहाँ पे आपसे साझा करती हूँ, आपसे बात करती हूँ, मतलब आपको बताती हूँ। तो ये है मन शक्ति की जन्म पूर्व बालक प्रार्थना। अब प्रार्थना क्या है, प्रार्थना की क्या जरूरत है? तो प्रार्थना मतलब अच्छे विचारों का चिंतन, है ना। तो प्रार्थना, ये प्रार्थना से हमारे ऊपर बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छा लगता है हमें। हमने ये सबका प्रार्थना और उसका परिणाम, इसके बारे में अभी जो हमारी, मतलब अभी भी शुरू है कोविड पीरियड, तो ये जो हमारे पास कोरोना जो महामारी आई, उस दौरान हमारे, हमने देखा कि लोग बहुत इतने हतबल हो गए कि समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इसमें से बाहर निकले। और हम जब दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे, दूसरों के अच्छे के लिए हम इस प्रकार से कर रहे, तो उनको फायदा हो रहा है, उनको तो फायदा हो रहा है, इसके साथ साथ हमारा भी ढाढ़स बढ़ता है। प्रार्थना ये बहुत अच्छी चीज है जो हमें, और ये पूरे सभी धर्म में है, ऐसा कहीं नहीं है कि ये धर्म बोलेगा कि आपकी प्रार्थना है, हर एक की प्रार्थना अलग हो सकती है, लेकिन हमारी प्रार्थना जो हमको बताई गई है, तो हम जो भी प्रार्थना करते हैं तो विश्व कल्याण के लिए इस प्रकार से करते हैं। तो आज हमारी ये जो प्रार्थना है, जन्म पूर्व गर्भ संस्कार प्रार्थना, ये मैं आपके सामने बोलती हूँ। आप इसमें ये जो प्रार्थना है, गर्भ में यात्रा आरंभ करने, मैं बोलूंगी कि आप ये प्रार्थना का सब्जेक्ट सुन लीजिए अच्छे से, क्या कंटेंट है, और फिर आप इसमें से, जैसे ये पुस्तक उपलब्ध है मेरे पास, या आप ओमेगा हॉस्पिटल में बोल सकते हैं कि आपको ये चाहिए, तो हम इसका इंतजाम कर देंगे, है ना। तो ये भी कर सकते हैं, तो ये मराठी में भी उपलब्ध है, अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है। तो आज मैं आपको ये पढ़ के सुनाती हूँ, और यदि आपको नहीं लेनी है कुछ भी किताब, तो आप अपने मन की एक प्रार्थना अपने बच्चे के लिए करके लिख के, जिसमें उसके कल्याण की प्रार्थना है, उस प्रकार से लिख के उसको आप रोज कर सकती है। तो मैं अभी आपके सामने बोलती हूँ। गर्भ में यात्रा आरंभ करने वाले चेतन अणुओं का हम स्वागत करते हैं। नई पीढ़ी अर्थात समाज की तत्कालीन उत्कृष्टता, प्रकृति की उत्क्रांति की प्रगत निशानी, मानो सामाजिक बुद्धि, तेज, नए भविष्य आकांक्षाओं की मलाई, ऐसी नवज्योति का हम स्वागत करते हैं। अज्ञात के अंधेरे से ज्ञान प्रकाश के प्रांगण में तुम्हारा आगमन सफल हो। तुम अपने साथ कुछ इच्छा महत्वाकांक्षा लेकर आ रहे हो, उन इच्छाओं से ज्ञान प्रयत्न सद उद्देश्य को जोड़ने की प्रेरणा तुम्हें मिले। जीवन ने अपनी इच्छा अनुसार जीवन की दिशा चुनने का स्वतंत्र तुम लो। धैर्य, वैभव तथा शांति का सामर्थ्य तुम्हारे जीवन में रहे। सफल और समृद्ध जीवन की संतुष्टि तुम्हें मिले। यश, उस यश में समाज हित, ध्यान शुद्ध प्रयास जोड़ने का संदेश यह प्रार्थना तुम्हें देगी। हम सभी माता पिता नई पीढ़ी के कल्याण हेतु यह प्रार्थना कर रहे हैं। हम इस प्रार्थना के साथ रेजोनेंस शक्ति, प्रकाश शक्ति, उद्देश्य शुद्ध त्याग जोड़ रहे हैं। प्रकाश शक्ति और ज्ञान यज्ञ की साक्ष्य में हम यह प्रार्थना पुण्य तुम्हारे भविष्य के समर्पित करते हैं। इस पुण्य से तुम्हारा जीवन समृद्ध हो। आत्मविश्वास से तुम सफल जीवन जियो। तुम्हारा यश तुम्हारे लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए विशाल होता जाए। ज्ञान शुद्ध प्रयासों की यह प्रार्थनामय विरासत हम भविष्य के नई पीढ़ी को अग्नि के सामने अर्पित करते हैं। पुत्र कल्याणमस्तु, सर्व कल्याणमस्तु, राष्ट्र कल्याणमस्तु, विश्व कल्याणमस्तु। हरिओम। तो ये जो प्रार्थना आपको करनी है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, रोज एक समय निश्चित कर लीजिए, जगह निश्चित कर लीजिए, और उस समय पे आप ये प्रार्थना, दोनों भी जन, माँ पालक, माँ पिताजी, दोनों भी बच्चे करना है उनको। उसी प्रकार इसमें एक ऐसी जो हमने अभी बोली है ना, वो सामुदायिक प्रार्थना है। तो सामुदायिक प्रार्थना में घर के बाकी सदस्य भी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे घर में बच्चा आ रहा है, वो फैमिली प्रोजेक्ट है, पूरे परिवार का वो प्रोजेक्ट है, इसलिए हमने सबने मिलके, परिवार जनों ने सबने उसके लिए प्रार्थना करनी है। तो हमने अभी जो प्रार्थना सुनी वो ये सामुदायिक प्रार्थना ही थी। तो ये आपने ये करना है। दूसरा है कि हमें रोज नमस्कार करना है। नमस्कार मतलब वंदन करना है। किसे करना है? तो हमें हमारे माँ बाप को और सास ससुर को, दोनों को भी नमस्कार करना है।
अब यहाँ ये दिस इज अप्लीकेबल फॉर बोथ, हमारे जो बंधु वर्ग है उनके लिए भी और हमारी जो बहना है उनके लिए भी, कि हमें दोनों को नमस्कार करना है, वो भी झुककर नमस्कार करना है। क्योंकि आपको लगेगा ये क्या बता रही है, इसमें ऐसा विशेष क्या है, तो ऐसा है कि हम जैसे जैसे अभी बड़े हो रहे हैं, पहले तो हमको हमारे माँ बाप बोलते थे हाँ कोई आ रहा है घर में उनको नमस्कार करो, सब जन नमस्कार करते थे, दिन ब दिन हम इसे भूलते जा रहे हैं। और आजकल हम प्रासंगिक कुछ जब प्रसंग रहा तो ही नमस्कार करते हैं। आप अपने आप को पूछिए, आपने पिछले बार अपने माँ बाप को कब नमस्कार किया था? तो ये नमस्कार की जो है ये हमारे जो परंपरा में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। क्या होता है, नमस्कार में प्रेम है, नमस्कार में अनुशासन है, नमस्कार में विनय है, बड़ों के प्रति आदर है। इतना ही नहीं, नमस्कार से हमारा क्रोध नष्ट होता है, क्रोध मीन्स हमें गुस्सा जो होता है ना फोन, और हमारा अहंकार जो गर्व होता है हमें कुछ चीज का, वो भी हमें हमारा जाता है। क्या क्या होता है, क्योंकि हम किसी के सामने जब झुकते हैं तो हमें विनम्रता आ जाती है। तो आप बोलेंगे कि हमें ठीक है आप बोल रही है तो हम करेंगे हमारे माँ पिताजी सास ससुर को नमस्कार, लेकिन हम तो उनके साथ रहते ही नहीं, कैसे करेंगे, रोज जाना तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं भी ये मानती हूँ दिस इज नॉट पॉसिबल। तो बिल्कुल एक छोटा सा एकदम तरीका है, क्या करना है, जैसे आप सात शाम को 7 बजे 8 बजे या सुबह 8-9 बजे जब आपको लगता है कि आपके पास ये समय है, उस समय क्या करना है, अपने माँ पिताजी को अभी आज जैसे उनको फोन करके बता दीजिए कि हम दोनों जन आपको इस समय सुबह 8 बजे नमस्कार करेंगे, वो भी नीचे झुककर जमीन को स्पर्श होके, ऐसा वो नमस्कार करना है। ऐसा नहीं है कि बस हम क्या करते घुटनों तक ऐसे कर लेते, वैसा नहीं, बराबर तरीके से करना। इससे क्या होगा, तो ये क्या है, उनको आप जिस समय उनको नमस्कार करेगी 8 बजे और रोज उनको 8 बजे नमस्कार करना है, वो क्या करेगी, इससे क्या होगा, तो उनको भी वो भी आपको याद करेगी, हाँ मेरी लड़की और दामाद या मेरी बेटा और बहू दोनों मेरे इस समय नमस्कार करने वाले हैं, तो वो भी आपको आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद से बड़ी कुछ भी चीज नहीं है, इतना हमने तो ये कोरोना काल में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जाना है ना। कोरोना काल ने हमको बहुत सिखाया है, उसमें सब बुरे ही अनुभव है क्या, नहीं, हम जिंदगी की असलियत को समझने में हमें ये कोरोना ने बहुत बड़ा बहुत बड़ा योगदान है उसका। तो जिस समय आप अपनी अभी अभी देखिए आप कि जब भी आप अभी नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपने पाँव पे खड़े हो गए, अभी दिवाली आ रही है या अभी उसका बर्थडे हुआ होगा मम्मी का, आपने अपनी माँ को पूछा होगा माँ तुम्हारे लिए क्या लाऊ, या पिताजी मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊ, अभी मुझे पहली नौकरी मिली है, पहले नौकरी का इतना पगार है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग। वो बोलते हैं बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम अच्छे से रहो, तुम आनंद में रहो, यही हमारा कहना है। और इसीलिए वो इस प्रकार से आपको आशीर्वाद देते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें आशीर्वाद मतलब जो है आशीर्वाद हमको मिलेगा, जिससे हमारे बच्चे तक ये हम सुकून से, मतलब ये समझ लीजिए ज्यादा उसमें ये नहीं है कि आपको नमस्कार करना है। तीसरा है हमको गर्भ संगीत सुनना है। मनःशक्ति लोनावला ने ये एक पहले सीडी थी, अभी उपलब्ध है ऐप पे, मन तरंग ऐप नाम का एक ऐप है जिसमें आप ये डाउनलोड कर सकते हैं गर्भ संगीत। ये गर्भ संगीत भी कैसा है कि 3-3 महीने के अनुसार ट्राइमिस्टर वाइज उसको बनाया है, क्योंकि हर ट्राइमिस्टर की अपनी अपनी मतलब रिक्वायरमेंट अलग है। पहला ट्राइमिस्टर है जो है जिसमें माँ को बहुत ज्यादा उसका मतलब, क्योंकि किसी को ये आते हैं मतलब बोलते मराठी में दोहाड़े बोलते या जी मचलता है, ये ऐसा होता है, खाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन वो बहुत नेचुरल चीज है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। तो उसको मन को स्वस्थ रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, मन की अस्वस्थता को भगाने के लिए, हमें एक प्रकार के स्थिर वातावरण देने के लिए वो उस प्रकार का संगीत उसमें बनाया है। ये जो संगीत बनाया है वो हमारे जो संगीत के जो राग है जिसे हम क्लासिकल म्यूजिक बोलते हैं, जिसके मूड्स के आधार पे या राग बोलते हैं, जिसे जैसे ये भीमपलास राग, देश राग या ये आपका वीररस में आने वाला दुर्गा हिंडोल राग, इस प्रकार से वो राग के आधार पर है। तो आप ये रस भी है नवरस जैसे बताया है ना, जैसे नवरस भी है हमारे है कि जैसे श्रृंगार रस है, फिर वीर रस है,
या शांत रस है, इसके राग और रस के आधार पर ये है गर्भ संगीत, तो आपको इसको सुनना है। तो आपको बोलूंगी मैं, ये आप डाउनलोड कर लीजिए, और ट्राइमेस्टर वाइज जैसे आप यदि फर्स्ट चालू है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर डाउनलोड कर लीजिए और इसको सुनिए। सुनने के लिए भी एक आप यदि समय निकालती है, एक समय तय करती है कि मैं इसमें सुनूंगी तो बहुत अच्छा है। इसमें आपको ये नहीं करना है, आप बोलेंगे चलो अभी मैं मेरा लैपटॉप पे काम चल रहा है करते करते सुन लेती हूँ, या मुझे सब्जी बनाना है मैं बघार देती हूँ सुनती हूँ, ऐसा नहीं करना है। उसको आपको अपने बच्चे को सुनाना है, तो आपको क्या करना है, ऐसे आराम से बैठ के पेट पे हाथ रख के इसको सुनाना है। इसके लिए आपको अलग से समय निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो ये करना है। और जो है गर्भ संगीत का, गर्भ संगीत की विशेषता यह है कि इसके अंदर गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र स्वर्गीय सुधीर फड़के जी के आवाज में था, आवाज में है, और वो तीनों भी ट्राइमेस्टर के लिए अलग अलग राग में गाया गया है। इसके सिवाय इसमें पिबला दृष्टि, जो हम जिन्होंने गर्भोपनिषद लिखा था उसमें की कुछ रुचाएं है, और जैसे सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू हो गया तो पहला स्थिरता कम हो जाती, मतलब अभी एडजस्ट हो जाती है, माँ और बच्चे का रिलेशन एडजस्ट हो जाता है, तो मातृ श्रृंगार के रूप में इसे दिखाया है, और फिर उस प्रकार से भीम पलाश राग की कुछ रचनाएं इसके अंदर है। फिर उसके बाद तीसरा ट्राइमेस्टर जिसमें हमें बहुत ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि जैसे जैसे भीम जाते रहते हैं सातवां महीना आठवां महीना नौवे महीने तक ऐसा हो जाता है कि हाँ मुझे कैसा होगा क्या होगा, धैर्य की जरूरत है इस प्रकार से, और वीर और साहस के आधार पे आधार पर ये संगीत इसके अंदर बनाया गया है। इसके अंदर कुछ क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल ये भी संगीत है, तो आपको मैं चाहूंगी कि आप ये जरूर डाउनलोड कीजिए। सिर्फ 300 रुपए में तीन ट्राइमेस्टर का है, तो हर ट्राइमेस्टर के लिए 100 रुपीज का है। आप उसको डाउनलोड करके सुनिए और उसका आनंद लीजिए, उसके जो प्रभाव उसको आपको, और ये जो है ये आपका आपका मन शांत रहेगा। और आपके घर में यदि कोई और भी सुनना चाहते तो ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ गर्भवती सुने, आप भी बाद में इसको सुना सकती है, किसी को कोई भी सुन सकता है। तो ये उसके बाद चौथा है, चौथा उपाय है कि हमको क्या करना है कि शाम को जब हमारे घर में दिया बत्ती जलती है भगवान के सामने, मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि यहाँ उपस्थित सभी घर में ये चलता आ रहा होगा, या कम से कम उनको मालूम तो जरूर होगा कि हमारे घर में हमारी मम्मी हमारी सास दिया बत्ती जलाती है भगवान के सामने, प्रार्थना करती है। आपके यहाँ यदि आप दो ही जन रहते हैं तो आप अभी से शुरू कर दीजिए, जो क्योंकि क्या है, दिया जो है ये है प्रकाश का प्रतीक, और प्रकाश है ये है सूर्य का, सूर्य सूर्य का प्रतीक एक्चुअली, वो सूर्य से हमें सबको प्रकाश मिलता है, और सूर्य जो खुद को जलाकर हमारे लिए इतनी सारी इतना सारा प्रकाश हमको देता है, हमारी जिंदगी को वो बसाता है। समझ लीजिए जिंदगी में सूर्य नहीं है, जैसे हमको छोटे पन में निबंध लिखने के लिए बोलते थे कि लिखो कि सूर्य उगौला नहीं था, यदि सूर्य ने आज आया ही नहीं तो क्या होगा। तो इस प्रकार से सूर्य का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा प्रबल स्थान है, तो हम सूर्य को स्थान में रखते हुए उसकी प्रतीक जो है निशानी जो है वो दिया उसके सामने बैठ के हम प्रार्थना करेंगे। जो आपको बताई मैंने प्रार्थना करनी है भगवान के सामने या अपने बच्चे के लिए, वो आप इसी समय कर सकती है 7:30 बजे। मैंने आपको 7:30 बजे इसलिए बताया कि हम लोग सभी मन शक्ति केंद्र के जो साधक लोग हैं, करीबन मतलब वहां पे मन शक्ति केंद्र में 150 लोग जीवन व्रति साधक है जिन्होंने अपना पूरा लाइफ मन शक्ति के काम में दिया है, और 15,000-20,000 ऐसे बाकी साधक लोग है जो हम 7:30 बजे शाम को प्रार्थना करते हैं। तो हमारा ये प्रार्थना का रेजोनेंस इफेक्ट, समगति स्पंदन जिसे बोलते हैं, इसका भी आप तक वो पहुंचेगा, इसलिए आप 7:30 बजे कर सकते हैं। लेकिन यदि ये पॉसिबल नहीं तो आपको जिस प्रकार से ये करना कर सकते जिस समय कर सकते आप कीजिए। तो ये चार पॉइंट्स है बहुत छोटे छोटे, आप इसको ध्यान में रखिए और आप ये करने की करने का प्रयास कीजिए। हम इस दौरान हमें सब अच्छा चाहिए, है ना, अच्छे विचार, अच्छे अच्छा विचार कैसे आएगा, तो अच्छा सुनना है, अच्छा बोलना है, अच्छा पढ़ना है। जैसे हमने बताया था ना, हमें बताया गया था गांधी जी के तीन, बुरा नहीं करना, बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं पढ़ना। तो हमें ये अच्छा सब अच्छा अच्छा करने, तो अच्छा करने के लिए हमें जैसे किताबें आएंगी, कैसे आएंगी,
अच्छी अच्छी बहुत अच्छी किताबें मन शक्ति में उपलब्ध है। मन शक्ति में अभी पढ़ने का कैसा है, सबको बहुत ऐसा लगता है कि कैसे पढ़ेंगे, अभी तो समय ही नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे ऑडियोज भी है, कृष्ण रहस्य नाम का ये ऑडियो पूरा इसके अंदर ये सब उपलब्ध है। और फिर एक वचनी एक बाणी ऐसा भी, ये सब मेरे पास तो ही, लेकिन आप साइट से भी ले सकते हैं, इस प्रकार से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके सिवाय आपको जिसमें जो कोई अच्छा बताता है, मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे आपके मन में विचार होगा कि मेरा होने वाला बच्चा कैसा होना चाहिए ना, तो ऐसा हो सकता है आपको। हम सब जन क्या बोलते हैं, हमारा बच्चा कैसा है, बुद्धिमान हो, लेकिन स्वामी जी ने इसे हमारे लिए 12 विशेष गुण बताए गए हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे में हो। कौन से ये 12 गुण? परीक्षा यश, दूसरा सुदृढ़ शरीर, हमको ऐसा ऐसा सबको लगता है कि मेरा बच्चे का ही शुड बी हेल्दी। दूसरा है क्रीड़ा कौशल्य, उसमें स्पोर्ट्स स्पिरिट होना चाहिए, स्पोर्ट्स के प्रति उसको रुचि होनी चाहिए। चौथा है देश प्रेम, फिर है शांति प्रेम, शांति के शांति मतलब पीस में, पीस को पीस में उसको ये रहे, फेत रहे। फिर साहस, व्यवहार कुशलता, उसमें व्यवहार ध्यान हो, ऐसा हो कि किसको समझ में नहीं आ रहा, वैसे आए गए कैसे उसको कोई उसका समझ, ऐसा नहीं, व्यवहार कुशलता होनी चाहिए, उसमें दूरदृष्टि होनी चाहिए। उसके बाद बड़ों के प्रति आदर, फिर उसमें लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए। इसके बाद निर्भय होना चाहिए, उसमें भय नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसी घटनाएं होती है तो निर्भयता के साथ सामने जाए। और सबसे बड़ी बात है कृतज्ञता, उसमें कृतज्ञता होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि हम नमस्कार करते हैं उसके प्रति, हम उसके उस समय हम हमारे माँ पिताजी के प्रति, सास ससुर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो हमारी कृतज्ञता ये हमारी संस्कृति की धरोहर है जो हमें उसने दी है। हम सुबह उठते हैं उससे बराबर हमको जो श्लोक है, क्या श्लोक है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विश्व विश्व मुक्ति पादस्पर्शक समस्व में। पादस्पर्श क्षमस्व में का मतलब यह है कि हे धरती माँ, मैं तुम्हारी तुम्हारे ऊपर ये पाव रख रही हूँ, तो दिन भर तुम्हारे ऊपर चलती जाऊंगी, तो मुझे ये माफ कर दे। माफ करने के लिए हम उसको ध्यान में रखते हुए उससे हम प्रार्थना करते हैं। और ये किसकी प्रार्थना है, तो हम उसके प्रति कृतज्ञ रहते हैं। कृतज्ञता का मतलब यह है कि जो हमारे ऊपर उपकार करता है, हमारे लिए अच्छा करता है, उसके प्रति एहसास रखना, उसके प्रति अपनी भावना प्रकट करना कि हाँ तेरे कारण, उसको कभी भूलना नहीं, इस प्रकार से तो कृतज्ञता होना चाहिए। तो ये हम बात ये कर रहे थे कि हमारे बच्चे में कौन से गुण होने चाहिए, ये आप अभी तय कर लीजिए। और उस हिसाब से यदि आपको स्पोर्ट्स चाइल्ड बनाना है आपका, तो आपको कौन से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, उस प्रकार से आप उस जो आपके फेवरेट स्पोर्ट्स है उनके अच्छे मतलब ये किताबें उनकी जो है, या उनकी चरित्र वो पढ़ सकते हैं, बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं। अभी पढ़ना है तो समय नहीं है किसके पास, लेकिन ऐसा मत कीजिए, समय जरूर निकालेंगे निकालिए। सोने के पहले 15-20 मिनट आज एक जन पढ़ेगी, दूसरा सुनेगी सुनेगा, दूसरे दिन दूसरा पढ़ेगा, ऐसे इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आपको जिस चीज में रुचि है वो आप उस प्रकार से ज्ञान उपलब्ध हो, अभी गूगल पे उपलब्ध है, या आप पढ़िए वो किताब लाइए, और फिर इस प्रकार से आप एक दूसरों से वो साझा कीजिए, जिसमें हमको पता चलता है कि उनका जो कैरेक्टर है, जो हम हमारे लिए आदर्श। तो हमें ये मतलब हम ये बात कर रहे थे अभी कि हमें हमारा बच्चा कैसा हो इसके लिए। लेकिन एक बात इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी जो हमारे गर्भ संस्कार के लिए बहुत ही आवश्यक है। आपको एक प्रश्न पूछती हूँ कि आपके घर में ये बच्चा आ रहा है, तो सबको सब तरफ माहौल, जिस समय आपने ये न्यूज सुनी होगी आपको लगा होगा हाँ बहुत ही अच्छा, सब जन आनंदी, घर में आनंद का वातावरण हो गया। कोविड के भय भयकुल वातावरण में भी हम सब ने प्रसन्नता महसूस की कि हाँ हमारे घर ये बच्चा आने वाला है, कि क्यों ना हो, क्योंकि ये है ही ऐसी सुखद घटना हमको सबको। जब हमारे यहाँ कोई प्यारी सी नन्नी सी गूंज आती है, किलकिलाट हम सुनते हैं, तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। लेकिन आपको ये प्रश्न पूछती हूँ कि ये आपके यहाँ जो बच्चा जन्म ले रहा है वो किस लिए आ रहा है, आपको सुख के देने के लिए आ रहा है, दुख देने के लिए आ रहा है, या और कोई ऑप्शन है? आपको तो पहले लगेगा कि ये मुझे क्यों पूछ रहा प्रश्न पूछ रही है, क्योंकि ऐसा तो कोई ऑप्शन जरूरी नहीं है।
लेकिन आप एक मिनट के लिए सोचिए कि आपके यहाँ आने वाला बच्चा आपको यदि आनंद या सुख देने के लिए आ रहा है तो फिर हमें आजू बाजू में इतने वृद्धाश्रम क्यों देखते हैं, हमें ऐसे क्यों माँ बाप मिलते हैं कि जो बच्चों के कारण दुखी हो गए हैं, या वो बहुत से ऐसे बच्चे भी मिलते हैं जो अपने माँ बाप के कारण दुखी है। तो ये समझ लीजिए कि हमारा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि आपने यहाँ आने वाला जो बच्चा है वो अपने आपको सुख देने के लिए नहीं आ रहा है, ना दुख देने के लिए आ रहा है, वो अपनी जिंदगी जीने के लिए आ रहा है। क्या बोलता है रिसर्च, ये बोलता है कि हमारे यहाँ आने वाला जो बच्चा है उसने अपने माँ बाप सिलेक्ट किए हैं, आपने नहीं किए, उसने सिलेक्ट किए। उसने ये भी सिलेक्ट किया है कि आपके पास से कौन से गुण लेंगे, पिताजी से कौन से लेंगे, दादाजी से कौन से लेंगे, तीन पीढ़ियां उधर तीन पीढ़ियां इधर, उसमें से कौन से भी गुण दिखते हैं, तो ये सब वो सिलेक्ट करता है आने वाला बच्चा। और इस धरातल पर कब आना है, जिस समय नेचुरल बर्थ होता है तो उस समय कौन से क्षण जन्म लेना है वो भी वही तय करता है। जिस समय ग्रोथ पूरी हो जाती है उस समय ऐसे हार्मोन्स तैयार हो जाते हैं और वो माँ को संदेश देता है कि अब मुझे बाहर आना है, और फिर माँ को हार्मोन्स के कारण फिर वो वहां उसको नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेन्स वगैरह शुरू हो जाती है। तो हमको ये समझना है कि ये क्यों बताया मैंने ये कारण आपको, कि खलील जिब्रान की बहुत अच्छी कविता है, मैं बोलूंगी कि आप, ये बहुत बड़ी कविता है और ये नेट पे उपलब्ध है, आप ये जरूर पूरी पूरी कविता पढ़िए। क्या बोलती है कविता, कभी कहता है कि आपके बच्चे आपके नहीं होते, आपके बच्चे आपके नहीं होते, जीवन को जन्म लेने की इच्छा होती है इसीलिए वो जन्म लेता है, आपके बच्चे आपसे जन्म लेते हैं लेकिन आपके लिए जन्म नहीं लेते, आपके बच्चे को आप प्यार दे सकते हैं लेकिन आपके बच्चों को आप अपने विचार नहीं दे सकते, क्योंकि इस भूतला पर आने वाला हरेक जीव अपनी अपनी स्वतंत्र विचार शैली लेके आता है। ये आप समझ लीजिए स्वतंत्र विचार शैली है उसकी, और वो एक पूरा ही द फुल मतलब ये अलग व्यक्तिमत्व है, इसे हमें इस प्रकार से समझना है। फिर आप बोलेंगे मेरा रोल क्या है, तो आपका रोल है एक माली का, एक गार्डनर का। गार्डनर क्या बोलता है, हाँ ये गुलाब का पौधा है ना, इसको मैं मोगरे का फूल लाऊ ऐसा बोलता है क्या वो, नहीं। या फिर कनेर का झाड़ है उसको बोलूंगा मैं झंडू के फूल लाऊंगा, ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है, जो पौधा है वो पौधे को अच्छे से पानी मिले, अच्छे से उसको मिट्टी मिले, खाद मिले, उसका जो है पालन पोषण अच्छी तरीके से हो। तो हमें इस प्रकार से इसको देखना है। ये बहुत बड़ी चीज है, ये आपको अभी ऐसा लगेगा कि इसकी कोई महत्व नहीं है, लेकिन जिंदगी के दौर में हमें ये बहुत सारा हमें धैर्य देता है कि हाँ हम ये समझने के लिए कि हमारा बच्चा अपना खुद का स्वतंत्र व्यक्तिमत्व है, उसकी अलग चाहत हो सकती है। जैसे हम जैसे देखते हैं कि हाँ डॉक्टर चाहता है कि मेरा बच्चा सिर्फ डॉक्टर ही, मेरा लड़का डॉक्टर ही बने, यदि उसको आर्ट आर्ट में इंटरेस्ट है तो नहीं, वो नहीं होगा। इस प्रकार से हम व्यवहार आगे जाके नहीं करेंगे, है ना, ये समझने के लिए ये बात बताई गई है। तो अभी ये दूसरा एक मोड बताती हूँ, मैं दूसरा एक मुद्दा बताती हूँ कि ये जो मानव है और हमारे साथ साथ पूरी चराचर सृष्टि में कितने तो बाकी पशु है, पक्षी है ना, सबको, और कृमि है, अन्य जीव है, बहुत जीव है। तो ये अन्य जीव और मानव में क्या साम्यता है, तो चार साम्यता है, भय आहार निद्रा मैथुन, ये चार जो है ये हमारे सब में सामान्य है, मेरे में और गाय में, मेरे में और बकरी में, मेरे में और बिल्ली में। क्या है ये, तो हमें भय लगता है, हर चीज का भय लगता है, बहुत ज्यादा भय जो रहता है मेरे जीवन के लिए रहता है, मैं कैसे जीवित रहूं इसके लिए मेरा ये इंस्टिंक्ट है। दूसरा है आहार, हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए जिसके लिए हम पूरी हमारी जिंदगी बिता देते हैं। तीसरा है निद्रा, जिसे हम 8 घंटे निद्रा लेने की हमको जरूरत लगती है। चौथा है कि सेक्स मैथुन, हमको हर जो जीव जन्म लेता है भूतला पर उसे लगता है कि मेरी आगे की पीढ़ी जनरेशन तैयार हो। लेकिन अभी ये देखिए आप में और पशु में, या मानव में और पशु में क्या फर्क है, तो हमें विचार करने की शक्ति भगवान ने दी है, इनको भी दी है, बिल्ली को भी दी है, उसको भी दी है, लेकिन उसकी उसकी जरूरत के मुताबिक दी है।
क्योंकि कहाँ से चूहा आएगा या बिल्ली को मालूम है यहाँ पे दूध मिलेगा यहाँ पे, इस प्रकार से। लेकिन हमको कैसा है, हमें इतनी बुद्धि दी है कि हमने पूरे ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, अंतरिक्ष में क्या चल रहा है, और फिर हमारा अंदर हमारी जो बॉडी है उसमें क्या चल रहा है, पूरा हमने उसका ज्ञान लेने की कोशिश की। इतना ही नहीं, मैं तो बोलूंगी कि कोरोना काल में जिसको हमने कभी देखा नहीं, जिसका हमने कभी कल्पना भी नहीं की, लेकिन उस दौरान भी हमारे साइंटिस्ट ने इतने अथक परिश्रम से उसकी कोरोना की वैक्सीन बनाई, और फिर वैक्सीन के कारण हम लोग आज इस तरह खड़े हैं कि हाँ, हमें अभी हमारे मन का भय जो कोरोना के प्रति था बहुत कम हो गया है। तो ये हमें जो विचार करने की शक्ति दी है, ये मानव की विशेषता है। एक उदाहरण देती हूँ कि आप जैसे हमने देखा एक गाय एक ग्राउंड पे मैदान पे हरा हरी घास खा रही है, और उसके सामने आ गया एक चूहा, चूहा मरा हुआ आ गया। क्या किया उसने, उसको छोड़ दिया, अपना घास खाने लगी। क्या हमारे साथ ऐसा होता है क्या? हमने घर में पूरा अच्छे से खाना बनाया, और फिर हम अभी खाना खाने बैठे रहे थे, सबको आवाज दे रहे, उतने में आवाज आई कि नहीं नहीं मेरे दूर के रिश्तेदार उनकी मौत हो गई। हम पूरे उस प्रकार से हमारा खाना छोड़ देते, हम भावनावश हो जाते। भावना हमारे लिए, भावना बहुत महत्व रहती है, रखती है, ये हमारी विशेषता है मानव की। तो ये भावना के आधार पर हमारे चार स्वभाव है। एक है भय प्रधान, फिर है राग प्रधान, क्रोध प्रधान, तीसरा है धैर्य प्रधान, और चौथा है शांति प्रधान। तो भय प्रधान मीन्स जैसे हरे में चार है, लेकिन डोमिनेंस किसका है उस प्रकार से। तो हम पहले ही जैसे बताया कि हम कुछ हर चीज के लिए डरते हैं, जन्म होता है तो अंधेरे को डरते हैं, जाते नहीं, फिर इस रूम से दूसरे रूम के लिए नहीं जाते, फिर जैसे थोड़े बड़े होते हैं स्कूल जाना नहीं चाहते, जाने के लिए डरते हैं, फिर और बड़े होते हैं, फिर ऐसे करते करते। लेकिन आज की स्थिति में हमें सबसे ज्यादा भय चीज क्या है, आज की स्थिति में मतलब आप जिस ड्यूरेशन से जा रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, हम किस चीज से डरते हैं, तो हमारा बच्चे का कैसा होगा, हमारे प्रेगनेंसी कैसी रहेगी, हमारी डिलीवरी कैसे होगी, आने वाला बच्चा, इस प्रकार से हम ना जाने कितना हमको चिंता में हम डालते रहते हैं। तो चिंता का नाम हम भय के कारण हमारे मन में चिंता होती है। दूसरा है क्रोध। क्रोध में भी हम सब हमारा ये जो है कॉन्शियसनेस छोड़ देते हैं। ऐसा बताया गया है कि एक मिनट का क्रोध यदि हम करते हैं तो 1000 वाट का बल्ब जितना जलता है एक घंटा, उतनी एनर्जी हम वेस्ट कर लेते हैं। और फिर आप देखिए कहावत है, वो क्रोध से आग बबूला हो गया, लाल लाल हो गया, मराठी में तिचा अंगाचा तेरपापड झाला, तिचा अंगाची लाही लाही झाली। ये क्या दिखाता है कि जिस समय हमें क्रोध आता है हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस समय हमको कुछ होश नहीं रहता। हमारी माँ बोलती थी क्रोध, और आपने देखा होगा कि जिस समय हमें क्रोध आता है हमारा कुछ भी हमको समझ में नहीं आता, हम किसके साथ क्या बात कर रहे हैं, और फिर हमारे जितने पुराने अच्छे अच्छे रिलेशन है वो भी हम क्रोध के कारण पूरे हम बिगाड़ देते हैं। हमारी माँ बोलती थी कि हाँ क्रोध आया ना तो 1 से 10 तक गिनती करो, नहीं होता है तो 100 तक गिनती करो। हम उसको बोलता है नहीं फिर भी नहीं गया तो क्या करना, बोलती उल्टी गिनती करो। कहने का तात्पर्य है कि जिस समय हमें क्रोध आता है हमें उसके ऊपर कंट्रोल करना है। कैसे करना है तो वो टॉपिक को वहां पे पॉज करो। अभी क्रोध और डर के बारे में आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप देखिए जिस समय हमें क्रोध आता है हमारी पल्स रेट बढ़ जाती है, या हमें जब डरता है, जैसे हम स्कूटर चला रहे, स्कूटर चलाते चलाते अच्छे से मूड भी अच्छा है, रास्ता अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक ऐसा क्या बोलेंगे कुत्ता जोर से गया, आपने जोर से ब्रेक लगाए, आपकी दिल की धड़कन बढ़ गई, धर 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 धर, नॉर्मल होने में उसे 10 मिनट लगे। अभी आप समझ लीजिए जिस समय आप क्रोध में होते हैं और ये या गुस्से में होती है या ये रहती है आप डरी डरी हुई, आपका और आपका बच्चा दोनों पेट में जो बच्चा पल रहा है दोनों में दोनों एक दूसरे से भावना से जुड़े हैं, जो है ना क्या बोलते हैं प्लासेंटा या नाल, अवल नाल बोलते हैं उसे, जिसे नाल बोलते हैं हम लोग मराठी में, इससे हम जुड़े हैं, और एक केमिकल सिग्नल्स द्वारा बच्चे तक जाता है, गर्भस्थित बच्चे तक, कि उसको समझ में आता है कि माँ की स्थिति बराबर नहीं है। उसको कारण नहीं मालूम, लेकिन उसको ये मालूम है कि शी इज नॉट नॉर्मल, क्योंकि हार्ट बीट बढ़ गई है। और पहले आपको जैसे बताया मैंने कि ये जो बच्चे का जो ग्रोथ हो रहा है वो है 2.5 लाख पेशी पर मिनट, और समझ लीजिए उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो उसकी ग्रोथ होती है या वो ऐसे सहम जाता है, कुछ नहीं करेगा जब तक स्थिति नॉर्मल नहीं होती।
तो आप ये ध्यान रखिए, जिस समय आपका क्रोध बढ़ जाता है या आप जिस प्रकार से एनी एबनॉर्मल कंडीशन से आप जा रही है, तो इसका डायरेक्टली परिणाम उसके ऊपर होने वाला है, उसके उस समय के लिए ग्रोथ नहीं होगी। समझ लीजिए आप दिन भर में 2 या 3 बार 10-10 मिनट के लिए या 4-5 मिनट के लिए, टोटल आपने 20 मिनट ऐसे गंवा दिए उसके लाइफ के। क्योंकि क्या है, आपके लिए तो पूरी जिंदगी है, उसके लिए ये जो 9 मंथ का ड्यूरेशन है उसमें उसको पूरा ब्रेन का विकास करना है, उसके बॉडी पार्ट्स का विकास करना है, तो ये सब उसके लिए, यह हर एक क्षण बहुत महत्व का है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि आप इस प्रकार से अपना इसके ऊपर गुस्से पर ऊपर और शांतता के क्या बोलते हैं, भय को, आप उसको भयमुक्त होना है। क्या करना है, भयमुक्त होके धैर्य में रहना है और राग मुक्त होके हमको शांति रखना है, ये आपको देखना है। ये आप किस प्रकार से कर सकते हैं आपको मालूम है ये, क्योंकि एवरीबॉडी नोज हाउ ही हैज टू हैंडल द थिंग। मैं यहाँ बैठ के कुछ कर नहीं सकूंगी, आपको अपने अपने आप जिस परिस्थिति से जा रहे हैं आप इतना सोच लीजिए कि मुझे इस परिस्थिति में ज्यादा देर तक रहना नहीं। जैसे हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते वक्त अभी आगे का सेशन आराधना ताई सब बताएगी, लेकिन हमको मालूम है खाना खा रहे और हम उस समय ऐसे विषय लेते हैं कि जो हमको मालूम है सामने वाले को पसंद नहीं, हम वही विषय निकालते हैं, फिर हमारा क्या होता है, पूरा मूड खराब हो जाता है, पूरा हमारा हम झगड़ते हैं, हमारा खाने में भी ध्यान नहीं रहता। इस प्रकार से छोटी छोटी चीज को हमको अवॉइड करना है। हम किसी के साथ यदि डिस्कस मतलब बहस कर रहे हैं, हमको समझ में आता है हाँ मेरा अभी कंट्रोल जा रहा है, उसको बोलो भैया या बहन जी या दीदी या कोई भी, अपन इस बात को यही रुकते हैं। और फिर आप सोचिए, थोड़ा हॉट लीजिए, उसके ऊपर पॉज कर लीजिए और सोचिए कि 10 मिनट बाद आपको या 1 घंटे बाद या 2 दिन बाद ले लीजिए, आपको लगेगा कि हाँ उस समय तो मैं गर्म हो रही थी, शायद मेरी तो गलती थी, मैं क्यों इतनी चिढ़ गई। ऐसा हो सकता है कि मेरा शायद इन दौरान मेरा कुछ हार्मोनल चेंजेस का कारण मैं थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाई क्या, ऐसा भी हो सकता है। आप सामने वाले से जाके माफी मांग सकती है, जिससे अपना ये दोनों का जो है, जितना हम शांत रहेंगे, जितना हम समाधानी रहेंगे, जितना हम संतोष देंगे, जिसका डायरेक्टली असर हमारे बच्चे पे होने वाला है। और ये आपको एक बताना बहुत मैं अहम समझती हूँ कि जैसे हमारी स्मृति है, स्मृति मीन्स मेमोरी, मेमोरी के कारण हम सब चीजें हमें मतलब याद में रहती है ना। तो मैं ये स्मृति जो रहती है 2 प्रकार की रहती है, एक है लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक है शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब एक्सप्लिसिट, शॉर्ट टर्म मीन्स इम्प्लिसिट। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी का उदाहरण लीजिए, मैं आपको बोल रही हूँ आपने परसों के दिन कौन सा ड्रेस पहना था, कौन से कलर की साड़ी पहनी थी, 8 दिन पहले आप जिस रास्ते से जा रही थी उस रास्ते से आपको एक जन मिले थे, याद है क्या उनका नाम, नहीं याद आया। या आपने 2 दिन पहले क्या खाना खाया, नहीं याद आ रहा। दिस इज ऑल इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। लेकिन आपको 1 साल की आयु में आपने चलना चालू किया और आप पूरी जिंदगी भर चलते, कभी भूलते नहीं कैसा चलना है। उस प्रकार से 7वें साल में हमने स्विमिंग करना सीखा, या ऐसी चीजें जो मतलब हमारे लाइफ लॉन्ग के लिए तैयार हो जाती है। तो ये जो प्रेगनेंसी का पीरियड है उस दौरान हमारे जो वोम्ब है मतलब गर्भ जो है उसमें ये एक्सप्लिसिट लॉन्ग टर्म मेमोरी उसके लिए उसकी बहुत ओपन है। आप जो भी उसको देंगे ना वो उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने वाला, इतना समझ लीजिए। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं इसको अच्छा गाना बताऊंगा, समझ नहीं पाएगा उसका अर्थ क्या है, लेकिन उसके मेमोरी में वो चला जाएगा। जिस समय वो बड़ा होगा, जिस समय वो आपको दिखेगा कि उसमें ऐसे गुण है जो बाकी लोगों में नहीं है, कहाँ से आ गए, तो आपने उस प्रकार से उसके लिए ये सब किया था। तो ये आप ध्यान में रखिए। और मेरा अभी और 5 मिनट का समय है, तो मैं थोड़ा विषय को ये करते हुए आपको ये बताती हूँ कि जैसे प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी आर द कंसेक्यूटिव प्रोसेस, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है वो, कि एक आप इफ यू आर प्रेग्नेंट आपको डिलीवरी होनी है। और हम क्या करते हैं, डिलीवरी के समय बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं बोलूंगी आप बहुत ही स्वस्थ हाथों में है, डॉक्टर चैतन्य शेंबेकर का हॉस्पिटल और पूरी टीम उनकी, ये आपके लिए यहाँ बैठी है, आपको उसके बारे में चिंता नहीं करनी। हम क्या करते हैं, हम सुनते हैं
मेरी दूर की ननंद है, उसकी और एक सहेली है, उसकी और भांजी है, उस भांजी के साथ ऐसा हुआ, क्या मेरे साथ होगा क्या? तो ये मन में विचार लाना नहीं है हमें। जब हम प्रार्थना करते हैं शाम के वक्त, तो ये प्रार्थना करती हैं, हमारे बच्चे को बताना है कि ये धीरज का पीरियड है, धैर्य से हमको सामने लाना है, सामने आना है। क्योंकि बच्चे को यदि आप ऐसी प्रार्थना करेंगी, क्योंकि वो प्रार्थना करना हमारे हाथ में है कि हमको नेचुरल वे से बाहर आना है, नेचुरल मीन्स नैसर्गिक डिलीवरी। तो यदि हम ऐसा कर सकते हैं, और यदि ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी घटना घड़ी नहीं कर सकते, डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए, ही विल टेक द डिसीजन, उसको लिए हमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये पूरा 9 मंथ का ड्यूरेशन है, आप आनंद से आप देखिए किस प्रकार से आप कहाँ पे आपको आनंद मिलता है। यदि आपको मैं बोलूंगी कि कुछ ऐसी आर्ट्स, जैसे हम रंगोली डाल सकते हैं, हम पेंटिंग कर सकते हैं, हम म्यूजिक सुन सकते, गा सकते हैं, ये आर्ट्स में क्या होता है, मतलब ये जो कला जो है जिससे सृजनशीलता या क्रिएटिविटी होती है, तो हमारे जिस समय हम ये 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जिस समय हम हमारे दो पार्ट्स मेंदू के, एक राइट है और एक लेफ्ट है, हमारा पूरा व्यवहार जो है हमारा दिन भर का, उसमें हम लेफ्ट आर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिस समय हम कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, कला करते हैं, आर्ट्स का काम करते हैं, तो हमारा ये काम जो है राइट ब्रेन से होता है। तो जिस समय हम ये काम करते हैं, उस समय जो लेफ्ट ब्रेन है वो शांत रहता है, उसको फिर और ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो आप इस प्रकार से देखिए, आपको जिस तरीके से आपका बच्चा होना चाहिए ऐसा लगता है, उसके उस महापुरुषों के प्रतीकों को सामने रखिए, उनके बारे में वो निकालिए, उनका चित्र निकालिए, ऐसा देखिए, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो हमको जो ये 9 महीने का कालावधि मिला है, मतलब 7 ही महीने का, क्योंकि 2 महीने तो हमको समझ में ही चला गया कि हमको हम प्रेग्नेंट है करके, तो इसका आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे आनंद में व्यतीत करें। एक बताना चाहूंगी कि जेलस, हमें बहुत किसी भी चीज का जेलस लगता है, किसी मेरी सहेली को उसने गाड़ी ली मेरे पास नहीं है, उसने बंगला लिया मेरे पास नहीं है, उसके बाद अच्छी साड़ी है मेरे पास नहीं है, ये इससे हमको ऊपर आना है। क्योंकि ये जेलस की जो, जिस समय हमारे पास ऐसा जेलस या मत्सर हम जिसे बोलते हैं, इस प्रकार की भावना या विचार तैयार होता है, उस समय ऐसी बहुत घातक वेव्स हमारे ब्रेन से तैयार होती है, और ये जेलस की जो वेव्स रहती है वो घर में ऐसी जाती नहीं है, वो ऐसी रहती है, तो उसका घातक परिणाम सब पे होता है। तो हमें भगवान को प्रार्थना करने के, भगवान मुझे शांति दे, मुझे समाधान दे। और एक आप ध्यान में रखिए कि एक शक्ति जो पूरे विश्व को चलाने वाली है, जिसको हमें अपने आपकी जो जो श्रद्धा होगी उस हिसाब से कीजिए, लेकिन ये श्रद्धा के साथ उस वक्त उस जो शक्ति है उस पर विश्वास रखिए, वो चलाने वाली है। तो फिर क्या है, हमको तो कुछ करना नहीं, उसके ऊपर विश्वास रखिए, वो जो जो करेगा आपके लिए हित में होगा, आपके लिए अच्छा करेगा। इस प्रकार से उसके ऊपर जब आप विश्वास रखेंगी, खुद का अहंकार भी कम होता जाएगा। एवरी टाइम वी आर रिस्पॉन्सिबल, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या मैं ही करती हूँ, मैं ही हूँ, ये मैं से क्या होता है, हमारा अहंकार बढ़ता है, कुछ नहीं। फिर अहंकार से क्रोध होता है, क्रोध से जेलस होता है, इससे हमको बाहर निकलना है, क्योंकि हमारे यहाँ एक भगवान का अंश आ रहा है। आपने देखा होगा जिस समय आप बिल्कुल 1-2 महीने हुए होंगे, 2-3 महीने हो गए, किसी को बताया नहीं, लेकिन आपको दूर की मौसी मिलती है, बोलती है क्या रे कुछ गुड न्यूज है क्या तुम्हारे पास, क्यों कैसे पता चला गया, उसको तो किसी ने मालूम भी नहीं। तो यह ऐसा हुआ कि आपके चेहरे पे जो रौनक आ गई है ना, वो उसका परिणाम। तो आप ये देखिए कि मेरे घर भगवान आ रहे हैं, तो उसको मैं क्या अच्छा दे सकती हूँ, क्या मतलब ऐसा है कि मैं जिसके साथ ये देने से, मैं जो भगवान को प्रिय है, क्या भगवान को प्रिय है, अच्छे गुण प्रिय है, हाँ, जैसे क्या मैं सच बोल सकती हूँ, ऐसा कुछ निश्चय कर सकती हूँ कि हाँ ये कर सकते हैं, किसी को उल्टे उत्तर नहीं देना, हम बिल्कुल रिएक्ट हो जाते हैं, नम्रता पूर्वक सुनना, किसी के सामने लीन होना, किसी को मतलब इस प्रकार से, तो आप ये कर सकते हैं, है ना। और एक बताना बात भूल गई कि इसमें पूरा 9 पीरियड 9 महीने में सबने बताया है कि माँ का रोल बहुत ज्यादा है, लेकिन ये समझ लीजिए कि पिता का भी उतना ही रोल है। अभी एक इन दिनों में एक बहुत अच्छा श्लोक पढ़ा, वो आपको बताती हूँ। पिता धर्म पिता स्वर्ग, पिता ही परम तप, पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियंती सर्वदेवता। इसका मतलब
पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सबसे श्रेष्ठ तप है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ उपस्थित सभी बंधु वर्गों को मैं बोलूंगी कि आप अपनी शक्ति को पहचान लीजिए। आपके अंदर जो शक्ति है ना वो सुप्त शक्ति है, दिखती नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है, गहरा है। तो आप अपने होने वाले बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे, आप उनके लिए अच्छा सोचेंगे, उनके लिए जिस जो हमने बताए वो सब उपाय आप भी करेंगे, उसका परिणाम आपके बच्चे पे जरूर होने वाला है, इतना ध्यान रखिए। और आराधना ताई झाली का वेळ, आराधना ताई हो झाली आहे वेळ, जय श्री। तर ठीक आहे, तो ये आज का मैं ये जो मेरा सेशन है ये समाप्त करती हूँ। आप लोग सभी को मैं मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम से, टीम की ओर से बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और अच्छे पेरेंटिंग के लिए, और आप जल्दी से जल्दी हमें अच्छी न्यूज देंगे इसके लिए राह देखते हुए मेरा जो विवेचन है यहाँ पूर्ण करती हूँ। नमस्कार, हरिओम। अभी दूसरा जो सेशन है आज का, ताई कसा झाला सेशन? खूप छान झालं, चांगलं झालं, ठीक आहे, छान झालं। हो तो अभी आगे का जो सेशन ले रही है वो ले रही है आराधना ताई ताठे। आराधना ताई ताठे वो MSc इन बायोटेक्नोलॉजी है, तो लेकिन उनका पैशन कुछ अलग है। उनका पैशन में उनको अपनी मतलब ऐसा है कि हमारे परंपरागत पदार्थ, मतलब परंपरागत हमारी जो रेसिपीज है उसको वो जतन करना चाहती है। इतना ही नहीं कि उसके लिए उन्होंने अपने पैशन को इसमें बनाने के लिए उन्होंने अपना एक छोटा सा गृहोद्योग, आराध्य गृहोद्योग नाम से शुरू किया है, विच इज मेनली फॉर मतलब जैसे प्रेग्नेंट मदर्स के लिए, और डिलीवरी होने के बाद आपको लिए जो फूड प्रोडक्ट्स लगेंगे वो खुद बनाती है। और इसमें उन्होंने ये पूरा ध्यान रखा है कि बाजार में जो हमें मिलते हैं उसमें मालूम है उसके अंदर क्या है, उसका पोषण तत्व कैसा है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है। लेकिन ये पूरा ध्यान रखते हुए, अपनी भारतीय परंपरा का सार्थ अभिमान रखते हुए, परंपरागत चीजों में वो रख के उन्होंने ये सब आपके लिए ही बनाए हैं। तो लेकिन उनकी पैशन देखिए कि वो उनके पास का जो जो नॉलेज है वो हम सबके साथ बिना मूल्य निःशुल्क, ये पूरा कार्यक्रम निःशुल्क हम लोग लेते हैं, तो ये कुछ देना चाहती है। तो इसीलिए वो समाज, जय श्री ताई। हाँ हाँ, आला ना, हाँ, ये था ना। तो इस प्रकार से वो समाज के प्रति अपने जो ऋण है उससे भी वो भली भांति जानती है, और ये इतना समय आप सबके लिए वो यहाँ देती है। इसके सिवाय शी इज अ मेंबर ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया महाराष्ट्र, तो इसकी वो सदस्य भी है। तो इस प्रकार से वो आज का आपका सेशन लेंगी जिसमें वो आपका डाइट और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में आपको सजग करेगी। तो आराधना ताई को मैं आमंत्रित करती हूँ, ताई अपना सेशन शुरू करें। धन्यवाद जयश्रीताई। सर्वप्रथम जयश्रीताई तुमचं सेशन खूप छान झालं, आणि आज आशिष सरांनी मराठीत सुरुवात केली तर इच्छा होते मराठीत बोलायचं का, चालेल का सगळ्यांना मराठीत बोललं तर? चालणार आहे सगळ्यांना की कोणी असं आहे मराठीत? हो हो, चालेल मॅडम। अरे वा, ठीक आहे मग। तर सर्वप्रथम मी डॉक्टर चैतन्य शेंबेकर सर, डॉक्टर मनीषा शेंबेकर मॅडम, ओमेगा हॉस्पिटलची पूर्ण टीम, जयश्रीताई ह्या सर्वांचे मनापासून आभार मानते की त्यांनी मला आजच्या ह्या कार्यक्रमात आमंत्रित केलं। आणि तसंच डॉक्टर आशिष सर आणि डॉक्टर ऋषिकेश सर आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित आहे याचा खरोखर आम्हाला खूप आनंद होतो आहे। तर जसं जयश्रीताईंनी सांगितलं तसं मी पण नेहमीच सांगते की गर्भारपण, त्यानंतर पुढे लहान मुलाला मोठं करणं म्हणजे प्रेग्नन्सी, लॅक्टेशन, चाइल्ड रेअरिंग, ह्या सगळ्या ज्या स्टेजेस आहेत यात फक्त आईचाच सहभाग असला पाहिजे हे बरोबर नाहीये। हा पूर्ण कुटुंबाचा विषय आहे, इट्स अ फॅमिली प्रोजेक्ट। तर आजच्या कार्यक्रमालाही जर तुम्ही सहकुटुंब उपस्थित असाल तर खरोखर आम्हाला खूप आनंद होईल, आणि सहकुटुंब शक्य नसेल तर निदान होणाऱ्या आई वडिलांनी, मीन्स वुड बी पॅरेंट, त्यांनी तरी सोबत हा कार्यक्रम आवर्जून अटेंड करावा असं
आम्हाला वाटतं. जर घरी असतील तर अवश्य दोघांनी मिळून कार्यक्रम बघा. आता आपण मूळ विषयाकडे वळूया. आपल्याला बघायचंय आज की गर्भारपणात तुमचा आहार काय असला पाहिजे. तर हे सांगण्याच्या आधी एक गोष्ट तुम्हाला सांगते की आय एम नॉट अ क्वालिफाईड न्यूट्रिशनिस्ट. जसं जयश्रीताईंनी सांगितलं, बेसिकली आय एम अ बायोटेक्नॉलॉजिस्ट. पण गेल्या 6 वर्षापासून नागपूरमध्ये माझा स्वतःचा गृहउद्योग आहे आणि जी माझी प्रॉडक्ट रेंज आहे ती मी मेनली प्रेग्नंट आणि लॅक्टेटिंग मदर्स आणि 6 महिन्यानंतर जे आपण लहान बाळांना पूरक आहार जो सुरू करतो, कॉम्प्लिमेंटरी फूड, तो मी घरी तयार करते. आणि यामागचा मूळ उद्देश हा आहे की जे आपलं ट्रॅडिशनल जे फूड आहे जे आता काळाच्या ओघात मागे पडत आहे ते जास्तीत जास्त गृहिणींनी आणि नवीन मातांनी परत त्याकडे वळावं हा ह्या कामामागचा उद्देश आहे. तर आहाराबद्दल सांगताना सर्वप्रथम मी तुम्हाला हे सांगेल की प्रेग्नन्सी इज नॉट अ डिसीज, इट्स अ हेल्दी स्टेट ऑफ बॉडी. आणि जसं जयश्रीताईंनी सांगितलं की तुम्हाला ह्या स्टेजमध्ये प्रत्येक गोष्टीतून आनंद घेता आला पाहिजे. अनहॅपी मदर्स गिव्ह बर्थ टू स्टुपिड बेबीज अशी एक प्रोवर्ब आहे. तर नेहमीच पहा, आपल्या संस्कृतीमध्ये सण वार आणि गेट टुगेदर्स यांचा आपल्या जेवणाशी, पदार्थांशी, अन्नाशी खूप जवळचा संबंध आहे. त्याच्यातून आपल्याला एक आनंद मिळत असतो. आणि जी क्रिएटिव्हिटीची गोष्ट सांगितली जयश्रीताईंनी, तर नवीन नवीन पदार्थ करणे हा सुद्धा एक क्रिएटिव्हिटीचा भाग आहे. प्रत्येकाची हॉबी वेगवेगळी असू शकते. प्रत्येक स्त्रीला नवीन नवीन पदार्थ करण्यातच आनंद मिळेल असं नाहीये. पण बऱ्याचशा स्त्रिया अशा असतात ज्यांना छान नवीन पदार्थ करून बघितला, स्वयंपाक खूप छान झाला, आपल्या हातचा पदार्थ घरातल्या लोकांना आवडला तर आपल्याला आनंद होतो. तर हा पण एक क्रिएटिव्हिटीचा भाग आहे. तर त्या दृष्टीने तुम्ही आहाराकडे बघा. आपले जे ट्रॅडिशनल रेसिपीज आहेत त्या सगळ्या आपल्या आहारात आणण्याचा प्रयत्न करा. देअर इज नो मॅजिक फॉर्म्युला फॉर अ हेल्दी प्रेग्नन्सी डाएट. जेव्हा हे गर्भसंस्काराचं सेशन आहे तर डाएट कडे 1 ग्रॅम कार्बोहायड्रेट गिव्ह 4 किलो कॅलरीज ऑफ एनर्जी, 1 ग्रॅम फॅट गिव्ह 9 किलो कॅलरीज ऑफ एनर्जी अशा पद्धतीने बघण्यापेक्षा एक समग्र विचार करा आहाराचा. मी एक छोटंसं उदाहरण तुम्हाला देते. आपलं वरण, भात, तूप, त्याच्यासोबत लिंबाची एक फोड किंवा लिंबाचं लोणचं, हे जे आपलं साधं आहार आहे हा, तो पण इट्स अ हेल्दी वन पॉट मील. याच्यामधून तुमच्या आहाराच्या सगळ्या गरजा पूर्ण होतात. तुम्हाला बॅलन्स डाएट म्हणजे काय घ्यायचं आहे? कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स, फॅट्स, व्हिटॅमिन्स, मिनरल्स, फायबर आणि वॉटर म्हणजे पाणी. तर हे सगळं तुमच्या आहारात असेल तर इट्स अ हेल्दी बॅलन्स डाएट. मग तुम्ही जर आपल्या पारंपरिक आहाराचा विचार केला, आपलं जे रोजचं जेवण असतं, वरण, भात, भाजी, पोळी, दही किंवा ताक, कोशिंबीर किंवा सॅलड, एखादी कोरडी चटणी आणि घरचं तयार केलेलं एखादं स्वीट, लाडू, शिरा, खीर, काही पण, तर हाच आपला पारंपरिक महाराष्ट्रीयन आहार आहे. आपण महाराष्ट्रात आहे किंवा मी बेसिकली महाराष्ट्रीयन आहे म्हणून माझ्या बोलण्यात महाराष्ट्रीयन पदार्थांचा उल्लेख जास्त येईल. पण प्रत्येक स्टेटचं असं एक ट्रॅडिशनल डाएट असतं आणि तेच जर तुम्ही फॉलो केलं तर तुम्हाला विशेष आणखी काही प्रेग्नन्सीमध्ये वेगळं करण्याची गरज नाहीये असं मला वाटतं. आणि आणखी एक महत्वाचा मुद्दा मला सांगावासा वाटतो की रेज युअर सेल्फ बिफोर यू रेज युअर किड्स. तुम्हाला जर वेगवेगळ्या धान्यांची, वेगवेगळ्या कडधान्यांची, वेगवेगळ्या भाज्यांची स्वतःलाच माहिती नसेल तर तुम्ही ते तुमच्या होणाऱ्या बाळाला ती माहिती देऊ शकणार नाही. आणि तुम्हीच जर उत्सुक नसाल की मी वेगवेगळे धान्य, वेगवेगळ्या भाज्या माझ्या आहारात इन्क्लूड करेल, मी जंक फूड पासून स्वतःला दूर ठेवेल, मी जेवताना काही जे विशिष्ट नियम आपल्या पूर्वापार जे चालत आलेले आहेत की जेवताना जेवणाकडेच तुम्ही लक्ष द्या, मोबाईल तुम्ही बाजूला ठेवा, टीव्ही समोर बसून तुम्ही जेवू नका, ह्या साध्या साध्या गोष्टी जर तुम्ही फॉलो केल्या आतापासून तर नॅचरली ते संस्कार तुमच्या पोटात वाढणाऱ्या बाळावर होणार आहेत. तर डाएटचं मुख्य तुम्ही काय खायला पाहिजे हे सांगण्याआधी हा भाग मला खूपच महत्वाचा वाटतो. जे जयश्रीताईंनी जे सांगितले ते आत्म्याचे, मनाचे संस्कार आहेत, ते अतिशय महत्वाचे आहेत. ते जर तुम्ही फॉलो कराल आणि त्याच्या सोबत सोबत जर तुम्ही योग्य आहार घेतलात तरच त्याचा फायदा तुम्हाला, तुमच्या होणाऱ्या बाळाला होणार आहे.
तर हे सगळ्यांनी आवर्जून लक्षात ठेवा आणि हे फक्त गर्भवती मातांनीच नाही तर होणाऱ्या बाबा लोकांनी सुद्धा ही गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे. वडिलांचा रोलही किती महत्वाचा आहे हे जयश्रीताईंनी शेवटी जो श्लोक सांगितला त्याच्यातून तुम्हा सगळ्यांच्या लक्षात आलं असेल. आपण नेहमी असं म्हणतो की जेव्हा बाळाचा जन्म होतो तेव्हाच आईचा पण जन्म होत असतो, तर ह्या पुढे जाऊन मी म्हणेल की तेव्हाच वडिलांचा पण जन्म होत असतो आणि वडिलांचा रोल पण तितकाच महत्वाचा आहे. ज्या घरामध्ये ज्या कुटुंबामध्ये वडील सुद्धा मुलांच्या संगोपनात त्यांच्या पालन पोषणात अगदी आईच्या बरोबरीने सहभाग घेतात ती मुलं मानसिकदृष्ट्या सायकोलॉजिकली खूप खंबीर होतात. त्यामुळे बाबा लोकांनी पण ह्या गोष्टीचं महत्व जाणून घ्या. जर घरामध्ये तुमची पत्नी किंवा आता ज्या इथे प्रेग्नंट बसलेल्या आहेत सगळ्या महिला त्यांनी जर माझं आजचं हे लेक्चर ऐकल्यानंतर ठरवलं की मी आता काही माझ्या जेवणामध्ये सुधारणा करू इच्छिते तर त्या गोष्टीला होणाऱ्या बाबा लोकांनी पण सपोर्ट करायला हवा. हे तू काय बनवलं, हे मी कधी खाल्लेलंच नाहीये, हे मला आवडतच नाही, अशा पद्धतीची रिएक्शन होणाऱ्या बाबा लोकांनी देऊ नये. सगळ्यांनी कोऑपरेट करून एक हेल्दी इटिंग हॅबिट रेज करण्याचा प्रयत्न करावा असं मला आवर्जून वाटतं. तर आता आपण मुख्य तुमचं डाएट काय असायला पाहिजे प्रेग्नन्सीमध्ये या विषयाकडे वळू. पहिले जे नाही रुक जाइए जिग्नेश जी 2 मिनिट रुक जाइए. सबसे पहले हम देखेंगे सगळ्यात पहिले आपण बघू की पहिले जे 3 महिने असतात फर्स्ट ट्रायमिस्टर ह्या 3 महिन्यांमध्ये बहुतांशी गर्भवती स्त्रियांना उलट्या मळमळ ह्या गोष्टींचा त्रास होतो. काही स्ट्रॉंग जे स्मेल्स असतात फोडणीचे वगैरे वास सहन होत नाहीत तर अशा वेळी ह्या हॉर्मोनल चेंजेसमुळे हे सगळं होत असतं. तर अशा वेळी तुम्ही पहिले 3 महिने एक प्रॉपर डाएट चार्ट फॉलो करू शकत नाही. खूप इच्छा असूनही तुम्ही सागर संगीत सगळं वरण भात भाजी पोळी असं ताटभर जेवण घेऊ शकत नाही. तर टेक इट इझी, ह्या गोष्टीची अजिबात काळजी करू नका, हे खूप नॉर्मल आहे. आणि पहिले 3 महिने तुम्ही स्वतःला शांत ठेवायचं, स्वतःला हेच समजवायचं की ही फेज लवकरच निघून जाणार आहे आणि 4th महिन्यापासून मी परत माझं नॉर्मल डाएट घेऊ शकणार आहे. तर ह्या पहिल्या 3 महिन्यांमध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, जेही तुम्हाला धकेल म्हणजे अगदी कधी कधी कोरडं खायची इच्छा होते, अगदी कोरडा थालीपीठाचा तुकडा किंवा कधी कधी तुपमीठ पोळी तेलमीठ पोळीचा रोल असं खायची इच्छा होते, लाह्या ज्या असतात वेगवेगळ्या धान्यांच्या पॉपकॉर्न झाले साळीच्या लाह्या किंवा धानाच्या लाह्या ज्वारीच्या लाह्या हे कोरडं सुद्धा तुम्ही खाल्लेलं तुम्हाला पचतं तर ते थोडस हळद जिरं मीठ तुपावर परतून ते डब्यात ठेवायचं, ते तुम्ही थोडस खाऊ शकता. आणि वेगवेगळ्या प्रकारची सरबत तुम्ही आहारात घ्या ह्या पिरियडमध्ये, म्हणजे कोकम सरबत घेऊ शकता, लिंबू सरबत घेऊ शकता, शोप धणे जिरे रात्री 1-1 चमचा भिजत घालायचे, सकाळी त्याला मिक्सरमधून एक जर्क मारायचा आणि खडीसाखर टाकून त्याचं गाळून तुम्ही ग्लासभर सरबत घ्यायचं. यांनी पण या मळमळीच्या त्रासावर खूप फायदा होतो. तर हे सगळे वेगवेगळ्या प्रकारचे सरबत आहारात असू द्या आणि स्वतःला हायड्रेटेड ठेवायचा प्रयत्न करा. ज्यांना नारळ पाणी पचतं त्यांनी नारळ पाणी पण रोज घ्यायला हरकत नाही. मी याच्यासाठी सांगितलं की ज्यांना पचतं त्यांनीच घ्या, कारण सरसकट चांगलं असतं म्हणून नारळ पाणी घ्या असं बऱ्याच जणी करतात आणि खूपशा जणींच्या प्रकृतीला नारळ पाणी पण सहन होत नाही. तर जे तुम्हाला स्वतःला कळतं की आपल्याला काय सूट होतंय काय आपल्या पोटात राहतंय ते तुम्ही थोडं थोडं दर 2-3 तासांनी घेण्याचा प्रयत्न करा. आणि फर्स्ट ट्रायमिस्टर झाल्यानंतर 4th महिन्यापासून मात्र तुम्ही एक प्रॉपर डाएट चार्ट मी तुम्हाला सांगते तो तुम्हाला फॉलो करायचा आहे आणि प्रेग्नन्सीमध्ये तुमचं 5-6 किलो हेल्दी वेट गेन होणं आवश्यक असतं. तर त्यासाठी 4th महिन्यापासून प्रॉपरली फोकस करा आपल्या आहारावर. अभी दिखा दीजिए जिग्नेश जी, तर प्रेग्नन्सीमध्ये तुमचा आहार कसा असायला पाहिजे? तुमच्या दिवसाची जी सुरुवात आहे ती युजली आपण चहा किंवा कॉफीने आपण दिवसाची सुरुवात करतो, तर चहा किंवा कॉफी उठल्या न घेता चहा कॉफीची वेळ तुम्ही नाश्त्यानंतर शिफ्ट करा. आणि उठल्या बरोबर तुम्हाला घ्यायचे आहेत जो सुका मेवा असतो तो रात्री भिजू घालायचा आणि सकाळी उठून तो तुम्हाला आहारामध्ये घ्यायचा आहे. म्हणजे तुम्ही 2 बदाम 1 अक्रोड हे रात्री भिजू घालून ठेवायचं, त्याच्या सोबत सोबतच 2 खजूर 1 अंजीर आणि 8-10 काळे मनुके
जर अंजीर किसमिस आणि खजूर तुम्हाला भिजवलेलं आवडत नसेल, मला स्वतःला ते लिबलिबीत झालेलं आवडत नाही म्हणून मी ते भिजवलेलं खाऊ शकत नाही, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार जर भिजवलेलं आवडत असेल तर भिजू घाला, भिजवलेलं आवडत नसेल तर ते तुम्ही तसं खाल्लं तरी चालतं वेळेवर, परंतु बदाम आणि अक्रोड मात्र तुम्ही नक्की भिजू घालूनच खा, त्याच्यामुळे ते पचायला सोपं जातं. आणि अक्रोड मध्ये ओमेगा 3 फॅटी ऍसिड्स असतात. तुमच्या बाळाच्या ब्रेन डेव्हलपमेंटसाठी ओमेगा 3 फॅटी ऍसिड खूप महत्त्वाचे आहेत. जर तुम्हाला अगदी कन्सीव्ह केल्याबरोबरच जेव्हा तुम्हाला समजतं तेव्हापासूनच अक्रोडचा आपल्या आहारात समावेश करा. जर तुम्हाला मळमळ उलट्यांचा त्रास नसेल तर जे जवस आहे, फ्लॅक्सीड्स म्हणतो आपण त्याला, आपल्या नागपूरच्या भागात विदर्भात जवस अगदी मुबलक प्रमाणात सापडतं, तर जवसाचा तुमच्या आहारात समावेश करा. जवसाचा तुम्ही चटणी म्हणून किंवा मुखवास म्हणूनही आहारामध्ये समावेश करू शकता. पण सकाळी उठून हे जे ड्रायफ्रुट्स खायचे आहेत त्याच्यामध्ये अंजीर खूप, अंजीर किसमिस खजूर बदाम आणि अक्रोड हे खूप महत्वाचे आहेत. याच्या सोबत सोबतच जर तुम्हाला आवडत असेल तर घरचं केलेलं गुलकंद, आवळ्याचा मुरब्बा किंवा च्यवनप्राश हे सुद्धा तुम्ही सकाळी आहारामध्ये घेऊ शकता. यामुळे तुमचा ऍसिडिटीचा त्रास बऱ्याच अंशी कमी होतो. यानंतरचा येतो तुमचा आहार 2. तर आहार 2 म्हणजे तुमचा सकाळचा नाश्ता, ब्रेकफास्ट. आगे का दिखा दीजिए जिग्नेशजी. आणि तुमचा जो नाश्ता आहे सकाळचा, तो सकाळी झोपेतून उठल्यानंतर 2 ते 3 तासाच्या आत आहार 2 बता दीजिए. आहार 2 हा, तो ये हे जे तुमचा हा जो नाश्ता आहे हा सकाळी उठल्यानंतर 2 ते 3 तासाच्या आत होऊन जायला पाहिजे. आणि नाश्त्यामध्ये पण जसं मी तुम्हाला आधीच सांगितलं की कोणतंही एक पारंपरिक व्यंजन तुम्ही नाश्त्यामध्ये घेऊ शकता. पोहे, उपमा, कोणती पण साऊथ इंडियन डिश म्हणजे इडली, उत्तप्पम, अप्पम हे सुद्धा तुम्ही नाश्त्यात घेऊ शकता. जे आपल्या हिरव्या पालेभाज्यांचे पराठे असतात ते पण तुम्ही नाश्त्यामध्ये घेऊ शकता. गव्हाची सोजी ज्याला दलिया आपण म्हणतो, फोडणीची किंवा गोड, 2 पैकी कोणतीही घेऊ शकता. मिलेटचा दलिया म्हणजे नाचणी, ज्वारी, बाजरी हे जे मिलेट्स आहेत, भरड धान्य म्हणतो ज्याला आपण, यांची सुद्धा तुम्ही सोजी बनवून घेऊ शकता आहारामध्ये. आणि सगळ्यात महत्वाचा मी उल्लेख करेल नाचणीचा, ज्याला आपण रागी म्हणतो, इंग्लिशमध्ये त्याला फिंगर मिलेट म्हणतात. तर नाचणी हे गर्भावस्थेमध्ये मी खूप जास्त त्याच्यावर जोर देते, ते याच्यासाठी की दुधाच्या जवळजवळ तिप्पट कॅल्शियम नाचणीमध्ये आहे. म्हणजे 100 ग्रॅम नाचणीमध्ये 344 मिलीग्रॅम कॅल्शियम असतं. कॅल्शियमची रिक्वायरमेंट गर्भावस्थेमध्ये खूप जास्त वाढलेली असते. आणि ज्या गर्भवती स्त्रिया ज्यांना दूध आवडत नाही, दुधाचे पदार्थ आवडत नाही, त्यांच्यासाठी नाचणी हा खूपच छान ऑप्शन आहे. तुम्ही नाचणीचा लाडू घेऊ शकता, नाचणीची खीर किंवा आंबील तुम्ही नाश्त्यामध्ये करून घेऊ शकता. अगदी जेवणामध्ये नाचणीची भाकरी किंवा जे पराठे करता तुम्ही ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल्सचे, त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही नाचणीच्या पिठाचा समावेश करू शकता. तर ही गोष्ट तुम्ही आवर्जून लक्षात ठेवा. आणि पोहे आणि उपमा हा आपल्याकडे खूप कॉमन आहे. म्हणजे नाश्त्यात आपण बहुतेक वेळा नाश्ता काय करायचा तर आपल्या डोक्यात सगळ्यात पहिला विचार पोहे आणि उपमा हाच येतो. तर पोहे आणि उपमा याच्यामध्ये प्युअर कार्बोहायड्रेट्स आहे. तर थोडं त्याला तुम्ही त्याची न्यूट्रिशन व्हॅल्यू वाढवण्यासाठी ज्या पण सीझनल व्हेजिटेबल्स असतील त्या तुम्ही ऍड करा. तसंच मोड आलेलं जे कडधान्य आहे स्प्राउट्स, ते तुम्ही पोहे आणि उपमा करताना त्याच्यामध्ये घाला. किंवा जर तुम्हाला शेंगदाणे आवडत असतील तर शेंगदाणे पण प्रोटीनचा खूपच चांगला स्त्रोत आहे, तो सुद्धा तुम्ही पोहे आणि उपम्यामध्ये आवर्जून घाला. त्याच्यावरती खोबऱ्याचा कीस घेणं, ओलं खोबरं घेणं, जे आपले मोरिंगा जे आहे, शेवगा, शेवग्याचे पानं, म्हणजे नेहमी आपण कोथिंबीरच घालतो ना या डिशेसवर, तर जो आपला शेवगा आहे इट्स अ सुपर फूड ड्युरिंग प्रेग्नन्सी अँड लॅक्टेशन. याच्यामुळे पुढे तुम्हाला स्तनपानाला सुद्धा खूप छान मदत होते. म्हणजे नवीन आईला दूध खूप छान येतं जर तुम्ही शेवग्याच्या पानांची भाजी खाल्ली, शेवग्याच्या शेंगांची भाजी खाल्ली. तर गर्भावस्थेपासूनच तुम्ही शेवग्याच्या पानांचा आहारामध्ये समावेश करा. जसं फ्रीजमध्ये आपण डब्यामध्ये कोथिंबीर घालून ठेवतो ना, तसं शेवग्याची कोवळी पानं तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवा डब्यामध्ये. आणि तुम्ही वरतून कोणत्याही डिशवर सजावटीसाठी तुम्ही घेतली तर त्याचा तुम्हाला न्यूट्रिशन बेनिफिट खूप छान मिळेल. आणि इथे जे बाबा लोक हजर आहेत आजच्या कार्यक्रमाला,
त्यांना आवर्जून सांगेल की शक्य असेल तर एखाद्या शेवग्याचं रोप तुम्ही लावा घरी. तुमचं बैठा घर असेल तर अंगणात लावा. जर तुम्ही फ्लॅटमध्ये राहत असाल तर मोठ्या कुंडीत पण शेवगा छान वाढतो. निदान शेंगांसाठी नाही तर पानांसाठी तर तुम्ही अगदी छान त्याला वाढवू शकता. वेळोवेळी ट्रिम करायचा, त्याला भरपूर छान कोवळी पानं येतात आणि त्यांचा आहारामध्ये उपयोग करायचा. तर हे झालं नाश्त्याबद्दल. याच्यानंतर तुमचा आहार तीन येतो. जिग्नेशजी आगे का दिखा दिजे. तर सकाळचा नाश्ता आणि दुपारचं जेवण यांच्यामध्ये एक 11-11:30 तुम्हाला कोणतं पण एक सीझनल फ्रूट घ्यायचंय. आणि मुख्य बघा मी स्ट्रेस करते आहे की सीझनल फ्रूट घ्या, म्हणजे स्थानिक, ज्याला आपण म्हणतो की लोकल, सीझनल अँड ओरिजिनल, ह्या तीन गोष्टी तुम्ही फॉलो केल्या तर तुमच्या तब्येतीच्या दृष्टीने खूप चांगल्या आहेत. आपल्या भागात जी फळं ज्या ज्या सीझनमध्ये ग्रो होतात ती आपल्याला ताजी मिळतात, ती आपल्या तब्येतीला सूट होणारी असतात कारण ती आपल्या हवामानात वाढलेली असतात. तर आता सध्या संत्री मिळतात आहे, पेरू मिळतात आहे, तर ह्यांचा तुमच्या आहारात आवर्जून समावेश करा. आपण काय करतो, आपल्याला वाटतं सफरचंद, किवी, हीच हे जे फ्रुट्स आहेत हेच खूप हेल्दी आहेत, पण असं नाहीये. आपले जे लोकल फ्रुट्स आहेत, सीताफळ, पेरू, संत्र, यांचा सध्या सीझन आहे, त्यांचा आवर्जून तुमच्या आहारात समावेश करा. ज्या दिवशी तुमच्या घरी फळ अवेलेबल नाहीये त्या दिवशी तुम्ही, जसं मी तुम्हाला फर्स्ट ट्रायमिस्टर मध्ये सांगितलं, तसं वेगवेगळी सरबत आहारामध्ये घ्या. आवर्जून सांगेल की घरी केलेली सरबत घ्या. बाहेरचं जे पॅकेज्ड ज्यूस मिळतात ते तुम्ही आहारात घेऊ नका. त्याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात प्रिझर्वेटिव्ह असतात आणि ते तुम्हाला अगदी फ्रेश टू ड्रिंक ह्या प्रमाणात मिळू शकत नाही. तुम्ही घरी तुमच्या हाताने करून घेतलेलं लिंबाचं सरबत, कोकम सरबत, आवळ्याचं सरबत, सध्या आवळ्याचा सुद्धा सीझन आता सुरू झालेला आहे, तर आवळ्याचा अजिबात विसर पडू देऊ नका. आवळा खूप 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 हेल्दी आहे तुमच्यासाठी. रोज एक आवळा किसायचा, त्याच्यामध्ये ग्लासभर पाणी टाकायचं, चाळणीने गाळून घ्यायचं, तुमच्या चवीनुसार थोडस मीठ आणि साखर टाकून तुम्ही आवळ्याचं सरबत घेऊ शकता. ज्यांना डायबिटीस आहे, जेस्टेशनल डायबिटीस आहे, त्यांनी मात्र साखर तुमच्या आहारामध्ये घेऊ नका. त्यांनी फक्त मीठ टाकून आवळ्याचं सरबत घ्यायचं. आणि जेव्हा तुम्ही एक अख्खं फळ खाता, होल फ्रूट खाता, तेव्हा तुम्हाला फायबरचा देखील बेनिफिट मिळतो. आणि जसं मी तुम्हाला पहिलेच सांगितलं की बॅलन्स डाएटचे जे कंपोनेंट्स आहेत त्याच्यामध्ये फायबर पण खूप महत्वाचं आहे, जे नेहमीच दुर्लक्षिल्या जाते. आणि प्रेग्नन्सीमध्ये कॉन्स्टिपेशनचा त्रास खूप कॉमन असतो. जर फायबरचा इंटेक तुमचा व्यवस्थित नसेल आणि तुमचा कॉन्स्टिपेशनचा त्रास कायम राहिला तर पुढे मग डिलिव्हरी नंतर पाईल्स आणि फिशर्स सारखे कॉम्प्लिकेशन होऊ शकतात. त्याच्यामुळे पूर्ण अख्खे आहारात असणे, एक पूर्ण फायबर सहित पूर्ण फळ तुम्ही डेली आहारामध्ये ठेवणे हे खूप खूप आवश्यक आहे गर्भावस्थेच्या दरम्यान. यानंतर येतो आहार चार, म्हणजे तुमचं दुपारचं जेवण, ज्याला आपण लंच म्हणतो. याबद्दल आता मी खूप जास्त काही सांगणार नाही. मी तुम्हाला आधीच सांगितलं की आपलं जे ट्रॅडिशनल डाएट आहे इट्स अ हेल्दी होलसम डाएट, तो एक सात्विक आणि संतुलित आहार आहे. तर तुम्हाला जेवणात काय घ्यायचं आहे, वरण भात भाजी पोळी, घरी लावलेलं दही किंवा ताक. परत एकदा आवर्जून सांगते की जितकं तुम्ही घरी तुमच्या केलेल्या ताज्या वस्तू तुम्ही यूज कराल तितकं तुम्ही स्वतःला प्रिझर्वेटिव्ह पासून आणि प्रोसेस्ड फूड पासून दूर ठेवाल. आणि तुम्हाला सवय पण लागेल की घरी दही लावणं म्हणजे खूप मोठी गोष्ट नाहीये. रात्री तुम्ही छोट्या भांड्यात एक वॉर्म मिल्क करून त्याला थोडं विरजण लावायला अगदी 5 मिनिटं लागतात. ती एक सवय तुम्ही आत्तापासून अंगवळणी लावली तर पुढे तुमच्या होणाऱ्या बाळालाही कळेल, त्यालाही कळेल आपली आई घरी दही लावते. मग तेच रिजेक्ट करतील की बाहेरचा दह्याची चव मग मुलांना आवडत नाही जेव्हा आपण घरचंच देतो. आणि आय थिंक की इट्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, कारण हे गर्भावस्थेच्या दरम्यानचं संस्कारांचं सेशन आहे. तर इथे तुम्हाला अन्नाकडे एक संस्कार म्हणून बघण्याची पण सवय लागली पाहिजे. जितकं तुम्हाला शक्य आहे तितकं तुम्ही बाहेरचं दही आणलं आणि खाल्लं असं करण्यापेक्षा घरी करण्याची सवय करा. सध्या तुम्हाला त्रास असेल काही प्रेग्नन्सीमध्ये, जसं आशिष सरांनी पण सांगितलं की मळमळ, उलट्या किंवा IVFच्या थ्रू ज्या प्रेग्नन्सीज असतात त्यांना बऱ्याच त्रासांमधून पण जावं लागतं. अशा वेळी तुमच्या घरी जर तुमचे सासू सासरे असतील, तुमच्या आई वडिलांची तुम्हाला हेल्प असेल किंवा एखादी आपली मावशी घरी कामवाली बाई पण असते, हेल्पिंग हँड असतो आपल्याला कोणी, त्या लोकांकडून तुम्ही अगदी छान त्यांच्याशी छान रिलेशन डेव्हलप करून त्यांच्याकडून ह्या गोष्टी करून घ्या. हे पुढे पण तुम्हाला डिलिव्हरी नंतर पण हे तुमच्या खूप कामात पडणार आहे.
तर थोडा विषय भलतीकडे गेला ऍक्च्युली. तर जेवणात तुम्हाला घरी केलेलं ताजं सगळं अन्न घ्यायचं आहे आणि थोडस मी याच्यामध्ये तुम्हाला तुम्ही काय व्हेरिएशन करू शकता ते सांगते की ट्राय टू मेक युअर प्लेट कलरफुल. प्लेट कलरफुल करायची म्हणजे आपल्याला हिरव्या निळ्या लाल पिवळ्या प्लेटमध्ये जेवण घ्यायचं आहे असं नाहीये. जे प्लेटमध्ये तुमचं जे तुम्ही जेवण बनवता त्यामध्ये वेगवेगळे धान्य, वेगवेगळे कडधान्य, वेगवेगळ्या भाज्या यांचा समावेश करा. जर तुम्ही कधी शांतपणे विचार केला तर आपण गव्हाची पोळी, तांदुळाचा भात आणि तुरीच्या डाळीचं वरण, पालेभाजी म्हटलं तर पालक आणि मेथी आणि शक्यतो फळभाजी म्हटलं तर पानकोबी, फुलकोबी, टोमॅटो, सिमला मिरची हे खूप डॉमिनंट आहे आपल्या डाएटमध्ये. तर हे चित्र थोडंसं बदलायचा प्रयत्न करा. नेहमी नेहमी गव्हाची पोळी खाण्यापेक्षा तुम्ही जी भरड धान्य आहेत ज्यांना आपण मिलेट्स म्हणतो, ब्रिंग मिलेट्स बॅक इन युअर मील्स. कधी कधी ज्वारीची भाकरी करा, कधी कधी नाचणीची भाकरी करा, कधी कधी बाजरीची भाकरी करा. आता हिवाळा आहे, आयुर्वेदानुसार बाजरी तुम्ही या सीझनमध्ये खायला पाहिजे कारण बाजरीमध्ये उष्णता असते आणि हिवाळ्यात अतिशय पौष्टिक असते जर बाजरी तुम्ही आहारात घेतली. आणि वरणही नेहमी नेहमी तुरीच्या डाळीचं वरण करू नका. मुगाची डाळ वापरा, मसुरीची डाळ वापरा. जे वेगवेगळे कडधान्य आहेत म्हणजे हरभरा ज्याला चणा म्हणतो आपण, चवळी म्हणजे लोबिया, त्याच्यानंतर कुळीत, मसूर, ही सगळी वेगवेगळी कडधान्य तुमच्या आहारामध्ये तुम्ही थोड्या थोड्या प्रमाणात का होईना पण इन्क्लूड करण्याचा प्रयत्न करा. त्याच्यानंतर पालेभाज्यांमध्ये बघा तुम्ही कितीतरी व्हरायटी आहे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये. नुसतं पालक मेथीच नाहीये, घोळ भाजी असते, राजगिरा भाजी असते, आंबाडीची भाजी असते, लाल माठ असतो, शेपूची भाजी असते. मी आताच तुम्हाला सांगितलं की शेवग्याच्या पानांची भाजी तुम्ही आहारामध्ये घेऊ शकता. तर जितकी व्हरायटी तुम्ही तुमच्या डाएटमध्ये आत्ता तुम्ही घ्याल तुमच्या आहारातून, तर रिसर्चनुसार हे प्रूव्ह झालेलं आहे की थ्रू एमनिओटिक फ्लुइड ह्या सगळ्या टेस्ट तुमच्या बाळापर्यंत पोहोचतात आणि पुढे चालून तुमच्या बाळाला पण ह्या सगळ्या सवयी तुम्हाला लावताना खूप जास्त त्रास होणार नाही. तर ट्राय टू मेक युअर प्लेट कलरफुल. एक व्हरायटी तुमच्या डाएटमध्ये तुम्ही आणण्याचा जरूर जरूर प्रयत्न करा. थोडंसं कोरड्या चटण्यांचं महत्व मी इथे सांगेल. सकाळचा जो तुम्हाला ड्रायफ्रुट्सच्या सांगताना मी जवसाचा उल्लेख केला, तर उठल्या उठल्या तुम्हाला जवस घ्यायचं नाहीये पण लंचमध्ये आवर्जून जवसाची चटणी तुम्ही करून ठेवा. त्यामुळे तुमच्या बाळाच्या मेंदूच्या वाढीसाठी जवस खूप खूप आवश्यक आहे. तुमचं स्वतःचं पण ब्लड प्रेशर नॉर्मल ठेवायला मदत करतं. फायबरचं प्रमाण खूप जास्त असल्यामुळे तुमचा कॉन्स्टिपेशनचा त्रास पण जवसामुळे दूर होतो. आणि नेहमी नेहमी जवसाची चटणी खाऊन जर तुम्हाला कंटाळा येत असेल तर एका आठवड्यात जवसाची खा, एका आठवड्यात तिळाची खा, एका आठवड्यात शेंगदाण्याची खा. या व्यतिरिक्त एक कराळं म्हणून मिळतं, त्याची पण चटणी तुम्ही आहारामध्ये घेऊ शकता. कोरड्या चटण्या करताना भरपूर प्रमाणात जो आपला गोडलिंब असतो, कढीपत्त्याची पानं, आणि कढीपत्ता खूप इझिली मिळतो हा नागपूरमध्ये, मी घरोघरी झाडं बघते कढीपत्त्याची, परसदारी असतात. त्याची भरपूर पानं घ्यायची, थोडीशी तेलावर परतायची ती आणि त्याचा त्याची पावडर आपण ह्या चटण्यांमध्ये घालायची. कढीपत्त्यामध्ये फॉलिक ऍसिडचं आणि आयर्नचं प्रमाण खूप जास्त असतं. तर ह्या दोन्ही गोष्टी तुम्हाला प्रेग्नन्सीमध्ये खूप खूप आवश्यक आहे. आणि जितके हे व्हिटॅमिन्स मिनरल्स तुम्हाला नॅचरल सोर्सेसच्या थ्रू मिळतील, तुम्ही फॉलिक ऍसिडची गोळी घेतच असाल, आयर्नची गोळी घेतच असाल, कॅल्शियमची गोळी घेतच असाल, पण त्याच्यातून जे ऍब्झॉर्ब होतं त्याच्यापेक्षा खूप चांगल्या पद्धतीने ह्या नॅचरल सोर्सेस मधून ऍब्झॉर्ब होतं. त्यामुळे ह्यांचा जरूर जरूर तुमच्या आहारामध्ये तुम्ही समावेश करा. आणि जेवणामध्ये एक लिंबाची फोड जरूर असू द्या कारण व्हिटॅमिन सी इज असेन्शियल फॉर आयर्न ऍब्झॉर्प्शन आणि आयर्न रिक्वायरमेंट पण 7व्या महिन्यानंतर तर खूपच जास्त प्रमाणात वाढलेली असते. आणि आपल्या भारतामध्येच एक अॅनिमियाचा खूप प्रॉब्लेम खूप कॉमन आहे, तर लिंबाची फोड तुम्ही आवर्जून तुमच्या आहारात असू द्या. त्याच्यामुळे तुमचा हिमोग्लोबिन जो काउंट असतो तो चांगला राहील गर्भावस्थेच्या दरम्यान. आणि गोड खायची जेवणानंतर जर इच्छा होत असेल तुम्हाला, तर घरी केलेलं स्वीट तुम्ही अवश्य खा. ज्यांना डायबिटीस आहे, शुगरचा त्रास आहे, त्यांनी मात्र गोड आहारामध्ये घेऊ नका. आणि बाहेरचे स्वीट्स आणून खाण्यापेक्षा घरी केलेले लाडू, शिरा, खीर हे सगळेच पदार्थ खूप खूप हेल्दी आहेत. त्यांचा आवर्जून तुमच्या आहारामध्ये समावेश करा.
यानंतर येतो तुमचा आहार पाच. जिग्नेश जी नेक्स्ट बता दीजिए. तर आहार पाच जो आहे तो आहे तुमचं संध्याकाळचं थोडं जे आपल्याला खायची इच्छा होते 5-5:30 वाजता रात्रीचं जेवण आणि लंच याच्या मधातला जो पिरियड आहे तो. तर ह्यावेळी पण तुम्ही आता दिवाळीचा सीझन आहे, दिवाळीत सगळ्यांच्याच घरी लाडू चिवडा चकली अनारसे यांची धूम असेल आता. तर खरं म्हणजे हे सगळे हेल्दी स्वीट्स आहेत, हेल्दी स्नॅक्स आहेत. आणि हेल्दी केव्हा आहेत, जर तुम्ही त्याच्यासाठी तळण्यासाठी चांगलं तेल वापरत असाल, डालड्याचा वापर करत नसाल, त्याच्यामध्ये तुम्ही मैद्याचा वापर करत नसाल, तर हे स्वीट्स खरोखर हेल्दी आहेत. आणि थोडासा ट्विस्ट देऊन पहा तुम्ही हे सगळे स्नॅक्स करताना. जी शंकरपाळी आपण करतो ना, ती तुम्ही गव्हाच्या कणकेची जरी केली तरी सुंदर होतात. आपल्याला काय असतं की डोळ्यांनी पांढरा शुभ्र तो मैदा पाहायची सवय लागते, तर ते आपल्याला असं वाटतं आपण डोळ्यांनी खातो वस्तू. तसं करू नका, म्हणजे ऍटलिस्ट एवढा चेंज करा आता गर्भावस्थेत की वापरून पहा गव्हाची कणिक. शंकरपाळी छान होतात आणि ती हेल्दी होतात. चिवडा चकली वापर करताना थोडासा जे आपण आता रिफाईंड बद्दल जो आता आलेला आहे सगळं सांगतात ते की तुम्ही रिफाईंड कार्ब कमी करा तुमच्या आहारामधून. म्हणजे रिफाईंड फ्लोअर म्हणजे मैदा, जे रिफाईंड तेल असतं ते बंद करून जर तुम्ही घाणीच्या तेलावर शिफ्ट होऊ शकत असाल तर फारच उत्तम आहे. आणि आपल्या प्रदेशामध्ये जे ऑइल सीड्स होतात, म्हणजे आपल्या भागात शेंगदाणे तीळ आणि जवस हे होतात ना, तर ह्यांचं घाणीचं तेल तुम्ही आहारात ठेवलं तर तुमच्या तब्येतीसाठी खूप खूप चांगलं आहे. आणि हा संस्कार तुम्ही आत्ता स्वतःवर कराल तर पुढे चालून तो ऑटोमॅटिकली तुमच्या होणाऱ्या बाळावर होणारच आहे. घरातल्या सगळ्यांच्या अगदी ह्या छोट्या छोट्या गोष्टींनी काही इटिंग हॅबिट्स तुम्ही जरूर जरूर बदलवायचा प्रयत्न करा. आणि घरी केलेले सगळे लाडू हेल्दी आहेत. रवा नारळाचा लाडू, बेसनाचा लाडू, सातूच्या पिठाचा लाडू, राजगिऱ्याचा लाडू, दाणेगुळाचा लाडू, फुटाणे आणि गुळ घालून पण लाडू खूप छान होतात. लाडू करायचा कंटाळा जर आला तर 5 वाजता तुम्ही वाटीमध्ये गुळ फुटाणे गुळदाणे घेऊन सुद्धा खाऊ शकता. शंकरपाळी खाऊ शकता, चिवडा खाऊ शकता. बऱ्याच जणींना गर्भावस्थेच्या दरम्यान काही चटपटीत खायची इच्छा होते, जसं भेळ, पाणीपुरी, चाट, कधी कधी पिझ्झा, बर्गर, सँडविचेस. तर त्यांचा तुमच्या आहारात अतिरेक नका होऊ देऊ, पण कधीतरी महिन्या 2 महिन्यातून एकदा तुम्ही खायला हरकत नाही अशा वेळी बाहेर जाऊन खाण्यापेक्षा घरी करून खाल्लं तर ते केव्हाही जास्त हेल्दी आहे, हायजिनिक आहे. तर चाट तुम्ही ह्या वेळेस 5-5:30 वाजताच्या वेळेस घरी बनवून खाऊ शकता. जो आपला गोपालकाला आहे, आपण गणपतीच्या प्रसादात, कृष्ण जन्माष्टमीच्या प्रसादात जो बनवतो तो पण खूप हेल्दी आहे बरं, आणि खूप फॅट कंटेंट कमी आहे त्याच्यामध्ये. जे डायबेटिक आहेत त्यांच्यासाठी पण गोपालकाला खूप छान आहे आणि चटपटीत पण आहे. त्याचा पण तुम्ही ह्या 5 वाजताच्या खाण्यामध्ये समावेश करू शकता. तर ह्या सगळ्या गोष्टी फॉलो करा. जे तुम्हाला डोहाळे लागले असतील ते अजिबात तुम्हाला आपलं मन मारायचं नाहीये, कारण घरातले मोठे लोक सांगतात की डोहाळे आपल्याला पुरवायचेच असतात ह्या पिरियडमध्ये. तर घरातल्या मोठ्या लोकांची पण हेल्प घ्या, ते तुमच्यासाठी काही करत असतील, तुमचे डोहाळे पुरवत असतील, तर त्यांना जरूर जरूर ऍप्रिशिएट करा, जेणेकरून त्यांना पण तुम्हाला उत्साहाने काही अजून करून सगळं हे करायची इच्छा होईल आणि तुम्हाला पण एक छान फिलिंग येईल त्या योग्य. तर फक्त जंक फूड पासून, बाहेरच्या याच्यापासून स्वतःला दूर ठेवा. घरी तुम्ही तुम्हाला जे आवडतं ते करून ह्यावेळेस अवश्य खाऊ शकता. यानंतरचा आहार येतो आहार 6, म्हणजे तुमचं रात्रीचं जेवण. तर रात्रीचं जेवण मी नेहमी सजेस्ट करते की तुम्ही तुमचं लाईट ठेवा, एक हलका आहार ठेवा, ज्याला आपण वन पॉट मील म्हणतो ना. जसं मी सांगितलं की वरण भात तूप लिंबाचं लोणचं, मुगाच्या डाळीची खिचडी आणि कढी, किंवा मिक्स मिलेटचा दलिया, त्याच्यासोबत व्हेजिटेबल सूप, किंवा साऊथ इंडियनमध्ये तुम्ही उत्तप्पा, डोसा, हे सुद्धा तुम्ही रात्रीच्या जेवणामध्ये घेऊ शकता. जे आपल्या मिक्स ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल्सचे पराठे तेही तुम्ही रात्रीच्या जेवणात घेऊ शकता. हांडवा वगैरे जे आहे गुजराती डिश, ते पण खूप हेल्दी आणि छान वन पॉट मील आहे. ते सुद्धा तुम्ही रात्रीच्या जेवणात घेऊ शकता. आणि माझा स्वतःचा गृहउद्योग आहे, हे काही काही इन्स्टंट मिक्सेस, हांडवो मिक्स झालं, मिक्स्ड मिलेटचा दलिया झाला, हे आम्ही ज्या वर्किंग मदर्स आहेत
ज्यांच्या घरी कोणी म्हणजे जे न्यूक्लिअर फॅमिलीज ज्यांच्या आहेत की घरी हेल्पिंग हँड नाहीये, त्यांना सोयीचं व्हावं म्हणून आम्ही याचे इन्स्टंट रेडीमेड पॅकेट्स पण ठेवलेले आहेत याच्या ह्या गोष्टींचे. तर त्याचा सुद्धा तुम्ही म्हणजे फायदा करून घेऊ शकता. बाहेरचं मॅगी करून खाण्यापेक्षा किंवा बाहेरून पार्सल मागवून खाण्यापेक्षा मी तर म्हणेल की तुम्ही पटकन घरी मुगाच्या डाळीची खिचडी लावून खाल्ली तर दॅट इज व्हेरी हेल्दी फॉर यू. आणि पूर्वीच्या काळीचे जे फास्ट फूड होते ते कोणते होते याबद्दल थोडस जाणून घ्या. आता आपल्याला इन्स्टंट फूड म्हटलं की मॅगी आठवतं, जे डब्यातले नूडल्स असतात गरम पाणी टाकून खाण्याचे ते आठवतात, किंवा खूप ऑप्शन आता अवेलेबल आहेत की आपण पटकन बाहेरचं मागवतो. तर पूर्वी सातूचं पीठ करून ठेवायचे अडी अडचणीला, म्हणजे ते सेरेलॅक होतं ना मोठ्या माणसांचं आणि लहान मुलांचं सुद्धा, की बाहेरचं अनहेल्दी खाण्यापेक्षा जर तुम्हाला संध्याकाळी वेळ नाहीये करायला काही तर तुम्ही पटकन खिचडी लावा, वरण भात लावा, किंवा सोजी करून खा, दूध सोजी खा, वरण सोजी खा, किंवा सातूचं पीठ भिजवून पटकन खा. आणि ही गोष्ट मी का इतकी आवर्जून तुम्हाला सांगते आहे की अगदीच काहीच महिन्यात आई होणार आहात तुम्ही, मग तुमच्या बाळांना फास्ट फूडचे ऑप्शन देताना तुमच्या समोर ह्या ट्रॅडिशनल जे ज्या गोष्टी आहेत त्या तुमच्या डोळ्यासमोर यायला हव्यात. अजिबात बाहेरचं मागवून खाण्याची आणि नूडल्स खाण्याची सवय, ब्रेड बिस्किट खाण्याची सवय तुमच्या मुलांना अजिबात लावू नका. त्यासाठी तुम्हाला आत्तापासून स्वतः तुम्ही काय चूज करता आहे प्रेग्नन्सीमध्ये तुमचा आहार ह्याच्यावर फोकस करणं खूप खूप आवश्यक आहे. म्हणून मी नेहमी म्हणते की आहाराकडे पाहण्याची एक नवीन दृष्टी द्या स्वतःला. आहार म्हणजे किती किती काय काय प्रमाणात माझ्या पोटात गेलं पाहिजे याच्यापेक्षा इम्पॉर्टंट आहे की तो मी कशा पद्धतीने घेते, मी काय चूज करते स्वतःसाठी गर्भावस्थेत. तर हे जरूर तुम्ही सगळ्यांनी फॉलो करा, घरातल्या सगळ्यांनीच ह्या गोष्टी फॉलो करा. यानंतरचा येतो तुमचं रात्री झोपायच्या आधी आहार सात, ते म्हणजे रात्री झोपताना तुम्हाला एक ग्लास दूध घ्यायचंय. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की कॅल्शियमचा सोर्स काय हे म्हटलं की सगळ्यात पहिले आपल्या डोळ्यासमोर येतं ते दूध आणि दुधाचे पदार्थ. तर नो डाऊट दुधामध्ये कॅल्शियम आहे, तो कॅल्शियमचा सोर्स आहे. पण मी नेहमी सांगते की फक्त दुधातच कॅल्शियम आहे असं समजू नका. ज्यांना दूध आवडतच नाही, ज्यांना दुग्धजन्य पदार्थ आवडतच नाही, बरेचसे असतात ना, म्हणजे माझीच स्वतःची मधली बहीण, तिला अजिबात लहानपणापासून दूध दही तूप हे प्रकारच आवडत नाही. माझी आई मला लहानपणापासून म्हणायची की इथं कसं होणार, कारण आपल्याकडे असतं ना की प्रेग्नन्सीत आणि डिलिव्हरी नंतर भरपूर तूप खाल्लं पाहिजे आणि भरपूर दूध पिलं पाहिजे. आई लहानपणापासूनच म्हणायची की इथं कसं होणार पुढे. तर ज्यांना असं आहे त्यांनी अजिबात काळजी करू नका. कॅल्शियमचे बाकीचेही स्त्रोत आहेत. मी जसं तुम्हाला नाचणीचा उल्लेख केला, 100 ग्रॅम नाचणीमध्ये 344 मिलीग्रॅम कॅल्शियम आहे, ते दुधापेक्षा जास्त आहे. नाचणीचा आहारात समावेश करा. जे शेवग्याचे पानं आहेत, शेवग्याच्या शेंगा आहेत, त्यांच्यामध्ये भरपूर कॅल्शियम आहे, त्यांचा आहारात समावेश करा. जे सगळे नट्स आणि ऑइल सीड्स, म्हणजे जे काजू बदाम अक्रोड पिस्ता आणि ज्या तेलबिया आहेत म्हणजे शेंगाणे तीळ वस, यांच्यामध्ये सुद्धा भरपूर कॅल्शियम आहे. ज्या सगळ्या पालेभाज्या ग्रीन लीफ व्हेजिटेबल्स त्यांच्यामध्ये कॅल्शियम आहे, त्या सगळ्यांचा तुमच्या आहारात समावेश करा. आणि मी दूध पिऊ शकत नाही म्हणून मला कॅल्शियमच आता भेटणार नाही अशी अजिबात काळजी करू नका. परंतु ज्यांना दूध आवडतं, जे अगदी छान प्लेझंटली दूध घेऊ शकतात, त्यांनी मात्र दूध घ्यायचं आहे झोपताना. आणि दुधामध्ये 1 चमचा शतावरी पावडर आणि 1 चिमूटभर हळद टाकून तुम्ही घ्या. त्याच्यामुळे तुमची इम्युनिटी चांगली राहील. शतावरी पावडर आणि शतावरी कल्प, शतावरी पावडर म्हणजे ती प्लेन असते त्याच्यामध्ये साखर नसते, शतावरी कल्प म्हणजे ते ग्रॅन्युल्स असतात त्याच्यामध्ये साखर असते. तर ज्यांना डायबेटीस आहे त्यांनी शतावरी पावडर घ्या, ज्यांना साखरेचा काही त्रास नाही आहे त्यांनी शतावरी कल्प घ्या. शतावरी इज अ जनरल हेल्थ टॉनिक, ते तुम्ही अगदी कन्सिव्ह केल्यापासून घेऊ शकता, पुढे पण तुम्हाला कंटिन्यू ठेवायचं आहे. म्हणजे जेव्हा तुम्ही बाळाला दूध पाजणार आहात तेव्हा सुद्धा शतावरी घ्यायचंय. इट्स अ नॅचरल गॅलेक्टोगो, त्याच्यामुळे तुम्हाला छान दूध यायला मदत होते. आणि बऱ्याचशा गर्भवती महिलांचा हा प्रश्न असतो
की आम्ही दुधामध्ये तूप घालून घेऊ शकतो का, तर ज्यांना आवडतं जे घेऊ शकतात त्यांनी एक चमचाभर गाईचं तूप दुधामध्ये घालून अवश्य घेऊ शकता. फक्त खूप जास्त तुपाचा अतिरेक करायचा नाही. तुपाचाच काय मी म्हणेल, कोणत्याच गोष्टीचा तुम्ही अतिरेक करायचा नाही. एव्हरीथिंग इन मॉडरेशन इज द की टू द गुड हेल्थ, हे तुम्ही प्रेग्नन्सी मध्ये लक्षात ठेवा. ठीक आहे जिग्नेशजी, झालं जिग्नेशजी डायट चार्ट झालाय. हा जयश्री ताई, लांबलं का आजचं? हो लांबलं आहे. बारा वाजले, अजून 5-7 मिनिटात करता येईल. ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. थोडीशी जुजबी माहिती देऊन द्या, है ना? हो 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 हो, मी तेच मला वाटलंच की आजचं लांबलं म्हणून. तर आता मला वाटतं की आहाराबद्दल ज्या मुख्य मुख्य गोष्टी होत्या त्या माझ्या सांगून झाल्या. तुम्ही काय खायला पाहिजे हे मी सांगितलं, आणि क्विकली सांगते की तुम्ही काय करायला नको प्रेग्नन्सीमध्ये. सगळ्यात पहिले तर जेवताना तुमची मनस्थिती चांगली पाहिजे. तुम्ही जो कोणताही आहार घेता तो आहार घेताना या आहारातून माझ्या बाळाची बुद्धी शक्ती वाढणार आहे, माझं बाळ सुदृढ होणार आहे, हाच एक विचार तुमच्या मनामध्ये असायला पाहिजे. त्याचा खूप सकारात्मक परिणाम होतो तुमच्या बाळाच्या वाढीवर. त्याच्यानंतर जे होणारे आई वडील दोघंही आहेत त्यांनी स्वतःला धूम्रपान आणि मद्यपान याच्यापासून दूर ठेवायचं आहे. जे बाकी डायव्हर्शन्स असतात जेवताना, मोबाईल झालं, टीव्ही झालं, याच्यापासून तुम्हाला स्वतःला दूर ठेवायचं आहे. आणि ट्रॅडिशनली जे सांगितलं जातं की पहिले 3 महिने तुम्हाला पपई आणि अननस आहारामध्ये घ्यायचं नाहीये. आंबा पण पहिले 3 महिने सांगतात की तुम्हाला आहारात घ्यायचा नाहीये. बरेचशा IVF ज्या असतात म्हणजे प्रेग्नन्सीज, त्या महिलांचा मला प्रश्न असतो की आम्ही गूळ आहारात घ्यायला पाहिजे की नाही. तर तुम्हाला तुमच्या डॉक्टरांनी जे सांगितलं असेल ते तुम्ही फॉलो करा. गूळ हेल्दी आहे, प्रमाणात घेतला तर खूप चांगला आहे. मी स्वतःकडून तुम्हाला हे सांगेल की उन्हाळ्यात तुम्ही साखर घ्या, हिवाळ्यात आणि पावसाळ्यात तुम्ही गूळ तुमच्या आहारामध्ये ठेवू शकता. तर हे बेसिक मी तुम्हाला सांगितलं. आता पटकन आपण थोडस ब्रेस्ट फिडिंगचं काय इम्पॉर्टन्स आहे हे आपण जाणून घेऊ. आणि नेहमीच असं होतं की ह्या सेशनमध्ये खूप डिटेलमध्ये ब्रेस्ट फिडिंग बद्दल सांगितलं जात नाही. तर मी तुमच्या माहितीसाठी सांगते की दर महिन्याच्या पहिल्या शनिवारी मी माझं स्वतःचं 1-2 तासाचं पूर्ण ब्रेस्ट फिडिंगच्या टेक्निक, तुम्ही कशा पद्धतीने डील केलं पाहिजे ह्या स्टेजला, त्याच्या वेगवेगळ्या मेथड्स काय आहे, याच्यावर एक डिटेल सेशन घेते. फक्त 100 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्जेस आहे आणि शनिवारी 4-6 वेळ असते. यावेळेस भाऊबीज असल्यामुळे मी ते पोस्टपोन केलं आहे, तर ते 13 नोव्हेंबरला आहे. ज्यांना ज्यांना करायची इच्छा आहे त्यांनी माझ्याशी पर्सनली तुम्ही संपर्क करू शकता. माझा नंबर तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या, 9922609382. आणि खूप खूप फायदा होतो या सेशनचा, कारण एकदा बाळ झाल्यानंतर जर काही अडचणी आल्या स्तनपानामध्ये तर त्या निस्तरताना खूपच जड जात असतं, हा आमचा अनुभव आहे. तर ज्यांना ज्यांना शक्य असेल त्यांनी आवर्जून हे सेशन अटेंड करा. आणि आता तुम्हाला डिलिव्हरी तुमचा नंबर सांगा पुन्हा. 9992 6093 93 82. ओके मॅम. हा तर तुम्हाला आता मुख्य काय गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत स्तनपानाच्या बाबतीत ते मी थोडक्यात तुम्हाला. की सगळ्यात पहिली तर जो एक गैरसमज असतो आपल्या पूर्ण कुटुंबामध्ये पण असतो आणि आपल्या स्वतःला असतो की डिलिव्हरी झाल्या पहिले 3-4 दिवस दूधच येत नाही, त्याच्यामुळे आईला आणि बाळाला सेपरेट ठेवण्यात येतं. तर ही फार चुकीची पद्धत आहे. आयडियली जी स्तनपानाची सुरुवात असते ती बाळाच्या जन्मानंतर 1 तास व्हायला पाहिजे. नॉर्मल डिलिव्हरी असो की सिझेरियन सेक्शन असो, आणि आईला आणि बाळ एवढं जवळ ठेवण्यात येईल जेवढा स्किन टू स्किन कॉन्टॅक्ट म्हणजे अनावृत्त स्पर्श झाला पाहिजे आईच्या आणि बाळाचा. त्याचे खूप फायदे आहेत. आईच्या शरीराचं तापमान जे बाळाला भेटतं
त्याच्यामुळे बाळाच्या हृदयाचे ठोके नियंत्रित होतात, बाळाची शुगर लेवल ती नियंत्रित होते आणि दोघांना पण एक सिक्युरिटीचं फिलिंग येतं जेव्हा आई आणि बाळ एकमेकांच्या जवळ असतं. जेव्हा 9 महिने बाळ आईच्या पोटात असतं त्याला त्या आईच्या शरीराच्या उभेची, आईच्या हृदयांच्या ठोक्यांची सवय झालेली असते. त्यामुळे जेव्हा बाळाला आईच्या छातीशी लावण्यात येतं दिले जन्मानंतर लागलीच 1 तासाच्या आत, तेव्हा एक फिलिंग ऑफ सिक्युरिटी येते आईला आणि बाळाला दोघांना पण. आणि आई ह्या कंडिशन मध्ये नसते तेव्हा की ती बाळास स्तनपान देऊ शकेल, तर जे नातेवाईक आहेत किंवा जे होणारे बाबा लोक आहेत तिथे त्यांनी पण ही गोष्ट लक्षात ठेवा की तुम्हाला ह्या गोष्टीसाठी मदत करायची आहे, किंवा ज्या नर्स असतात हॉस्पिटलमध्ये त्यांची पण मदत तुम्ही घेऊ शकता ह्या गोष्टीसाठी. आणि जे पहिलं चीट दूध येतं पहिले 4 ते 5 दिवस त्याच्याबद्दलही बरेच गैरसमज आहेत की अजूनही बरेच ठिकाणी चीट दूध ज्याला कोलोस्ट्रॉम आपण म्हणतो ते पिळून टाकून डिस्कार्ड करण्यात येतं, टाकून देण्यात येतं. तर हे अतिशय चुकीचं आहे. कोलोस्ट्रॉम इज फर्स्ट वॅक्सिन ऑफ युअर बेबी. ते तुमच्या बाळाच्या पोटात गेलंच पाहिजे. त्याच्यामुळे तुमच्या बाळाची इम्युनिटी वाढण्यास मदत होते. जी पहिली काळी शी असते बाळाची ज्याला मेकोनियम आपण म्हणतो ती पास व्हायला मदत होते जेव्हा कोलोस्ट्रॉम बाळाच्या पोटात जातं. इट ऍक्ट्स ऍज अ पर्गेटिव्ह. बाळाचा निओनॅटल जॉन्डिस पासून बचाव होतो जेव्हा कोलोस्ट्रॉम बाळाला प्रॉपरली 4 ते 5 दिवस मिळतं. त्याच्यानंतर बाळाचा तुमच्या बाळाचा जो आयक्यू असतो तो जवळजवळ 7 पॉइंट्सनी वाढतो जेव्हा त्याला प्रॉपरली कोलोस्ट्रॉम मिळतं तुमच्या बाळाला. हे झाले बाळासाठी फायदे. आईसाठी पण जर तुम्ही पहिल्या तासातच ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट केलं त्याचे आईसाठी पण खूप फायदे आहेत. सगळ्यात पहिले तर पोस्टपार्टम डिप्रेशनचा त्रास हा स्त्रियांमध्ये खूप कॉमन असतो कारण खूप हॉर्मोनल चेंजेस होतात प्रेग्नन्सी डिलिव्हरी ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये. तर जेव्हा तुम्ही बाळाला पहिल्या 1 तासातच आईजवळ नेता स्तनपानासाठी तेव्हा आईची आणि बाळाचं इमोशनल बॉन्डिंग खूप जास्त छान होतं आणि आईला पोस्टपार्टम डिप्रेशनचा त्रास होत नाही. तसंच जो प्लासेंटा असतो ज्याला वार म्हणतो आपण ती वार लवकर पडण्यास मदत होतं कारण गर्भाशय आकुंचन पावण्यास मदत करतं जेव्हा बाळ स्तनाग्राला चोखायला सुरुवात करतं तेव्हा आईचं गर्भाशय आकुंचन पावतं आणि वार लवकर पडते. त्याच्यामुळे जे पोस्टपार्टम ब्लीडिंग असतं त्याचा त्रास आईला होत नाही. आणि लॉंग टर्म मध्ये तर जर तुम्ही 6 महिनेपर्यंत एक्सक्लुझिव्ह ब्रेस्ट फीडिंग केलं तुमच्या बाळाला आणि पुढे 2 वर्ष ते तुम्ही कंटिन्यू ठेवलं अलॉंग विथ कॉम्प्लिमेंटरी फीडिंग तर त्याचे तर आईसाठी खूप फायदे आहेत. पुढे चालून मेनोपॉजच्या एजमध्ये आईला अस्थमा, आर्थ्रायटिस, ऑस्टिओपोरोसिस, बीपी, शुगर ह्या सगळ्या त्रासांपासून आईचा बचाव होतो. ओव्हेरियन कॅन्सर, ब्रेस्ट कॅन्सर, युटेरियन कॅन्सर याचा सुद्धा धोका कितीतरी पटीसाठी कमी होतो. तर हे झाले स्तनपानाचे फायदे आईसाठी आणि बाळासाठी. स्तनपानाचे संपूर्ण कुटुंबासाठी देखील खूप फायदे आहेत. ज्या आया बाळांना स्तनपान करतात 6 महिनेपर्यंत निव्वळ स्तनपान आणि 6 महिन्यानंतर कमीत कमी 2 वर्ष पूरक आहारासोबत स्तनपान आणि WHO युनिसेफच्या ज्या गाईडलाईन्स आहेत त्यांच्यानुसार तुम्ही 5 वर्ष स्तनपान सुरू ठेवू शकता, कंटिन्यू ठेवू शकता. हे प्रॅक्टिकली बऱ्याचशा माता शकत नाही पण मी आवर्जून म्हणेल की 6 महिने वर स्तनपान आणि 2 वर्ष पूरक आहारासोबत स्तनपान हे मी माझ्या बाळाला करणारच हा विषय आज इथे उपस्थित असलेल्या सगळ्या गर्भवती महिलांनी करायलाच हवा. त्यासाठी तुमचा माइंडसेट, तुमची मानसिक तयारी खूप खूप महत्वाची आहे. आणि जे कुटुंबातील इथे सदस्य उपस्थित असतील त्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवा की तुमचं सहकार्य देखील तितकंच आवश्यक आहे. स्ट्रेस ऍडव्हर्सली अफेक्ट द मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स. जो ताण तणाव हा दूध आईला चांगलं येऊ देत नाही त्याच्यामुळे मिल्क सिक्रिशन चांगले होत नाही. आईची स्वतःची जबाबदारी तर आहेच जसं जयश्रीताईंनी सांगितलं की कोणती सिच्युएशन कशी हँडल करायची हे आम्ही तुम्हाला येऊन सांगणार त्या त्या सिच्युएशन मध्ये. पण आता हे कळलं असेल की एखादे ताणतणावाची सिच्युएशन आहे स्मूथली थोडी जाणार आहे पण तुम्ही किती पटकन तुम्हाला त्या सिच्युएशन मधून बाहेर काढू शकता हे तुमच्यावर. तुम्ही आताच स्वतःला ताणात ठेवणारच नाही.
एक व्यवस्थित डायरेक्शनने विचार करायचा, त्या ताणातून बाहेर यायचं. प्लस तुम्ही 6 महिने तुम्ही निव्वळ स्तनपान करू शकाल. तुमच्या बाळासाठी स्तनपान खूप खूप आवश्यक आहे, तुमच्यासाठी खूप खूप आवश्यक आहे. घरातल्या सदस्यांनी सुद्धा नवीन आईचं मानसिक स्वास्थ्य कसं चांगलं येईल, होणाऱ्या बाबा लोकांनी सुद्धा आपल्या पत्नीची ती हॅप्पी कशी राहील, ती स्ट्रेस फ्री कशी राहील याची काळजी घेणं खूप खूप आवश्यक आहे. तिला चांगला आहार कसा मिळेल याची सुद्धा काळजी घेणं खूप खूप आवश्यक आहे. कारण स्तनपान जेव्हा एक आई बाळाला करते तर कुटुंबावरचा खर्चाचा भार खूप खूप कमी होतो. स्तनपानामध्ये कोणता खर्च नसतो. आईला एक बॅलन्स डाएट तुम्हाला द्यायचा आहे आणि त्याच्यातून एक सुदृढ बाळ तुम्ही मोठं करणार आहे. दुसरी गोष्ट, ब्रेस्ट बेबीज आर हॅबिट्स, त्यांचं इमोशनल बॉन्डिंग इतकं छान असतं आईसोबत की ते रात्री खूप छान झोपतात. त्यामुळे घरात तुमच्या रडण्याचा किरकिरीचा आवाज राहत नाही, एक हॅपी ऍटमॉस्फिअर तुमच्या घरामध्ये असतं, रात्रीची तुमची झोप खूप शांततेने होते. आणि ओव्हरऑल एन्व्हायरमेंटसाठी पण ब्रेस्ट फिडिंगचे खूप फायदे आहेत. कार्बन फुटप्रिंट काहीच जनरेट होत नाही. जर तुम्ही फॉर्म्युला फीड तुमच्या बाळाला देताय तर ते फॅक्टरीत तयार होणार, दूध पाजायसाठी लागणाऱ्या बॉटल्स निप्पे पण फॅक्टरीत तयार होणार. हे सगळ्या गोष्टी पर्यावरणावर ताण आणतात, कार्बन फुटप्रिंट वाढवतात. तर अननोइंगली यु आर हेल्पिंग युअर प्लॅनेट ऑल्सो. तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून स्तनपानाकडे पाहण्याची आपली एक जो आपला एक माइंडसेट आहे तो एक पॉझिटिव्ह करा. स्वतःला मानसिकरित्या शारीरिकरित्या स्तनपानासाठी तयार करा. कधी पण तुम्हाला काही अडचण आली पुढे चालून, आता पण काही तुमच्या शंका असतील तर मी नंबर माझा दिलेला आहे, तुम्ही केव्हाही तुमच्या शंका मला फोन करून विचारू शकता. आय एम ऑलवेज देअर टू हेल्प यू. थँक्यू. थँक्यू जयश्रीताई, खूप छान झाला सेशन. आणि काय म्हणतात म्हणता येईल त्याला, वेळेचं मॅनेजमेंट आज थोडं चुकलं. हा थोडस वेळेच सुनीताताईंना जरा हे करावं लागणार आहे. पण तुझ्या बोलण्यामध्ये जी एक होती उत्स्फूर्तता, मलाही समजत नव्हतं की कसं थांबवू, कारण की सगळ्यांना एक वाजायचं फार हे असतं. मला वाटतं की आजचा जो सेशन ताईंनी घेतला तर आपण सगळेजणी त्यांना टाळ्या वाजवू शकतो, आपल्याला दिसणार नाही तरी. खूप छान कार्यक्रम घेतलेला आहे आणि त्यांच्या जवळचं नॉलेज त्या सगळ्यांना कसं किती उपयोगी पडेल आणि कसं पोहोचू शकेल याबद्दलची त्यांची जी आहे काय म्हणतात त्याला उत्कंड काय त्यांचं जे डिव्होशन आहे ते आपण मान्य करूया. पुढचा सेशन आहे योगाचा. पूर्ण जणांनी ते 38 जणांनी ज्यांनी पण सुरुवात पासून ऐकलं त्यांनी दुसरं सेशन पण पूर्ण ऐकलेलं आहे. मला सगळ्यांचं कौतुक करावं असं वाटतंय की कोणीही सोडलेलं नाही आहे. तर आता हा पुढचा जो सेशन आहे योगाचा, मी अपेक्षा करते की तिथेही तुम्ही सगळेजण थांबाल, कारण की अजून पाऊण तास बाकी आहे आणि जरी 1-3 तासाचा कार्यक्रम म्हटलं तर जास्त होऊ शकतो, पण तुमच्या येणाऱ्या बाळासाठी आणि तुमच्या येणाऱ्या म्हणजे आपल्यासाठी हे फार महत्वाचं आहे. कारण की जसं आपण आहाराबद्दल बोललो आता, तर सुरुवातीचा जसा पहिला सेशन झाला त्याच्यामध्ये सांगितलं की गर्भसंस्कारासाठी चांगले विचार येणं आवश्यक आहे. आराधनाताईंनी सांगितलं की पोषणामधनं आपण काय काय कसं चांगलं देऊ शकतो, पण मनाच्या विचाराचा विचार करताना हे चांगले विचार कुठे मिळतील, कुठे आहे का त्याचा एखादा मॉल, तर आम्ही तिथे जाऊन घेऊन घेतो असा विचार आपल्या मनात येऊ शकतो. पण आपल्या भारतीय परंपरेचीच किंवा आपल्या भारतीय संस्कृतीचीच देण आहे की इथे योगा योगासन प्राणायाम हे आम्हाला मिळालं आमच्या वारसा हक्कामध्ये आणि आम्ही ते सगळ्या जगामध्ये ते प्रचार आणि प्रसार झाला त्याचा त्याचंच हे झालं की 21 जून म्हणून पूर्ण इंटरनॅशनल डे योगा अशा पद्धतीने साजरा व्हायला लागला. तर योगाचं महत्व आमच्या जीवनात दैनंदिन जीवनात अधिक आहे आणि बाळंतपणाच्या ड्युरेशनमध्ये म्हणजे प्रेग्नन्सीमध्ये त्याचं तर आहेच आहे. कारण याद्वारे आमच्या मनामध्ये वाईट विचार कमी येतात, म्हणजे चांगले विचार येऊ शकतात असा आम्हाला एक विश्वास येऊ शकतो. निगेटिव्हिटी म्हणजे नकारात्मकता जाऊन सकारात्मकतेकडे आमचा हा प्रवास चालू होतो. तर आजच्या या प्रसंगाला आज आपल्याला आज सचिन दादा येऊ शकले नाही, त्यांच्याकडे काही अडचण असल्यामुळे,
तर आज आपल्याला हा सेशन घ्यायला त्या सुख समाज सुख शांती समाधान या संस्थेच्या सदस्य असलेल्या सुनीताताई आलेल्या आहेत. सुनीताताई, सचिनदादा मातुरकर यांनी एक संस्था स्थापन केली आहे सुख शांती समाधान, आणि त्या संस्थेद्वारे ते सामान्यांपर्यंत शिबिराच्या माध्यमातून हे ज्ञान देत असतात. कारण एक दिवस योगा केल्याने फायदा नाही, तो रोज करायला लागेल, आणि रोज करण्यासाठी जर ती सवय लावायची असेल तर शिबिराच्या माध्यमातून ते घेतात. तर ते त्यांचे काय म्हणतात, अजूनही आत्ताही ऑनलाईन पण वर्ग चालू असतात, त्यांना तुम्ही जॉईन करू शकता. आजच्या या कार्यक्रमामध्ये सुनीताताई तुम्हाला त्याच्यामधले थोडक्यात माहिती सगळी देणार आहे, मला वाटतं त्याचा तुम्ही आनंद जरूर घ्यावा. सुनीताताई या काय म्हणतात खूप आधीपासून संस्थेशी जुळले आहे, आणि त्यांचं हे पॅशन आहे की त्यांचं, आणि पॅशन म्हणण्यापेक्षा त्यांची त्यांना असं वाटतं की मी हे लोकांपर्यंत किती सातत्याने आणि किती प्रभावीपणे समोर पोहोचू शकते, अशा प्रकारे त्या या कार्याशी जुळले आहे. मी सुनीताताईंना आमंत्रित करते की त्यांनी आपलं सेशन सुरू करावं, आणि सगळ्यांना विनंती करते की त्यांनी हे सेशन पूर्णपणे एन्जॉय करावं. सुनीताताई आवाज येतोय माझा? हो येतोय येतोय. समाधान सगळ्यांना. मी सुनीता मोटघरे. सबसे पहले मैं अपने गुरु जो है सचिन सर उनका धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनके कारण ही मैं आप सबसे मिल पाती हूँ. और अपनी जयश्री ताई, अनुराधा ताई जो हमेशा बहुत अमूल्य मार्गदर्शन करती रहती है, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी. और स्पेशली डॉक्टर शेम्बेकर सर, जो गर्भ संस्कार जो विषय है, इस अच्छे विषय को रखने का हमें प्लेटफॉर्म दिया है, उनका भी बहुत धन्यवाद. जिग्नेश जी, जिनके कारण हम सब घर बैठे इस कार्यक्रम का आनंद लेते हैं, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी. और आप सब जो इस वक्त जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद. तो चलिए आज योग सेशन का शुरुआत करते हैं. कोई भी अगर हम शुरुआत करते हैं तो प्रार्थना आसन से हम शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे. सभी लोग घुटने के बल आ जाए, दोनों हाथ श्रद्धा पूर्वक छाती के पास, गर्दन हल्की सी झुकी हुई. आप जिस भी गुरु का ध्यान करते हो, जिनको मानते हो, उनके ऊपर श्रद्धा रख के गुरु वंदना लेते हैं. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. दोनों हाथ पीछे बांध लेंगे और अपना माथा गुरु के चरणों में रखना है. गुरु हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, ये भाव ये विश्वास मन में है. सीधे हो जाएंगे और अपनी जगह खड़े हो जाएंगे. चलिए सबसे पहले तालियों से शुरुआत करते हैं. तालियां हम खुद को उत्साहित करने के लिए, पूरे माहौल को उत्साहित करने के लिए तालियां बजाते हैं. इससे हमारे जो पंजे हैं हाथों के, उनके प्रेशर पॉइंट्स भी प्रभावित होते हैं. चलिए दोनों हाथ आगे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ. चलिए हाथ नीचे, बहुत बढ़िया. हम जो भी क्रियाएं करेंगे उसको मुस्कुराते हुए करेंगे, जिसका लाभ हमें
अच्छे से मिल पाता है। सर हमारे सर हमेशा बोलते कि स्माइल के साथ कीजिए। इसके बाद है संधि संचालन। प्रेगनेंसी के दौरान हम हमेशा थोड़े बैठे रहते हैं, ज्यादा काम नहीं हो पाता है, अकड़न सी हो जाती है, तो अपने जॉइंट्स के लिए जितने भी जॉइंट्स है हमारे शरीर में जोड़ है उनको खोलने के लिए संधि संचालन बहुत जरूरी है। चलो दोनों हाथ आगे करना है, ये उंगलियों के जो छोटे जॉइंट्स है उनके लिए है। फैलाएंगे उंगली को, तानेंगे अच्छे से, फिर मुट्ठी बंद, जोरदार मुट्ठी बंदी एकदम पक्की ताकत के साथ, फिर खोलेंगे, बंद करते हैं, फिर उंगलियों को खोलते हैं, तानेंगे अच्छे से सारी उंगलियां, उंगलियों के जोड़ फ्री हो रहे हैं यहाँ पे, और बंद। इसके बाद कलाई, ये कलाई का जोड़ है इसको, अब मुट्ठी तो बंद है लेकिन कलाई हल्की ढीली छोड़नी है, तो घुमाएंगे कलाई को राइट टू लेफ्ट धीरे। अगर हम धीरे करते हैं तो बहुत ज्यादा लाभ हमें पता है। तीन राउंड क्लॉकवाइज करते हैं और तीन राउंड एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड। इसके बाद वाला कोहनी का जोड़ है, अपने लेफ्ट हथेली के ऊपर राइट कोहनी रख देंगे और इसको घुमाएंगे। जब हाथ सामने आएगा तो एकदम सीधा होगा, जब पीछे आएगा तो हनु को टच होगा। इस तरह हम घुमाएंगे गोल, कोहनियों के जॉइंट्स यहाँ फ्री होते हैं। वन मोर टाइम घुमाते हैं धीरे, और अभी दूसरे हाथ के लिए राइट हैंड के पंजे पे अभी लेफ्ट हैंड की कोहनी रखते हैं। चलिए घुमाती है धीरे से आराम से, जब भी हाथ सामने आए तो सीधा हो, सीधा होना बहुत जरूरी है, दिखने में बहुत मतलब सिंपल लग रही हो लेकिन बहुत ही लाभदायक होते हैं ये संधि संचालन। अगर हम कुछ ना भी कर पाए तो रोज अगर संधि संचालन भी करते हैं तो हमारे सारे जॉइंट्स मूवमेंट फ्री रहती है। एंटी क्लॉकवाइज, एक बार और, वेरी गुड। हाथ को नीचे रख देंगे, कोहनी के बाद जोड़ आता है शोल्डर वाला, तो शोल्डर के लिए एक्सरसाइज है, दोनों हाथ आगे, पांचों उंगली अपनी जोड़ लेंगे शोल्डर पे रखेंगे और दोनों कोहनियां जोड़ देंगे। अब नीचे से होते हुए पीछे तानेंगे छाती को और ऊपर, दोनों कोहनियां अभी कान के पास है, आगे आने के बाद कोहनियां दोनों जुड़ जाएगी और नीचे, जब भी पीछे जाते हैं तो छाती सामने आएगी, ऊपर और सामने, अभी उल्टी दिशा से ऊपर पीछे, पीछे जाने के बाद छाती को तानते हैं, ट्रेस देते हैं थोड़ा, फिर आगे आगे से होते हुए फिर ऊपर फिर पीछे, तानेंगे अच्छे से छाती को, फिर आगे और हाथ सीधे, थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे अपने हाथों को, एक लॉन्ग ब्रेथ लेंगे, डीप ब्रीदिंग लेंगे और एक्सहेल। जब भी हम थकते हैं तो ऐसे डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए,
इसके बाद वाला जोड़ आता है हमारे आंखों का जोड़। आंखों के लिए क्रिया करते हैं, दोनों हाथ अभी सीधे हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड आंखें लेके जाते हैं राइट साइड, राइट से होते हुए फिर लेफ्ट साइड गोल घुमाना है, फिर राइट साइड पीछे देखने की कोशिश करें जब भी राइट साइड आता है, फिर लेफ्ट साइड। गर्दन को नहीं घुमाएंगे हम यहाँ पे, बस आंखें घुमाना है, रोल करना है आंखों को, फिर राइट साइड पीछे देखने की कोशिश करें, तान देंगे हम, फिर लेफ्ट साइड फिर पीछे देखने की कोशिश करेंगे। अभी राउंड घुमाना है पूरा आंखों को, नीचे से लेके साइड ऊपर, फिर साइड से नीचे, पूरी तरह से ऐसे रोल करते हुए गोल निकालना है आंखों से। साइड का पूरा व्यू देखते हुए हम आंखें रोल करेंगे। एक बार और उल्टी दिशा से, आंखें थोड़े बंद कर लेंगे। अभी ब्लिंकिंग करते हैं आंखों की, उगड़ झाप करो यार, बहुत जल्दी जल्दी करना है। थोड़ा पहले धीरे करेंगे, उसके बाद थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ड्राइनेस कम होती है इससे आंखों की। हम हमेशा स्क्रीन पे रहते हैं या बुक्स पढ़ते रहते हैं, जो तान आता है आंखों के ऊपर उससे काफी रिलैक्सेशन हमको यहाँ मिल पाता है। अभी आंखों को बड़ा करेंगे, सामने देखेंगे, जितना बड़ा हो सके उतना आंखों को हम बड़ा करने की कोशिश करें। फिर अंदर की ओर खींचे आंखों को, नाक भो बिल्कुल सिकुड़े नहीं, नॉर्मली आंखें अंदर खींच रहे, इस तरह का अनुभव हमें यहाँ होना है। फिर खोलेंगे, अंदर की ओर खींचेंगे फिर से, फिर आंखें बड़ी, फिर अंदर की ओर, और थोड़ा सा रिलैक्स। वेरी गुड। इसके बाद वाली क्रिया है गर्दन के लिए। सबसे पहले गर्दन आगे करते हैं और फिर राइट से लेते हुए पीछे धीरे करना है ये क्रिया, फिर लेफ्ट साइड होते हुए आगे, फिर राइट साइड पीछे, लेफ्ट साइड आगे। अब इसको उल्टी दिशा से करते हैं, लेफ्ट साइड पीछे, राइट साइड होते हुए आराम से आगे। एक बार फिर लेफ्ट साइड पीछे, राइट साइड आगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मैं चाहती हूँ कि सभी कैमरा ऑन रखे, वीडियो ऑन रखे, देखे, ताकि मैं भी आप सबको देख सकूं। इसके बाद वाला जोड़ है कमर का जोड़, सबसे महत्वपूर्ण डिलीवरी में। उसके बाद सबसे दुखती है तो बस कमर, क्योंकि हम जॉइंट को फ्लेक्सिबल नहीं रखते हैं ना। पेट आगे करेंगे, साइड से लेते हैं राइट साइड पीछे, फिर साइड, गुड, वेरी गुड। गोल घुमाना है। जब भी हमारी कमर डिलीवरी के बाद दुखती है, हम वेरियस रीजंस देते हैं, हमारा आराम नहीं हुआ, दिस दैट सो मेनी थिंग्स, लेकिन हम भूल जाते हैं, हम कभी भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ना ही अपने स्पाइन को लचीला रखते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज ओनली रीजन। चलिए रिलैक्स हो जाएंगे। इसके बाद वाला जो जोड़ आता है घुटनों का जोड़,
तो हम जिनको पॉसिबल है थोड़ा सा घुटने बेंड कर ले, दोनों हाथ थाइस के ऊपर, और घुटने को लाइट टू रे मूव करना है। सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं परेशानी तो घुटनों की ही होती है, स्पेशली राइट घुटना जो बहुत दर्द करता है डिलीवरी के बाद, तो आफ्टर डिलीवरी भी योग शुरू रखना है। आराम से घुमाएंगे, विरुद्ध दिशा से, वेरी गुड। Very nice. चलिए अब दोनों हाथ कमर पे रखते हैं, एड़ी का जोड़, पैर सामने रखते हैं अपना, और जो पंजा है पंजे की पूरी जो उंगलियां है अपनी अपनी फेस की तरफ खींचते हैं, फिर उसको अंगूठे से दबाएंगे नीचे की ओर, फिर खोलेंगे, फिर दबाएंगे, और अभी एड़ी से गोल घुमाना है पंजे को, धीरे धीरे घुमाएंगे। नीचे पैर, आई नो आपको थोड़ा बैलेंस वाला प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे, पर डोंट वरी। दूसरा पैर आगे लेफ्ट वाला, उंगलियां अपनी ओर, पंजे को अच्छे से, पंजे की उंगलियों को अच्छे से खींचेंगे, फिर अंगूठे से दबाएंगे जोर से, फिर खींचेंगे, फिर दबाएंगे, और अभी एड़ी से गोल घुमाना है। चलिए पैर अभी नीचे, खड़े खड़े रह के थक तो नहीं गए आप? आई होप आप नहीं थके होंगे, एक नए जीव को आप जन्म देने की क्षमता रखते हैं तो नेचुरली हम बिल्कुल कमजोर नहीं हैं। थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, एक डीप ब्रीदिंग लेते हैं और एक्सहेल। ज्यादा समय नहीं है इसलिए मैं ज्यादा आसन नहीं ले पाऊंगी, तो हम खड़े खड़े का बस एक आसन लेते हैं जो बहुत ही जरूरी है, स्पेशली नॉर्मल डिलीवरी अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए, नाम है उत्कट कोणासन। तो करना कैसे है, दोनों पैर में अंतर ले ले और बस कुछ नहीं करना है, घुटनों को बेंड करना है, पोस्चर अपना सीधा रहेगा, स्पाइन सीधी रखना यहाँ पे बहुत जरूरी है, आर्च ना करे ऐसे, सीधे रहे, और जो अपने दोनों हाथ है वो पेट के ऊपर रखे, थोड़ी देर इसी अवस्था में रहे, ब्रीदिंग करते रहे हल्की हल्की, और सीधा हो जाए, थोड़ा और घुटने को मोड़ के फिर इसी अवस्था में आएंगे। आप देखेंगे कि अपनी हिप ओपन हो गई है और अपनी यूटरस की मसल से लचीली होती है, इसका बेनिफिट हमें डिलीवरी में मिलता है। आप अपनी क्षमता अनुसार करें, एक बार फिर और सीधे हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, हिप की मसल्स इंप्रूव होती है इससे। इसके बाद बैठते हैं हम लोग, दोनों हाथ अपना थाइस के ऊपर, और धीरे धीरे आप चाहो जैसे बैठ सकते हो, आप डायरेक्ट बैठ सकते हो, आनंद मंदिरासन, और अभी हम वज्रासन में बैठ जाएंगे, दोनों पैर पीछे हैं, चलिए अभी हम थोड़े बैठे हुए आसन करते हैं, हम सुखासन में आ जाएंगे, बढ़िया पालथी मार से बैठते हैं,
बहुत सिंपल सिंपल आसन हम यहाँ पे करेंगे अभी, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। दोनों हाथ फैलाएंगे बाजू में और ऊपर, थोड़ी देर रुकेंगे, 5 रेस्ट लेंगे। ब्रीदिंग कभी भी डिलीवरी में होल्ड नहीं करना है, हाथ नीचे और हथेली को नीचे रख के हाथ और नीचे। वन मोर टाइम, दोनों हाथ बाजू में, हथेली को ऊपर रखते हुए हाथ ऊपर। दोनों हाथ बाजू में और हाथ नीचे। जैसे हम ऊपर करते हैं तो हमारे जिस साइड की जो मसल्स होती है, और स्पेशली किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, तो उनकी मसाज होती है, और उसकी वजह से हमारा डाइजेशन का जो इश्यूज रहता है पहले कुछ दिनों में, वो भी सॉल्व होने लगता है। चलिए एक लॉन्ग ब्रेथ लेते हैं, एक्सेल, और एक दूसरा बहुत ही बढ़िया आसन करते हैं हम, नाम है मर्जरी आसन, काउ एंड कैट पोज भी इसको बोलते हैं। अपने घुटनों के बल आ जाए, बहुत मैं जो भी आसन बता रही हूं बहुत सेफ है। चलिए स्पाइन एकदम सीधी है यहाँ पे, शुरू करते हैं। सांस को भरते हुए कमर नीचे और गर्दन ऊपर, थोड़ा आकाश की ओर देखने के लिए देखते हैं। सांस को छोड़ते हुए गर्दन नीचे, छाती को लगाएंगे, कमर ऊपर है, फिर सांस को भरते हुए गर्दन ऊपर कमर नीचे। आराम से जेंटल मूवमेंट देना है यहाँ पे, कोई ट्रेस नहीं, कोई तनाव नहीं। फिर सांस को छोड़ते हुए गर्दन छाती को कमर ऊपर, फिर एक बार कमर नीचे है और धीरे धीरे ऊपर देखेंगे। एक बार फिर नीचे और रिलैक्स। हम इसी अवस्था में ऐसे वज्रासन में आ जाएंगे अभी, दोनों पैर पीछे है अपने, हम पिंडलियों के ऊपर बैठे हैं। एक शशांक आसन है, इसको हम बालक आसन भी बोलते हैं। ये डिलीवरी पीरियड में बहुत ही इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे मन शांत होता है। हम इस पोज में जिस जैसे रहते हैं तो एक रिलैक्सेशन का अनुभव हमें यहाँ मिलता है। साइड में जो हमारे साइड की मसल्स है उनका भी मसाज होता है। चलिए थोड़ा सा हम अपने घुटने को ऐसे फैलाएंगे ताकि हमारे बेबी को हम स्पेस देंगे। यहाँ पे पीछे में बहुत ज्यादा नहीं फैलाने पर आगे में। चलिए दोनों हाथ ऊपर, नाम है शशांक आसन। धीरे धीरे हथेली को ऊपर, दोनों हाथ अभी ऊपर है, अब बस आगे आगे झुकना है ऐसे, हाथ नीचे और अपना माथा जमीन को लगाना है और रिलैक्स। फोरहेड जमीन को लगाएंगे और दोनों हाथ अभी रिलैक्स है, कोई ट्रेस नहीं है। यूटेरस को देखेंगे आप, अपनी पेल्विक मसल्स यहाँ पे मजबूत होती है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये भी आसन नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। आप देखेंगे कि यूटेरस वाला पार्ट जो है वहां पे थोड़ा सा तनाव है, इससे मांसपेशियां लचीली होती है यहाँ पे। चलिए हाथ ऊपर, धीरे धीरे हाथ अभी साइड में और हाथ नीचे।
चलिए आराम से बैठ जाते हैं हम लोग। इसके बाद हम प्राणायाम शुरू करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ज्यादा समय की कमी है, तो थोड़ा सा हम बाकी सब आसन थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। प्राणायाम गर्भावस्था में बहुत ही जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि हमेशा गर्भवती महिला को शॉर्ट ब्रीथिंग की प्रॉब्लम रहती है, सफोकेशन रहता है, तो हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर ऑक्सीजन कम हो तो जो शिशु अंदर है तो उसके ग्रोथ में प्रॉब्लम होती है और भी कई सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो प्राणायाम हमें बाकी भलाई कुछ ना करे, लेकिन प्राणायाम हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर करना है। तो सबसे पहला प्राणायाम करते हैं हम दीर्घ श्वसन। दीर्घ श्वसन मतलब लंबी गहरी सांस लेना है और उतने ही टाइम में अपने को सांस को छोड़ना है। सांसों की समझ इस प्राणायाम से हमें मिलती है। आप जिस भी पोजिशन में कंफर्टेबल है वैसे बैठ सकते हैं, लेकिन स्पाइन पीठ एकदम सीधी रहे, ये बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज फायदा हमें नहीं मिल पाएगा। चलो दोनों हाथ अपनी ज्ञान मुद्रा में रखते हैं और दीर्घ श्वसन करते हैं। मैं 6 बोलूंगी, 6 काउंट में आपको सांस को लेना है और 6 काउंट में सांस को बाहर करना है। चलिए लीजिए लंबी गहरी सांस, 1, 2, 3, 4, 5 छः, सांस को बाहर करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 6। एक बार फिर करते हैं। जब मैं काउंट करती हूँ तो उस खींच खींच के सांस नहीं भरना है, रिदम के साथ आराम से लंबी गहरी सांस भरनी है। चलिए लीजिए लंबी गहरी सांस, 1, 2, 3, 4, 5 6 सांस को छोड़ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 6 रिलैक्स। गर्भवती महिलाओं में सांस को छोड़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी हमारी डिलीवरी होती है उस समय हमें इसका बेनिफिट मिल सकता है। डॉक्टर हमेशा बोलते हैं पुश करिए, तो अगर हम सांसों को छोड़ते हुए अगर पुश करते हैं तो इसका बहुत ही बढ़िया बेनिफिट हमें डिलीवरी के समय मिलता है। तो सांस छोड़ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया इस प्राणायाम में है। हम अभी भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। आप सबको पता ही होगा सांस को आराम से भरना है, जब भी सांस भरेंगे हमारा पेट फूलेगा, सांस को छोड़ेंगे तो हमारा पेट अंदर जाएगा। सांस को छोड़ते हुए ध्वनि का साउंड करना है, भ्रमर जैसा साउंड हमें यहाँ करना है। तो चलिए हाथ आप ऐसे रखें ताकि आपके हाथ दुखे ना, दोनों उंगलियां जो है कान में सहज रूप से रखना है। लीजिए सांस भरिए लंबी गहरी, जितना हो सके पेट फुलाइए और भ्रमर जैसे साउंड करते हुए सांस को बाहर, एक बार और सांस को भरेंगे अच्छे से, लंबी गहरी सांस भरनी है और गुंजन करते हुए सांस बाहर। एक बार फिर करते हैं, दोहराते हैं इस प्राणायाम को। लंबी गहरी सांस भरेंगे और गुंजन करते हुए सांस बाहर। हाथ नीचे अपनी जगह रखते हैं, एक और प्राणायाम करते हैं, नाम है अनुलोम विलोम। जो भी
गर्भवती महिलाएं स्पेशली स्टार्टिंग के दिनों में बहुत चिड़चिड़ होती है, गुस्सा आता है, मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं, तो उसके लिए अनुलोम विलोम ये डीप ब्रीदिंग वाला प्राणायाम है, इसका हमें बहुत लाभ हमें स्पेशली प्रेगनेंसी में मिल सकता है। तो अनुलोम विलोम अपने रोज के प्राणायाम में इसको शामिल कर ले। करना कैसे है चलिए साथ में करते हैं। अपने राइट जो अंगूठा है और राइट नोस्टल पे रखें। अभी लेफ्ट से सांस भरनी है अपने को, भरिए लेफ्ट से सांस। अभी लेफ्ट को बंद करेंगे और राइट से सांस को छोड़ेंगे। फिर से राइट से सांस लेंगे, बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस को आराम से छोड़ेंगे, एक्सेल करेंगे। फिर से लेफ्ट से सांस भरेंगे, धीरे धीरे पेट को फुलाएंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे और राइट से धीरे धीरे सांस को बाहर। फिर राइट से राइट नोस्टल को बंद करते हुए लेफ्ट से सांस को बाहर। एक बार फिर बंद और राइट से सांस को बाहर। फिर राइट से सांस को खींचेंगे धीरे धीरे, राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से सांस बाहर। दोनों हाथ नीचे, बहुत सुंदर। मन को एकाग्र करने के लिए, मन को शांत रखने के लिए ये बहुत ही सही प्राणायाम है, इसका नियमित अभ्यास जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अभी ओमकार की तरफ। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, ओमकार करते समय अपने हाथ अपने पेट के ऊपर, हाथ एक के ऊपर रखना है और हम ओमकार की ध्वनि इस माध्यम से अपने शिशु को पहुंचाएंगे। चलिए दोनों आंखें बंद है, सुंदर सा ओंकार का चित्र आंखों के सामने। हम अपने मणिपुर चक्र जो नाभि के पास होता है वहां पे ध्यान रख के हम ओंकार करते हैं। लीजिए लंबी गहरी सांस, ओंकार मणिपुर चक्र, उससे थोड़ा ऊपर अनाहत चक्र हमारा हृदय स्थान, वहां पे अगर हम ध्यान रख के प्राणायाम करते हैं तो सबके प्रति प्रेम भाव जागृत होता है। तो चलिए लीजिए लंबी गहरी सांस, ओंकार विशुद्ध चक्र यानी हमारा कंठस्थ, वहां ध्यान रख के हम अगर ओंकार करते हैं तो हमारी वाणी शुद्ध होती है, गले के विकार दूर होते हैं, जैसे थायराइड हो गया, सारा लाभ हमें यहाँ मिल पाता है। तो लीजिए लंबी गहरी सांस, ओंकार शुरू। आज्ञा चक्र यानी हमारा माथा, जहां पे हम बिंदी लगाते हैं वो स्थान, यहाँ पे अगर हम ध्यान रख के प्राणायाम करते हैं तो हमारी निर्णय क्षमता बढ़ती है। कैसे, कहा, कौन सा निर्णय लेना है, इसका ज्ञान हमें यहाँ पे मिलता है। तो लीजिए भरपूर श्वास, ओ
ओंकार शुरू। उसे ऊपर सहस्त्रधार चक्र, भगवान से एक रूप होने का मार्ग। यहाँ पे मन लगाकर हम ओंकार करते हैं। लीजिए लंबी गहरी सांस, ओंकार शुरू। ओमकार की इस ध्वनि से मन शांत हो चला है। इस शांति को थोड़ी देर बनाए रखते हैं, थोड़ी देर ध्यान में रहते हैं। दोनों हाथ अभी छाती के पास घर्षण करेंगे। सबसे पहले ये घर्षण की ऊर्जा हमें आंखों में देनी है। स्पर्श का अनुभव करेंगे सारे शरीर को, ये ऊर्जा, ये स्पर्श। गर्दन थोड़ी नीचे और धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलते हैं। सबको नमस्कार, समाधान। आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। मैं चाहती हूँ कि आप नियमित व्यायाम करें, निश्चित ही एक हेल्दी बेबी आपके घर में आगमन होगा। रोज व्यायाम करें, प्राणायाम करें, और हैप्पी दिवाली सबको। थैंक यू। खूब सुंदर वाला सेशन सुनीता भाई, बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। और सीमा को, सीमा मतलब समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए आपने बहुत अच्छे और बहुत उपयुक्त आसन बताए। मुझे लगता है कि सब लोगों ने इसका जरूर उसका लाभ उठाएंगे सबजन। और आज के आसनों के माध्यम से और प्राणायाम के माध्यम से हमने, जैसे दीदी ने बताया, सुनीता ताई ने बताया कि प्राणायाम का जो विशेष महत्व ड्यूरिंग डिलीवरी है, तो उसके लिए आप उसे प्राणायाम और आसन को जरूर कीजिए। और आसन और प्राणायाम के बाद हमने जो एक शांति ओम करने के बाद, ओमकार करने के बाद जो ली है, मुझे लगता है आप उसका आनंद रोज जरूर लेंगे। ये आनंद स्वर्गीय आनंद से कम नहीं है। तो आज का ये अवारा सेशन अभी खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। जय श्री ते, जय श्री ते। एक मिनट, मी म्हटलं डॉक्टर आशीष सरांना म्हणा त्यांचा नंबर देऊन द्या। आहेत का डॉक्टर आशीष? आहेत का सर? दिसत नाही आहे, म्हणजे आहे पण नाही आहे। अच्छा, बरं बरं। ऍक्च्युली कधी कधी ना सेशन झाल्यानंतर काही असे प्रश्न येतात, फोन येतात, कि प्रत्येकाचे उत्तर आपण नाही देऊ शकत, काही काही डॉक्टर लोकच देऊ शकतात उत्तर असं। हा हा, बरोबर। शेंबेकर सर खूपच व्यस्त असतात ना, तर आपण एखाद्या वेळेस मग त्यांनाही विचारू शकतो। अस्मिला विचारता येईल नंबर मला वाटतं। हा हा, ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे। तर आजचा हा कार्यक्रम खूप छान झालेला आहे, सगळ्यांनी खूप एन्जॉय केलेला आहे। आम्हाला पण खूप छान वाटलं सगळ्यांशी इंटरॅक्शन करून, आणि आमचं बोलणं तुमच्यापर्यंत निश्चितच पोहोचलं असेल, जे बाळाच्या आणि पुढच्या पिढीच्या कामात येणार आहे। तर आजच्या या कार्यक्रमाला, कार्यक्रमाच्या माध्यमातून बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल परत एकदा शेंबेकर डॉक्टर मॅडम व समस्त ओमेगा टीमचे आभार मानते। त्याचप्रमाणे आराधनाताईंनी आपला बहुमूल्य वेळ यासाठी दिला, तसेच सुनीताताईंनी पण खूप छान आसन घेऊन सगळ्यांना त्याची माहिती दिली आणि सगळ्यांनी त्याचा आनंद घेतला असेल अशी अपेक्षा, अशी मी आशा व्यक्त करते। आणि आजच्या कार्यक्रमाची सांगता शांती मंत्राने करते। तर सगळ्यांना विनंती आहे की त्यांनी हात जोडावे, डोळे बंद करावे आणि माझ्यासोबत येत असल्यास हा मंत्र म्हणता येईल। ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सगळ्यांना धन्यवाद जिग्नेश जी थैंक यू वेरी मच मला वाटतं जिग्नेश जी पण आहेत की नाही ठीक आहे आपण लिव करून देऊ हा आणि सगळ्यांना हॅपी दिवाळी आमच्याकडून दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा शुभेच्छा ओके सगळ्यांना दिवाळीच्या शुभेच्छा चला भेटूया ताई हो हो सेशन सेशन सेशन